वट डवर यू कैन डू और ड्रीम यू कैन बिगिन इट फॉर बोल्डनेस हैज़ मैजिक पावर एंड जीनियस इन इट बिगिन इट नाउ जर्मन स्टेट्समैन और राइटर ने एक बड़ी मशहूर बात यह बोली है जिनका नाम है गोएटे उन्होंने कहा है कि जो भी आप कर सकते हैं वो और जो भी आप करने का ड्रीम कर सकते हैं वो उसको शुरू करिए क्योंकि अगर आप निडरतर से कोई काम शुरू करते हैं तो आपको एक जीनियस एक पावर एक मैजिक मिलता है करने के लिए उसको कोटेशन मैंने इसलिए बोली ताकि आप लोग तैयारी कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम्स की और शुरू कर पाए अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से बिना डरे बिना फेयर के वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू यू ऑल स्वागत है आपका फिर से एक अकॉर्डिंग में मैं हूं आपका मेंटर अनुराग त्यागी एंड अ वेरी वेलकम स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर आज हम लोग जुड़े हैं टू टॉक अबाउट फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री सेक्शन आपकी ग्रेट टेन फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें जितनी भी पोम्स हैं उन सबको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विल अप्रिशिएट देम वन बाय वन एंड विल अंडरस्टैंड द मीनिंग इनके जो भी पीवाई वाई की क्वेश्चन हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अगर आप लोग मुझे अच्छे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो एक बार हेड्सअप दे दीजिए गिम या कॉमेंट गिम थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन आई कैन सी आप सारे लोग जुड़ चुके हैं दिव्या संतोष अलीहा <coughs> प्रीति, मुझे एक बार आप, अगर आप ये बता सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के कौन से हिस्से से हैं, just let me know. In the comments से हैं, हैं, कि कि आप लोग करते किसके जगह से uh, मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं अभी जस्ट कॉमेंट इट आउट फटाफट से कॉमेंट में बताइए कि से से आप लो हैं? से आप लोग लोग हैं, वार्म गुड इवनिंग बिहार ओके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा मधेपुरा रांची बहुत बढ़िया प्रयागराज राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश फैंटास्टिक ऑलमोस्ट फ्रॉम एंटायर द नॉर्दर्न इंडिया दरभंगा बिहार गुरुग्राम वेस्ट बंगाल जयपुर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया ग्लैड टू हैव यू पीपल हियर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ तो चलिए शुरू करते हैं फिर मुझे दिख रहा है कि आप लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से यहां पर हैं महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल अयोध्या बिहार भोजपुर बहुत बढ़िया नाइस ग्लैड टू नो दैट चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास आज का सेशन जो हमने प्लान किया है उसका गोल है आपको सारी पोम्स के थ्रू टू टेक यू थ्रू ऑल द पोम जो भी आपके सिलेबस में है साथ साथ ये भी समझना कि इन पोम्स में से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे थैंक यू ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्लान क्या एक बार ये देख लेते हैं तो हमारी कौन कौन सी पोम्स आज हम कवर करने वाले हैं दीज आर ऑल द पोम्स हम कवर करने वाले हैं आपकी बुक से डस्ट ऑफ स्नो फायर एन आइस टाइगर इन द ज़ू हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द बॉल पोम दिस शुड बी द बॉल पोम अमैंडा द ट्रीज द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन फॉर एनग्रग्रियन एक यहां पर मिस हुआ है विच इज फॉग ये वाली पोम भी हम कवर करने वाले हैं सो देर टेन पोम हम कवर करेंगे बहुत ज्यादा टाइम इनमें नहीं लगाएंगे हम बट विल विल टेक इनफ टाइम टू कवर द माइंड चलिए शुरू करते हैं अब अगर आप लोग रेडी हैं आई थिंक आप लोग में से काफी सारे लोग अभी कॉन्करेंटली जुड़ गए हैं मेरे साथ सो दैट ऑल ऑफ यू आर ह्योर देन विल बिगिन हम एक छोटा सा वोकाबरी गेम खेल लेते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए ह्योर इज द गेम फॉर यू छोटा सा गेम है बिल्कुल इंटरेस्टिंग गेम है स्टार्ट करता हूँ चलिए रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इन सेंटेंसेस को आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू क्या क्या है चार पोर्शन है इसके टू रेज द स्टेटस फ्रॉम अदर्स एंड टू गेन एक्सेप्टेंस पीपल फॉलो फैशन ये चार ऑप्शन है टेक देम टू बी ए बी सी डी ठीक है ये चार ऑप्शन है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हियर इज द पोल फॉर यू ये रहा आपका पोल फटाफट से बताइए ठीक है ठीक है ठीक है आते रहिए फटाफट से आइए आई वॉन्ट की आप लोग फटाफट से जुड़ जाए आई एम सींग कुछ और बच्चे भी एक्सपेक्टेड है आई बिलीव आई डो नॉट सी द फुल स्ट्रेंथ राइट नाउ तो जैसे ही आप लोग जुड़ेंगे हम फिर फोर्म स्टार, स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन लेक्चर है अभी पहले दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं वोकाबली बेस्ड जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में यूजफुल हैं प्लस आपकी वोकाबली स्ट्रेंथन करने के काम आएंगे <laughs> ओके बड़ा सिंपल सा आंसर इसका है आंसर बता देता हूं देखिए पीपल फॉलो फैशन ये सबसे पहला आएगा लेट मी टेक दिस वन ओके पीपल फॉलो फैशन ये सबसे पहला होगा टू रेज द स्टेटस ये दूसरा होगा एंड टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स ये ऑर्डर होगा सो करेक्ट ऑर्डर विल बी डी ए सीबी डी ए सी बी विच इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया ये सेवेंटी सिक्स परसेंट बढ़िया फैंटास्टिक आगे चलते हैं चलिए अब आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इनमें से बड़ा सिंपल है यह चार वर्ड आपको दिए गए स्क्रीन पर तो से कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है एन एल आई मीन आपके सामने है आई बिलीव ये बड़े सिंपल से वर्ड है बहुत कॉमनली आपने इनको सुना होगा फटाफट से बताइए क्या है इनमें रिलेशन जल्दी से पिंक करिए करेक्ट आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स आपको कुछ नहीं करना है आपको पोल शायद विजिबल नहीं होगा यूट्यूब पे ऐप पे जनरली विजिबल होता है लेकिन आपको कमेंट कर देना है करेक्ट आंसर विल पिक द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर वहां से हम उठा लेंगे किस किसने सही आंसर दिया है ठीक है तो बताइए जल्दी से फटाफट से कमान 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 क्विकली ओके इन चारों में से बड़ा सिंपल है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है

ओके okay. फटाफट से कमेंट करके बताइए जल्दी से बच्चा पार्टी फटाफट से बता दीजिए अ फेदर इन वनप क्या मतलब होता है इसका एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है काफी कॉमनली यूज होता है एग्जाम्पल देता हूं चलो बाई हिटिंग सेंचुरी विराट कोहली हैज अनदर फेदर इन हिज कैप मतलब एक और अचीवमेंट अनलॉक कर दिया है। उन्होंने अपनी लाइफ uh, का न्यू अचीवमेंट करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ठीक है सोटेंटी नाइन परसेंट करेक्ट दिया आई बिलीव फॉर सम रीजन आपका इसका मतलब नहीं जानते थे बट नो वरीज ठीक है आप इसका मतलब पिक कर लिया चलिए अब शुरू करते हैं बच्चे अपनी पोम के साथ आई बिलीव आप में से ज्यादातर लोग जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड थे वो आ गए हैं तो अब शुरू करता हूँ बच्चे सबसे पहली पोम आपकी है डस्ट ऑफ स्नो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस साहब ने एक बहुत ही मशहूर पोएट रहे हैं ग्रेड में नाइन भी, में भी आपने इनकी एक पोम पढ़ी होगी विच इज द रोड नॉट टेकन हम सारे लोगों को बहुत सारी जगह गाइड करती है वो पोम एनी anyway, तो इस पोम में डस्ट ऑफ स्नो में एक बड़ी छोटी सी पोम है बड़ा छोटा सा मैसेज उन्होंने देना चाहा है पहले पोम को देखते हैं इसका थीम यह है कि नेचर में जितनी भी चीज होती है एनीथिंग जिसको हम चाहे फॉर्चुनेट मानते हैं चाहे अनफॉर्चुनेट मानते हैं या हम लोगों ने इंसान लोगों ने कुछ चीज़ों को अशुभ मानना शुरू कर दिया कुछ चीज़ों को शुभ मानना शुरू कर दिया लेकिन पोएट कहते हैं कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं रिस्पेक्टिव ऑफ वट वी होल्ड फॉर देम जिस तरह की कॉन्डिशन हम हमारे मन में उनको लेके उनकी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट वो सब आर केपेबल ऑफ गिविंग प्लेजेंटनेस अराउंड वो सारी चीजें चारों तरफ खुशियां चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाने में इक्वली केपेबल होती है ना ही कोई चीज बेकार है ना ही कोई चीज अशुभ है सारी चीजें पॉजिटिव है एनीथिंग दैट रिलेट्स टू नेचर ये ये इससे मैसेज मिलता है ये इसका थीम है बेसिकली चलिए अब एक बार फोर्म देख लेते हैं छोटी सी फॉर्म है जिसमें तीन प्राइमरी चीजें आप देखते हैं एक इसमें देखते हैं आप एक हेमलॉक ट्री ये भी बता देता हूं पहले आपको सबसे पहले आप इसमें देखते हैं हेमलॉक ट्री अभी हेमलॉक ट्री क्या होता है तो हेमलॉक ट्री एक तरह का पेड़ होता जिसकी है जिसकी लीव्स पॉइजनस होती हैं अगर आपने वो लीव्स गलती से खा ली तो ये फेटल हो सकता है जान जा सकती है दूसरी चीजों ने लिए है वो है लिया है क्रो क्रो एक कौआ जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट माना जाता है एक तो ये नेगेटिव कॉनोडेशन uh, uh, होती है इसकी इसका बैड ओवन माना जाता है अशुभ माना जाता है इसको दूसरा इट डजेंट अ वेरी प्लेजेंट साउंड बहुत अच्छी आवाज भी नहीं होती है कोवे की तो इसलिए उसको भी थोड़ा नेगेटिव सा ही माना जाता है और तीसरी चीज जो पोइट ने यहां पर लिया वो है लिया है स्नो को इन तीनों चीजों को यूज करके उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी पोम लिख दी है उस को करते हैं we'll meaning, meaning इसके, तो सबसे पहले माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड अ डे आई हुआ इसका? तो इसका मतलब बड़ा सिंपली इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड मुझे दिख नहीं रहा है डिफिकल्ट वर्ड अगर कोई है तो ये है रूड रूड का मतलब होता है मतलब एक ऐसा दिन जो कि आपका बहुत अच्छा सा गुजरा ना हो आप सैड या डिप्रेस्ड रहे उस दिन में ठीक है है ओके अब क्या मतलब है? तो एक छोटा सा किस्सा हुआ पोएट के साथ क्या होता है कि पोएट एक जगह से जा रहे होते हैं और वहां पर ऐसे इस तरह से वहां पर एक ट्री उस रास्ते में उनके उनके उनको दिखता है जो कि स्नो लिडन होता है उस पर पूरा स्नो कवर्ड होता है वो कौन सा ट्री होता है वो होता है हेमलॉक है ट्री और उसके ऊपर एक बर्ड बैठा होता है एक पंछी बैठा होता है क्रूप जैसी पोएट उसके नीचे से गुजर रहे होते हैं वो पंछी हिलता है और पोएट के ऊपर कुछ ये जो स्नो के पार्टिकल्स है वो गिर जाते हैं अब पोएट का जो पूरा दिन है ना इससे पहले बड़ा बेकार सा डिसअपॉइंटेड सा और सैड सा गुजरा था लेकिन जैसे ही ये होता है पोएट के साथ ये इवेंट होता है एक छोटा सा तो एकदम से उसके ऊपर स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिर जाते हैं तो उसका मूड एकदम चेयरफुल हो जाता है वो कहां तक अभी बिल्कुल अभी तक बिल्कुल सैड और डिसअपॉइंटेड थे लेकिन अब वो बिल्कुल चेयरफुल हो जाते हैं खुश हो जाते हैं ये छोटा सा किस्सा जो है बस इस फॉर्म में यही बताया गया इन शॉर्ट यहां पर आपको क्या बताया गया आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि नेचर में ऐसी चीजें जैसे कि हेमलॉक ट्री जैसे कि क्रो जिनको हम दोनों को नेगेटिव मानते हैं इन दोनों चीजों को जिनको नेगेटिव जनरली माना जाता है उनके अंदर भी एक पावर है किसी की किसी के लिए पॉजिटिविटी लाने की किसी का किसी के लिए चेयरफुलनेस लाने की therefore this message simply conveys the message ki anything and everything in nature is positive nothing in nature has, uh, relates to uh, ill omen या bad omen everything can be fortunate ये बस हमारा एक perspective है ये बात यहाँ से इस poem से निकल के आती है in short ठीक है तो clear होगा I believe आपको ये बिल्कुल simple सी poem थी चलिए आगे इसके कुछ portions देखते हैं कुछ poetic devices इसके अंदर हैं वो check देखते हैं फटाफट से एक बारी अब पोइटिक डिवाइसेस से पहले मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं बिफोर इंट्रोड्यूस यू टू द पोइटिक डिवाइसेस आई बिली में सब लोगों को पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है ये जरूर पता होगा लेकिन जनरली लैंग्वेज में एक्सप्रेशन जितनी भी एक्सप्रेशन हैं उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक तो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरे होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच अब दोनों का क्या रोल होता है क्या पर्पस होता है एक बार ये देख लेते हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो अलग अलग वर्ड्स जो आपका सेंटेंस बनाते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सिंपली आई एम अनुराग अगर मैं ऐसा लिखूं तो आप देख रहे हैं ये तीन कॉम्बिनेशन से तीन वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक सेंटेंस है जिसमें आप आय देखते हैं तो उसका रोल क्या है ये एक प्रोनाउन है एम देखते हो तो ये एक वर्ब है और अनुराग देखते हो तो ये एक नाउन है तो तीन अलग अलग वर्ड जिनका अलग अलग काम है वो तीनों मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो भी बोलते हैं उसमें जो जो वर्ड्स हैं उनमें जो जो पार्ट्स हैं उसको सिंपली वी कॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच अब दूसरा आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच का क्या प्रपस होता है तो फिगर्स ऑफ स्पीच जनरली होते हैं लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स भाषा के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण जो होते हैं या भाषा को ब्यूटिफाई करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको आप बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे एग्जाम्पल देखिए मैं बोल सकता हूं कि ये बहुत तेज दौड़ता है लड़का मेरी क्लास में जो एक साथी है मेरा ही वेरी फास्ट लेकिन इस बात को बोलने का और अच्छा तरीका एक हो सकता है थोड़ा और एम्फेसिस बाल इस बात में अगर मैं बोलूं ही लाइक अ चीता ये चीते की तरह दौड़ता है या मैं बोल सकता हूं ही इज द चीता ऑफ माई क्लास अगर मैं ऐसे बोलूं तो थोड़ा सा बात में दम आ गया या आप मान लीजिए कि मैं आज सुबह अपने घर से स्कूल तक आया चल के मेरी वैन काम नहीं करी थी तो और फिर ऐसे ही वापस गया चल के काफी दूर था मेरा स्कूल तो मैं घर पे जाके बोल सकता था कि यार मैं बहुत दूर से चल के आया हूं आई वॉक द ऑफ डिस्टेंस टूडे लेकिन इसके जगह मैं बोलूं आई वॉक द मिलियन माइल्स टूडे थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के अगर मैं बात को बोल दूं तो बात में दम आ गया थोड़ा सा ये जो टूल मैंने यहां पर यूज किया वो था हाइपरबली एक्साजेशन इससे पहले जो मैंने यूज किया वो सिमिलर मेटेफर थे सिंपली मैंने एक ही बात को बस दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर दिया जो कि क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसिस का यूज है इससे बात में एम्फेसिस बढ़ जाता है या कोई म्यूजिकल फैक्ट्री होता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा सी, शेल, सी शेल्स द सी स स की आवाज बार बार रिपीट हो रही है अक्सर पोम्स में इसका यूज किया जाता है इसको आप एलिट्रेशन बोलते हैं पोएटिक डिवाइस को तो अलग अलग डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिनको आप फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं क्यों ताकि भाषा को और खूबसूरत आप बना सकें और सुनने में अच्छा लगे लोगों का रीडर्स का ऑडियंस का ध्यान अट्रैक्ट कर पाए आप सिंपली ये रीजन होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहां पर मेटाफर और सिमली के अभी एग्जाम्पल दिए है ना और भी लिख सकते हैं आप हाइपरबली एलिट्रेशन जो भी आते जाएंगे अभी में अलग अलग उनका usage में आपको बताता जाऊंगा अब आपको एक चीज और बता देता हूं जैसे साउंड से रिलेटेड कुछ एक पोटिक डिवाइसेस है हमारे जनरली आप दो तरह के साउंड देखते हैं एक तो होता है वॉल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड ध्यान से देखेगा इसको क्योंकि इसमें एक तीन पोर्टिक डिवाइस की समझ आपको इजीली आ जाएगी तो अगर वाल साउंड की बात करूं तो जनरली ये पांच होते हैं ए ओ यू इन इनमें हर एक दर, का अपना एक साउंड होता है जैसे एप्पल का ए का आप सुनते हैं जैसे कि एप्पल में अ की आवाज आती है स्टार्टिंग में ई e का आप सुनते हैं जैसे कि ईयर में आती है ई e की आवाज आई का आप सुनते हैं जैसे कि आइस में आती है ओ का आप सुनते हैं जैसे कि ऑरेंज में ओ की आवाज आती है लेकिन यू का अपना कोई साउंड नहीं होता है यू का अपना कोई साउंड नहीं होता या तो वो ए की तरह आवाज देता है जैसे कि अम्ब्रेला में दे देगा या वो वाई की तरह वाई यू की तरह साउंड देता है जैसे वो यूनिकॉर्न में देगा इन दोनों में से कोई एक आवाज होती है यूकी यानी कि आपको ध्यान का रखना है आपको ध्यान रखना है इन चारों का ए आई ओ अगर इनकी आवाज सेंटेंस में रिपीट हो बार बार जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए अगर इनकी एग्जाम सेंटेंस में रिपीट हो आवाज बार बार जैसे इट इज अफुल डे आप देखते हैं इसमें ई की आवाज बार बार रिपीट हो रही है इट इज अ ब्यूटिफुल डे में ई e की आवाज ये वाली ई e की आवाज जो है साउंड रिपीट हो रहा है वाल साउंड तो जब भी ऐसा होगा आप इसको एजोनेंस मानेंगे इसको आप एजोनेंस मानेंगे दिस इज कॉल्ड एजोनेंस ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसको आप एजोनेंस मानते हैं सिंपल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ही आपको अब अगला पार्ट देखते हैं चलिए अब अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं देखिए बी इनको छोड़ के जो भी बचे बी सी डी एफ जी एंड सो ऑन जी जितने भी लेटर्स बचे इनको छोड़ के ए आई ओ यू को छोड़ के वो सब कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं अब कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो एक सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे कि अर्ली बर्ड ट्स द वर्म अगर इस तरीका का सेंटेंस आपको आ जाए एक्सप्रेशन आपको आ जाए तो उसमें आप देखते हैं र की आवाज रिपीट हो रही है अर्ली में र की आवाज आ रही है ऐसे बर्ड में र की आवाज आ रही है ऐसी वर्म में रह की आवाज आ रही है एक कॉन्सनेट साउंड रिपीट हो रहा है तो इसको आप मानते हैं कॉन्सोनेस ये होता है कॉन्सोनेस कहीं भी अगर आप एक कॉन्सोनेट साउंड को रिपीट होते हुए देखें ध्यान से देखिएगा कुछ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगा शायद यहां पर अभी इसको आप बोलते हैं कॉन्सुनेंस लेकिन एक विशेष तरह का कॉन्सोनेंस और होता है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सोनेंस और होता है एग्जाम्पल देख लो एक और मान लो अगर मैं ऐसे लिख दू सी सेल्स सी शेल्स बाय द सी अगर ऐसा सेंटेंस आपको आ जाए तो आप देख रहे हैं यहां पर एक साउंड रिपीट हो रहा है स की आवाज बार बार रिपीट हो रही है वो भी हर वर्ड की स्टार्टिंग में हर वर्ड की स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है जब भी ऐसा होगा तो है तो ये भी कॉन्सोनेंसी एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो ये तो कॉन्सोनेंसी बना लेकिन जब भी कॉन्सुडेंस वर्ड की स्टार्टिंग में हो तो आप उसको एलिट्रेशन बोल देते हैं ये हो गया एलिट्रेशन क्या बोला मैंने आपको तीन पोएट्रिक डिवाइसेस समझाने की कोशिश करी अभी क्या बोला मैंने दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूं इन शॉर्ट अगर वाल साउंड रिपीट हो बार बार सेंटेंस के अंदर या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल डे में ई ई की आवाज बार बार रिपीट हो रही है जो कि एक वाल साउंड है तो आप उसको बोलते हैं एजुनेस अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो बार बार कहीं पे भी स्टार्टिंग एंड मिडिल कहीं पे भी तो आप उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट जैसे अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म में र की आवाज रिपीट हो रही है वेर एज अगर कॉन्फेंस किसी वर्ड की स्टार्टिंग में हो रही हो या कॉन्फेंस साउंड हर बार किसी वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा हो जैसे सी शेल्स बाय द सी में स स की आवाज वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है तो आप उसको बोलेंगे एलिट्रेशन क्या क्लियर है ये तीनों आपको एजोलेंस कॉन्फिडेंस और एलिट्रेशन ये तीनों क्या होते हैं एक बार फटाफट से हेडसअप देखकर बता दीजिए मुझे अगर क्लियर है तो फटाफट से जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से अगर ये तीन क्लियर है तो फिर आगे चलना है मुझे जल्दी से बताओ गिव मी थम्स अप गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इवनिं। फटाफट से बताओ भाई पैराग्राफ राइटिंग अच्छा ठीक है राइटिंग स्किल्स में कवर होगा बच्चे वो ठीक है क्लियर है ये तीनों चीजें इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को क्योंकि अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको ये दस की दस फॉर्म्स में आपसे पूछने वाला हूं इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया है है ओके ठीक तो आप लोगों को क्लियर होगा कि और एलिट्रेशन क्या होता है आप मुझे बताइए हाँ आप मुझे बताइए इन पोम के अंदर कौन कौन से पोइटिक डिवाइस हैं? वैसे मैंने लिखा हुआ है यहां पर बट देखते हैं चलिए बारी बारी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है जल्दी से बताओ <coughs> <laughs> नाम ले लो एक बारी हा वट इट डस्ट कि आप लोगों का नाम लिया जाए आप लोग ऐसा काम करो कुछ कि आपका नाम लिया जाएगा फिर है ना ठीक है ओके okay, चलो मैं आपको बताता हूं बारी बारी से आप देखो द वे अक्रोस शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव आई रूट तो आप लोग यहां पर देख रहे हो ये वाला ह, हो, की आवाज़ रिपीट हो रही है ऐसी स की आवाज रिपीट हो रही है यहां ह रिपीट हो रहा है यहां पर स रिपीट हो रहा है तो ये हो गया एलिट्रेशन येलो से हाईलाइट किया है मैंने अब दूसरा देखो दूसरा देखिए अब ये देखिए अब यहां पर क्रो ओ की आवाज रिपीट हुई ऐसी डाउन में ओ की आवाज रिपीट हुई ऑन में ओ की आवाज रिपीट हुई स्नो में ओ की आवाज रिपीट हुई जो कि एक वाल साउंड है यानी कि ये हो गया एजो

परफेक्ट एग्जाम्पल है पूरी लाइंस में, कहीं भी मार्क नहीं सिर्फ एंड में एक फुल स्टॉप आया है आप अगर लिख दिया, उनको उनमें की में कर दिया और उनको फिर एक फॉर्म में डाल दिया है विच इज रिमार्केबल थिंग इफ यू सी इट फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट पर्सपेक्टिव अजीब सी बात है मतलब ये तो कोई हैरान होगा इसको देख के एनी वे तो एंजॉयमेंट है यहां पर थ्रू आउट अब आगे देखिए एक पोएटिक डिवाइस जो कि होता है इमेजरी यह पोएटिक डिवाइस ऐसा होता है ओके ये जो पोएटिक डिवाइस होता है इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जो कि लगभग हर पोम में होता है दो तीन पोएटिक डिवाइस आपको बताता हूं एक तो सबसे पहला इमेजरी यह इमेजरी क्या होता है जब भी राइटर या पोएट कोई ऐसी चीज लिखे जो कि आपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना पाओ जिस चीज की उसको आप इमेजरी बोल देते हैं कई तरह के इमेजरी होता है वैसे विजुअल इमेजरी इमेजरी होता होता है होता है ऑडिटरी लेकिन आप इतना समझिए कि जब भी आपको पोएट कुछ ऐसा लिख के दे जिससे आप उसकी एक मेंटल इमेज बना पाओ अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज कर पाओ तो वहां इमेजरी यूज हुआ है और लगभग हर पोम में हर लिटरेरी टेक्स्ट में इमेजरी यूज तो होता ही है तो आप बाय डिफॉल्ट एक लिटरेरी टूल जो मान सकते हो जो कि हर लगभग हर पोम में यूज होता है वो होता है इमेजरी दूसरा जो कि लगभग हर पोम में यूज होता है वो होता है सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म क्या होता है अब अब सिंबोलिज्म होता है बच्चे एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जब पोएट आपको कुछ बताए पोएम में लिखे लेकिन उसका एक और हिडन मीनिंग हो एक सरफेस मीनिंग हो जो कि आपको पढ़ के समझ में आ रहा है और एक छुपा हुआ मीनिंग हो उसके अंदर राइट right? तो ये जो होता है ये होता है सिंबोलिज्म क्लियर होना चाहिए आपको यहां पर क्या सिंबोलिज्म है अब यहां पर सिंबल ये है कि ये जो स्नो ये हेमलॉक ट्री है और ये जो क्रो है ये दोनों ऐसे सिंबल्स हैं जो कि बैड ओमन रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ये दोनों ही नेगेटिव माने जाते हैं नेचर में लेकिन पोएट ने इनका इस्तेमाल बखूबी किया ये दिखाने के लिए कि ये नेगेटिव नहीं होते हैं सिंबोलिज्म का मतलब क्लियर हो, होगा बिल्कुल ठीक है क्लियर तो होगा बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, इसमें होनी चाहिए आप लोगों को अब आगे चलते हैं चलिए इसकी क्या राइम स्कीम है तो राइम स्कीम आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं कुछ बच्चों को हालांकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मुश्किल होना नहीं चाहिए आप देखिए यहां पर क्रो है इससे जो साउंड आ रहा है मैं उसको ए मान लेता हूं क्या ये जो दूसरा वर्ड हाईलाइटेड जो है यहां पर मी इससे भी क्रो जैसी आवाज आ रही है नहीं तो मैं इसको बी मान लेता हूं स्नो जो है उससे मी या स्नो क्रो में से किसकी ऐसी आवाज आ रही है तो क्रो जैसी आ रही है तो मैं यहां फिर से ए लिख लेता हूं और जो ट्री है उसमें मी जैसी आवाज आ रही है तो मैं फिर से बी लिख लेता हूं ये हो गई इसकी राइम्स की ए बी ए बी सिंपली ठीक है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ये राइम स्कीम है एबी एबी कभी भी आपको राइम स्कीम बिना एक्सट्रैक्ट दिए नहीं पूछी जाएगी ये जो पोएट्री वाला सेक्शन है इससे आप मान के चलिए कि एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें आपको पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइव मार्क का क्वेश्चन वो होगा चार या पांच क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू हो सकते हैं वो शॉर्ट आंसर हो सकते हैं वो एक सिंगल वर्ड का आंसर हो सकता है लेकिन याद रखिए अगर एक मार्क का क्वेश्चन आया तो आप थर्टी फोर्टी वर्ड्स मत लिखिएगा उसमें वो सिंपली आपको कुछ वर्ड्स में जवाब देना है हो सकता है एक सिंगल वर्ड आंसर आपसे एक्सपेक्टेड हो वो समझिएगा लेकिन उसमें लंबा लॉन्ग आंसर मत लिख के आ जाना उसको ध्यान रखना इस बात का फाइन तो राइम्स की आपको जब भी दी जाएगी इस तरह से एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा फिर जाएगा तो आप ऐसे तभी के तभी निकाल सकते हो पोएट याद रखना पोएट भी पूछा जाता है पोएट का नाम याद रखना चाहिए आपको हर एक पोअम के ठीक है एक बार दो तीन बार इसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा आगे चलते हैं चलिए अब राइन स्कीम क्लियर है देखो इस वाले पैराग्राफ से निकाल सकते हो चाहे इस वाले पैराग्राफ से निकाल लो तब भी सेम निकलेगी हार्ट को ए मान लो मूड को बी मान लो पार्ट को फिर से ए मान लो और रूड को बी मान लो फिर से तो ए बी ए बी हो जाएगी है, है ना राइम स्कीम सेम रहती है पोम की जनरली अगर कहीं डिफरेंट होती है उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं चलिए अब आगे चलते हैं जी क्या मैसेज मिलता है इस पोएट से पोम से तो इस पोम से मैसेज यह मिलता है कि एनीथिंग इन नेचर एवरी थिंग एंड एनीथिंग इन नेचर हैज अ पॉजिटिविटी अबाउट इट कुछ भी नेचर में इनफॉर्च्यून का नहीं होता है वन एंड नेचर का एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होता है जो कि किसी भी इंसान का मूड कभी बदल सकता है ये दो मैसेजेस आप इससे ड्रॉआउउट कर सकते हैं मैं इनको लिख भी देता हूं एवरीथिंग हैज पॉजिटिविटी एसोसिएटेड थ इट ठीक है एवरीथिंग इन नेचर मान लो बल्कि आप इसको मैं एवरीथिंग इन नेचर मान लेता हूं एवरीथिंग इन नेचर हैज अ पॉजिटिविटी एसोसिएटेड विद इट या अबाउट इट और दूसरा नेचर हैज्रांसफॉर्मेटिव पावर नेचर की एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है ये आप एसोसिएट कर सकते हैं ये दोनों मैसेजेस से आप ड्रॉआउउट कर सकते हैं नेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा आप बता रहे हैं कई सारे बच्चे भी कर रहे हैं अलग वॉइस आ रही है ऐसा क्यों भाई नेचर एज पोटेंशियल टू चेंज एन वन मूड ये भी सही बात है नॉट बैड बिल्कुल सही है आगे चलते हैं चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए बताइए फटाफट से द पोएट डे आई रूड सेट इज द मीनिंग ऑफ रूड यहां पर रूड का मीनिंग क्या है यहां पर पोएम में यूज क्या है ना एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई समेड रूड तो ये जो वर्ड रूड है इसका क्या मीनिंग है रूइ हेल्ड रूड या कॉन्ड क्या मीनिंग है फटाफट से बताओ जल्दी से कमान 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 क्विकली क्विकली जल्दी से कमान 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 कौन क्विकली फटाफट से आंसर दो इसका जल्दी से बहुत ही सिंपल आंसर है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेल्ड इन रिग्रेट है ना सैड या डिप्रेस्ड बहुत बढ़िया नाइस नेक्स्ट विच पोर्टिक डिवाइस

जल्दी से बताओ आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ओके सेव्ड सम सर, सर की आवाज़ रिपीट हो रही है है एलिट्रेशन पर ऑप्शन डी ठीक है डी आपने बोला जाता बच्चों ने कुछ अभी भी बी बोल रहे हैं भाई ऐसे कैसे बी क्या था मेटाफर क्यों भाई सेव्ड सम पार्ट में मेटाफर कैसे हो सकता है अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन है कौन से नेगेटिव सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया है पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट कन्वे करने के लिए ऑप्शन ए हेमलॉक ट्री क्रो क्रो स्नो स्नो हेमलॉक ट्री क्रो डस्ट किसको यूज किया गया फटाफट से बताइए जल्दी से जल्दी से बताओ भाई ओके okay. ओके ओके करेक्ट आंसर इज है ट्री और क्रू दोनों को इस्तेमाल किया गया एक जो कि दोनों ही नेगेटिव सिंबल्स माने जाते हैं यूजुअली नेगेटिव अटैच होती है इनसे उनको पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए यूज किया गया है आपके लिए तो बताइए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है ना फोर्टी एट परसेंट ठीक है नॉट बैड फोर्टी क्रू एंड डस्ट ये वाला कैसे सही हो सकता है भाई हेमलॉक ट्री भूल ही गए आप लोग एनी anyway, वे ये भी क्वेश्चन बता दो माई हार्ट चेंज मूड इज पोएट्स मूड नाउ अब पोएट का मूड कैसा है change होने के बाद Appreciative of nature, thoughtful, happy और cool. किस तरह का का? मूड है है ये बताना है आप लोगों को बताइए जल्दी से बताओ फटाफट से कमान 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 क्विकली क्विकली किस तरह का मूड है पोएट का पॉजिटिव है नेगेटिव है रिग्रेटफुल हैप्पी है थॉटफुल है, है कैसा

Uh, ये वाला क्वेश्चन करते हैं ओके okay. क्वेश्चन करते हैं ये वाले फटाफट से PYQs देख लीजिए स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आर लाइफ इलाबरेट विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती हैं इसका रेफरेंस दिया है डस्ट ऑफ स्नो का और उसको यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है इस आंसर को यह आया हुआ इन सीबीएससी ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन में क्वेश्चन आया हुआ है जल्दी से एक बार ही आपको क्या लगता है इसका फटाफट से बताओ मुझे मतलब आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है मुझे कॉमेंट्स में जल्दी से बताओ कि छोटी छोटी चीजें बड़े सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती हैं लाइफ में है ना इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल होगा पोम से उसका ठीक है तो लाइफ में बड़ी छोटी छोटी चीजें एक बड़ा चेंज ला सकती हैं ये आप इन्फर कर सकते हैं इस बात से कि पोएट जब वॉक कर रहा था एक हेमलॉक ट्री के नीचे और वहां पर बैठे हुए एक बर्ड ने एक क्रो ने जैसे ही वहां पर हिला वो उसके ऊपर या वहां से उड़ा तो कुछ डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर गए और उसका जो अभी तक बहुत ही बेकार दिन जा रहा था रिग्रेटफुल दिन जा रहा था उसकी वजह से अब मूड उसका चेयरफुल हो गया हैप्पी हो गया एक छोटा सा इवेंट उसकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज लिया वो बड़ा खुश हो गया पूरा दिन उसका अच्छा गया नेचर को लेके अप्रिशिएट भी अप्रिशिएटिव भी वो हो गया राइट सो so, इस बात को आप डिटेल में इलाबरेट कर देंगे इस आंसर के पॉइंट से फाइन ओके नेक्स्ट इमेजरी को भी पूछा तो इमेजरी क्या होता है जब भी किसी पोम को पढ़ के राइटर ने बोला ना कि भाई, tree, ये पूरा जो उसने पढ़ी, तो आपके दिमाग में एक इमेज आई होगी ना कि के पर एक बैठा है और वहां नीचे से पॉइंट गुजर रहा है ये अगर आप फॉर्म कर पाए तो दिमाग में स्पेशली विजुअल इमेजरी फाइन नेक्स्ट द डस्टिंग ऑफ स्नो अकाउंट ऑफ द क्रो हेल्प मेक द पोएट्स दे बेटर हाउ डू यू थिंक द क्रोज पोएट तो सिंपली आप बता सकते हो कि पोएट का मूड इंप्रूव हो गया उसके बाद ये जो स्नो उसके ऊपर गिरी बिकॉज ऑफ द क्रो शेकिंग पलट लिया वहां पर जो फ्लटर करा क्रो ने उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल स्नो के गिर गए पोएट के ऊपर उसका उसका मूड इंप्रूव हो गया बी द आंसर नेक्स्ट है हाउ हज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द डस्ट ऑफ स्नो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस पोएम में नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया है पोएट ने या नेचर की तरफ क्या पर्सपेक्टिव दिया है पोएट ने ये आपको बताना है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर मैं आपको देता हूं ठीक है तो इसका आंसर ये होगा बच्चा पार्टी कि जनरली पोएट जो है ना वो पोएम में अच्छे अच्छे खूबसूरत सीनरी प्रेजेंट करते हैं अच्छे पेड़ लेते हैं या अच्छे ट्री जैसे कि मेपल ट्री पाइन ट्री इस तरह के ट्रीज को लेते हैं एक ऐसा लैंडस्केप लेते हैं जहां पे चारों तरफ हरियाली हो खूबसूरती हो या ऐसे बर्ड्स को लेते हैं जो कि कन्वेंशनली अच्छे गुड फॉर्चून से रिएट किया जाए जिनकी खूबसूरत आवाज जैसे नाइटिंगल हो गई कुकू हो गई इस तरह के बर्ड्स को लेते हैं लेकिन यहां पर ना तो ऐसा बर्ड लिया गया है क्रो लिया गया जो कि जनरली बैड ओमन से रिलेटेड माना जाता है आवाज भी उसकी कुछ अच्छी नहीं होती है और वे दूसरे एंड पे हेमलॉक ट्री लिया गया जो कि पॉइजनस ट्री है तो पोएट ने यहां पर नेचर को बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से प्रेजेंट किया है अनकन्वेंशनल मतलब अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल तरीके से प्रेजेंट करते हुए पोएट ने यह मैसेज देना चाहा कि जो नेगेटिव चीजें हैं जिनको हम नेगेटिव मानते हैं ऐसी चीजें जिनको हम इल ओमन से एसोसिएट करते हैं उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी है वो भी किसी का मूड या किसी के लिए प्लेजेंट समय ला सकते हैं सिंपली ये मैसेज देने की वजह से ने इस तरीके से नेचर को प्रेजेंट किया इस के ये में आपको लिखना होगा ये है, इस बात का ठीक है? है, 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 sum... है बिल्कुल सही है फाइन ये हो गया हमारी पहली पोम इसकी अटैच कर दी अब चलिए चलते हैं, दूसरी पोम की तरफ इज फायर फायरनाइज एक बहुत ही अच्छी पोम है ये भी रॉबर्ट साहब ने लिखी है इस में क्या बताया गया है कि जनरली ऐसा माना जाता है कि दुनिया जो खत्म होगी वो या तो आग की वजह से खत्म होगी या आइस की वजह से खत्म होगी ये दो स्कूल ऑफ थॉट जनरली माने जाते हैं कैसे कि आप एक तो आप मान सकते हो कि सूरज से बहुत ज्यादा जो सन है जो हमारी कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हीट है वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी एमिट करने लगे या जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी बढ़ रही है तो टेंपरेचर धीरे धीरे अर्थ का बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगी और दुनिया जो है झुलस जाएगी आग की वजह से

एंड्स के बारे में अपनी पोम में लिखा है लेकिन पोएट ने इनका सिर्फ शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग नहीं लिया है पोएट ने इनको फिगरेटिवली भी लिया है दोनों फायर और आइस को कैसे अभी देखते हैं चलिए कैसे अभी देखते हैं कौन से चैप्टर में कंफ्यूजन है बच्चा पार्टी कोई कह रहा है बड़ा कंफ्यूजन चैप्टर में तो किस में है ये बताओ ठीक है तो मैं बता रहा यहां पर दो स्कूल ऑफ थॉट यहां तो फायर से खत्म होगी दुनिया या आइस से है ना ये दो स्कूल ऑफ थॉट बताए गए हैं इन दोनों को पोएट ने कैसे प्रेजेंट किया चलिए पोएम देखते हैं उसमें समझते हैं फेवर फायर पहला स्टैंडर्ड जो है पोएट ने उसमें बोला है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया का एंड होगा फायर से वेर एस कुछ लोग कहते हैं आइस से दोनों भी समझाए थे आप लोगों को

डाय अगर दुनिया को दो बार ही खत्म होना होता आई थिंक आई नो इनफ ऑफ एट टू से दैट डिस्ट्रक्शन दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस सफाइस मतलब होता है इनफ काफी होना टू बी सफिशियंट अब यहां पर भी एक लाइन है जिसपे मैं दोबारा वापस आऊंगा अभी आई नो इनफ ऑफ हिट वाली जो लाइन है उस पर अब दूसरे स्टैंड में पोइट क्या बोलते हैं कि लेकिन पहले स्टैंड में उन्होंने बोला कि भाई मुझे लगता है कुछ लोग कहते हैं आग की वजह से खत्म होगी दुनिया कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से मुझे लगता है कि आइस आग की वजह से खत्म होगी मैं उन लोगों से सहमत हूं जो कहते हैं भाई फायर की वजह से खत्म होगी अब दूसरे स्टैंड जब हमें पोएट बोलते हैं लेकिन अगर ऐसा होता कि दुनिया दो बारी खत्म हो सकती तो है दोबारा दुनिया रच दी जाए दोबारा से सब कुछ शुरू हो जाए तो उन्होंने बोला कि मैं नफरत को भी काफी हद तक जानता हूं टू तो से कि जो आइस है ना वो भी अपने आप में काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए यानी कि अगर दुनिया दो बारी खत्म हो सकती तो दूसरी बार खत्म होने का रीजन जो है वो आइस होगा इन शॉर्ट उन्होंने ये बोला अब यहां पर पोएट जो बोलना चाहते हैं ना वो सिर्फ आइस और फायर को लिटरल मीनिंग में नहीं बोलना चाहते उनका मतलब क्या है अब ये ध्यान से समझिए आप लोग उनका मतलब फायर और आइस से क्या है उनका मतलब है कि फायर जो है ना यहां पर उन्होंने फायर और आइस बोला है उनका मतलब फायर से है कुछ फायरी इमोशंस या पैशंस कौन से फायरी इमोशंस या पैशंस जैसे आप लोग को पता है एंगर किसी भी चीज को पाने की ओवर डिजायर ग्रीड लालच क्रुएलिटी क्रुएलिटी मतलब क्रूरता फ्यूरी एक्सट्रीम एंगर जिसको आप बोलते हैं ब्रुटैलिटी ये सारी चीजें इन शॉर्ट आप मान सकते हैं कि हमारा उसने बोला ना पहली लाइन में देखो ऑफ डिजायर को जाना है किसी भी चीज को पाने की इच्छा जो होती है उसको जहां तक मैंने जाना है अपनी और दूसरे लोगों की मुझे लगता है कि फायर से खत्म होगी दुनिया यानी कि फायर जो है उसको एसोसिएट किया है पोएट ने इमोशंस ऐसे इमोशंस जो कि अपने एक्सट्रीम में फायर के जैसे होते हैं कौन कौन से इमोशन एंगर हो गया गुस्सा एक्सट्रीम गुस्सा किसी को आ जाए या ग्रीड लालच जो हो गया किसी भी चीज के पाने की इच्छा है ना जिसको आप डिजायर से एसोसिएट कर सकते हैं यही तो पॉइंट ने बोला डिजायर ठीक है तो ये सारे इमोशंस हैं वो जो कि फायर वाले इमोशंस हैं फायरी इमोशंस इनको माना गया है और दूसरा जो आइस है उनको रिलेट किया गया कोल्ड इमोशंस से अब आप लोग को पता होगा कि हम कुछ इमोशंस को वॉर्म इमोशंस मानते हैं जैसे कि किसी से आ, 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 सांत्वना का भाव सिंपत्ति का भाव दया का भाव लाड लगाव का भाव ये सब वर्म इमोशंस हैं इनके क्वांट्री कोल्ड इमोशंस कौन से होते हैं तो इनके क्वांट्री कोल्ड इमोशंस होते हैं हेट्रेड नफरत का भाव किसी से इनडिफरेंस या इग्नोरेंस का भाव मतलब कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ कर रहा है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेना बिल्कुल ठीक है इग्नोरेंस बिल्कुल इग्नोर ही कर देना किसी को ठीक है या जलेसी जलन का भाव जो है ये सब माने गए हैं कोल्ड इमोशन जब एक इंसान बहुत कोल्ड हो जाता है जब एक इंसान दूसरे का क्या कर रहा है ही नहीं करता या इनसेंसिटिविटी बड़ा अच्छा एक एग्जांपल इसका है इनसेंसिटिविटी क्या होता है या इनसेंसिटिव कौन होता है वो इंसान जो ये सोचे ही ना कि दूसरे को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है आप जा रहे हो मान लो कोविड का समय था या अभी कोविड छोड़ो अभी का समय मान लो सर्दी है नॉर्दर्न इंडिया में आप लोग जा रहे हो रात में काफी ठंड हो जाती है और आप अपनी कार से जा रहे हो हीटर ऑन करके बड़े अच्छे से मजा आ रहा है आपको अब आप बाहर देख रहे हो किसी को किसी कि उसके पास बेचारे के पास बच्चा एक है फैमिली दो तीन लोग और है वहां पर गरीब लोग उनके पास कपड़े भी नहीं है ओढ़ने के लिए अब उनको देख के आप लोग उनपे सिंपथी तो करना दूर आपने अपने कपड़े पहन लिए और ज्यादा क्या रहे भैया हीटर तेज करो फटाफट से ये तो गर्मी हो गई ये तो ठंड लग गई इनको देख के मेरे को अगर ऐसा हो जाए तो आप इनसेंसिटिव है क्यों क्योंकि आप दूसरे की तकलीफ जो है वो समझ नहीं रहे हैं। दूसरे के दर्द तकलीफ जो है उसको महसूस खुद नहीं कर रहे हो आप है ना सेंसिटिव इंसान पे क्या सोचेगा कि थोड़ी ठंड लग रही है इनको मैं कुछ हेल्प कर पाऊर अगर ऐसा नहीं सोचेगा कि हेल्प नहीं कर सकता मैं तो कम से कम इनका मजाक ना उड़ाऊं इस पर ये ना सोचूं कि अरे रे रे रे, ऐसा ना करू हाय तोबा बचाऊँ ये होता है सेंसिटिविटी तो इनसे मतलब जो इंसान बड़ा कोल्ड हो जाए फाइन तो फायर एंड आइस को क्या बोला है पोएट ने यहां इमोशन और कोल्ड इमोशन से एसोसिएट किया यानी कि पोएट ने मैसेज दिया है कि जो असली फायर और असली आइस है उसकी वजह से दुनिया जब खत्म होगी सो होगी लेकिन उससे पहले जो इमोशंस हैं फायर इमोशन और कोल्ड इमोशन इनकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है और उसने ऐसा बोला ना फ्रॉम वट आर टेस्टेड ऑफ डिजायर जहां तक मैंने डिजायर को जाना है किसी चीज को पाने की इच्छा को जाना है आ, लालच को जाना है मुझे लगता है कि फायरिंग इमोशंस की वजह से पहले दुनिया खत्म होगी और मुझे भी लगता है जायज ये बात है आज देखो जैसे अभी चल रहा है यूक्रेन रशिया का वॉर अगर यूक्रेन रशिया का वॉर में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर पुतिन कह दे कि भैया बहुत हो गया भाड़ में जाए दुनिया मैं दबा रहा हूं एटमिक बॉम्ब का बटन दबा दिया उसने मान लो खत्म हो जाएगी दुनिया पूरी एक मिनट लेगा एक मिनट के गुस्से में सिर्फ है ना एक छोटा सा एंगर मतलब उसने अगर डाला एटम बॉम्ब यूक्रेन पे तो रिटालियन में यूएस उसके ऊपर डालेगा वो यूएस के ऊपर डालेगा तो जो नेबरिंग कंट्रीज है फ्रेंडली कंट्रीज है वो सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी एक एटम बॉम्ब गिरने की देरी है बस एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज हुए तो पूरी दुनिया डेफिनेटली खत्म हो जानी है कई बार ही खत्म हो सकती है इनफैक्ट इतने सारे वेपन्स हमारे पास तो ये एक गुस्सा अगर किसी को एक्सट्रीम लेवल पे आ गया तो डेफिनेटली केपेबल है दुनिया को खत्म करने में लिटरली इन द सेंस ऑफ द वर्ड और दूसरा देखो अब आइस हम लोग इतने कोल्ड हो गए हैं कि अगर कोई भी डिफिकल्ट टाइम आता है कोई भी जैसे कोविड का समय आया हम लोग इतना सेल्फिश से हो गए कि हम लोगों ने किसी और की सोची नहीं हमारा अच्छा रहे हम बचे रहें और जाए भाड़ में ये टाइम था ऐसे ही टाइम था ना वो तो ये जो कोल्डनेस है इमोशन की ये जो इनसेंसिटिविटी है ये जो सेल्फिशनेस है सेल्फ सेंटर्डनेस है ये भी एक टाइम पे आके जरूर दुनिया का नुकसान कर सकती है अगर सब लोग ही ऐसे हो जाएं तो दुनिया डेफिनेटली खत्म हो सकती है इसकी वजह से ये जो है फायर है ये एक इंस्टेंट आ, सोर्स है दुनिया को खत्म करने का और जो आइस है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा लेकिन दोनों इक्वली केपेबल हैं दुनिया को खत्म करने में ये पोएट ने यहां पे मैसेज दिया है आपको आई होप आपको क्लियर होगा ये मैसेज क्या ये मैसेज क्लियर है एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो इसका मतलब समझ में आया ग्रीड के नीचे क्या है तो ग्रीड के नीचे है क्रुअलिटी ग्रीड क्रुआलिटी क्रूरता ग्रीड के नीचे क्रुवलिटी क्रूर हो जाता है ना कोई बहुत ज्यादा दुष्ट हो बिल्कुल ही ना सोचता हो दूसरे के बारे में उसको बोलते हैं क्रुवलिटी तो ये सारे वायलेंट इमोशंस फायर और ये सारे कोल्ड इमोशंस आइस क्लियर है बिल्कुल आई डाउट हां ठीक है बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आगे चलते हैं जी अब आप पोइटिक डिवाइसिस देखते हैं जी इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइसिस है तो सबसे पहले देखो एलिट्रेशन है बिल्कुल सिंपल कैसे देखो स स की आवाज रिपीट हो रही है यहां पे ऐसी यहां व व की आवाज रिपीट हो रही है सम से ऐसी वर्ल्ड विल में व व की आवाज रिपीट हो रही है ऐसी फेवर फायर में फ फ की आवाज रिपीट हो रही है तो ये सिंपली एलिट्रेशन हो गया ये एलिट्रेशन हो गया जी येलो से हाईलाइट किया हमने अगला देखिए एजोनेस एजुनेंस का आप देखो यहां इन आइस में आई आई की आवाज रिपीट हो रही है ई ई की आवाज इन आइस बेसिकली वाल साउंड रिपीट हो रहा है तो वाल साउंड रिपीट जो रहा है उसको आप एजुनेंस मानेंगे और भी कहीं हो रहा है क्या इफ इट में देखो यहां पर भी रिपीट हो रहा है ई की आवाज रिपीट हो रही है क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट देखिए एनाफोरा अब एनाफोरा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं एनाफोरा एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में वर्ड रिपीट हो रहा हो जैसे आप यहां देखते हो ये सम से ये ये सम 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 से 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 रिपीट हो रहा है यहां यहां पर यहाँ पर बोला गया नाइस ये दो बार रिपीट हुआ जब भी कोई वर्ड या एक फ्रेज सेंटेंस की शुरुआत में रिपीट हो जैसे यहां सम से पहली लाइन में भी आ रहा है दूसरे में भी आ रहा है तो आप इसको बोलते हैं एनाफोरा हो है। क्लियर होना चाहिए एक स्पेशल टाइप ऑफ रिपीटिशन होता है बस रिपीटिशन में क्या होता है कहीं भी कोई वर्ड रिपीट हो जाए पूरी पोम में उसका आप बोलेंगे एनाफोरा क्या होता है जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में रिपीट हो बस किसी भी लाइन की शुरुआत में रिपीट हो जाए अगर कोई वर्ड तो वो एनाफोरा होता है ठीक हो है फाइन क्लियर हुआ है बिल्कुल तो एनाफोरा बिल्कुल क्लियर है अगला देखिए एंजाइमेंट एंजॉइमेंट तो आप लोग को पता ही है बिल्कुल सिंपल है मैंने बताया था आपको इमेजरी सिंबोलिज्म एंजॉइमेंट लगभग हर पोम में यूज होते हैं अब यहां पर देखो फायर के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है तो यहां पर इस लाइन में एंजॉयमेंट आपको दिखता है ऐसे डिजायर के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है तो इस लाइन में एंजॉइमेंट आपको दिखता है यहां पर हेट आइस और ग्रेट इन तीनों लाइन में आपको एंजॉइमेंट दिखता है क्योंकि इनके बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है जब भी किसी लाइन के एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा हो तो आप उसको बोलते हैं क्लियर है वहाँ पर यूज़ हुआ है वहां पर डिवाइस यूज हुआ एजोनेंस मतलब होता है जब भी कोई वाल साउंड रिपीट हो तो जैसे यहां पे इफ इट में ये आप देख रहे हो यहां पे इफ इट में ई की आवाज रिपीट हो रही है जो कि एक वाल साउंड है ए ई आई ओ यू ये पांचों वाल साउंड्स होते हैं ना फाइन तो इसलिए एजोनेंस हो गया कोई पूछ रहा है मुझसे भी नेक्स्ट है सिंबोलिज्म नेक्स्ट है सिंबोलिज्म तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होगा आपको एंजाइमेंट है ये वाला अच्छा एंजॉयमेंट को इस लाइन से प्रेजेंट किया है हमने अब देख लीजिए सर आप हाँ अब देख लीजिए सिंबोलिज्म अब सिंबोलिज्म कैसे है तो सिंबोलिज्म यहां बिल्कुल क्लियर है पूरी पोए में सिंबॉलिक है ये तो फायर एंड आइस यहां पे फायर और आइस सिंबॉलिक है किस चीज के फायर सिंबॉलिक है फायर इमोशंस के या वायलेंट पैशंस के वेल एज आइस सिंबॉलिक है कोल्ड इमोशंस का बड़ा सिंपल सा आंसर है है ना नेक्स्ट है इमेजरी अब इमेजरी भी क्लियर होगा बिल्कुल आप लोगों को कैसे इमेजरी कि जब बोला आइस तो आप क्या इमेजिन कर पाए ये वाला ये फायर एन आइस को इमेजिन कर पाए इमेज बना पाए इसके दिमाग में अपने अगर बना पाए तो इमेजरी यूज हुआ सिंपल बिल्कुल क्लियर है आई बिलीव कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आप लोगों को क्लियर है क्या फटाफट से बताओ आगे चलो पी वाई को डिस्कस करने है Correct, कोई एन कैम्पमेंट लिख रहा है, इसको। क्या होता है जब भी किसी लाइन के पोम में स्पेशली पोम्स में ही यूज होता है कि आप देखते हैं एक लाइन के एंड में ना तो कोई कॉमा यूज हो ना कोई फुल स्टॉप ना कोई मार्क कोई भी पंक्एशन मार्क यूज ना और अगली लाइन में आप आ जाओ तो वहां एंजाममेंट होता है बेसिकली वेन लाइन रन टू होता है मार्क्समेंट क्लियर है clear, 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 clear. है 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 बिल्कुल भाई कहाजाम्पल दो ऑक्सीमोरॉन का कहां पे है ऑक्सीमोरोन कैसे है ऑक्सीमोरन तब होता है जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हो तो यहां पे कहा यूज हुए हैं वो क्लियर है जी ठीक है कॉन्फ्रेंस वॉइस रिपीट हो तो

आइस को मैं बी मान लेता हूं फायर और आइस एक जैसी आवाज नहीं आ रही ना राइम स्कीम निकालना देख लो फायर के लिए मैंने ए माना अब आइस में क्या फायर जैसी आवाज आ रही है नहीं तो बी मान लिया अब डिजायर देखो फायर की तरह साउंड करा है, तो फिर से ए मान लिया और फायर तो ए है ही तो फिर से ए तो ए बी ए ए हो गई पहले वाले स्टैंडा की राइम स्कीम अब दूसरा स्टैंडा देखते हैं ट्वाइस ए मान लेता हूं हेट को बी मान लेता हूं आइस ट्वाइस की तरह साउंड कर रहा है इसलिए ए लिख देता हूं फिर से <coughs> आप ग्रेट हेट की तरह साउंड कर रहे इसलिए बी <coughs> सॉरी इसलिए बी लिख देता हूं और सफाइस जो है वो आइस की तरह साउंड कर रहा है इसलिए फिर से ए लिख देता हूं करेक्ट जो है मतलब ओके ओहो ठीक है देखिए यहां पर तो पहले स्टैंड है ए बी ए ए वे दूसरे स्टैंजा की राइम्स की ए बी ए बी ए दोनों में क्यों राइम्स की अलग रखी पोइट ने जनली पूरे स्टैंजा में पूरे सॉरी पूरी पोम में एक ही राइम्स स्कीम रखता है पोइट इसमें क्यों अलग रखी तो क्योंकि दोनों स्टैंजा में अलग अलग बात के बारे में बात कर रहा है पोएट पहले स्टैंड में बात कर रहा है फायर के बारे में दूसरे स्टैंड बात कर रहा आइस के बारे में डिस्ट्रक्शन पहले स्टैंड का थी में, और, ये और अच्छे तरीके से एम्फोसाइज करने के लिए पोएट ने पहले और दूसरे स्टैंडजा दोनों की राइम स्कीम को अलग रखा है क्लियर होना चाहिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें कॉन्फिडेंस और डिफरेंस अरे बताया था भाई अनफॉर्चुनेट आनंद आप स्टार्टिंग में नहीं आए हो शायद लेक्चर के है ना समझाया था बिल्कुल डिटेल में कॉन्सोनेंस होता है अर्ली बर्ड गेट्स रिपीट हुई कहीं भी र की आवाज कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो स्टार्टिंग में एंड में मिडिल में ये होता है कॉन्सोनेंस लेकिन अगर कॉन्सोनेंस हो वर्ड की शुरुआत में जैसे सी शेल्स द सी स की आवाज शुरुआत में हो तो वॉलिटेशन होता है ठीक है क्लियर होगा बिल्कुल होगा ठीक है फाइन तो मैंने बोला दोनों की अलग अलग राइम स्कीम क्यों लिखी है की ताकि पोएट दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को emphasize कर सके जोर दे सके इस बात पे कि दुनिया जो है फायर की वजह से खत्म होगी पहले का थीम वो है और दूसरे का थीम है आइस की स्टांडा खत्म होगी दोनों को कॉन्ट्रास्ट में रखने के लिए दोनों को अपोजिट आइडियाज को कॉन्ट्रास्ट में एम्फोसाइज करने के लिए उसने अलग अलग राइम स्कीम रखी है पोएट ठीक है क्लियर है अब चलते हैं इसका मैसेज क्या है तो इस पोएम का मैसेज बता दीजिए फटाफट से क्या मैसेज लिया आपने इस पोइट से जल्दी से बताओ कॉमेंट में फटाफट से कमान 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 क्या मैसेज है जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी मैसेज क्या है मैसेज क्या मैसेज है बच्चा पार्टी फटाफट से बताओ एवरेस्ट का कोई मतलब पूछ रहे तो एवरेस्ट मतलब होता है बच्चे एक्सट्रीम ग्रीड किसी किसी भी चीज को पाने का एक्सट्रीम लालच लोभ बोलते हैं आप हिंदी में उसको लोभ अभी बताऊंगा एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कोई पूछ रहा है वो मैं लेके आया हूं अभी आएंगे वो क्लियर है oxymoron, तो पीछे टाइटल में आप कुछ हद तक बोल सकते हैं oxymoron नहीं है है वो बीच में आ रहा है। <coughs> क्या मैसेज है बताओ फटाफट वड़ से ओके okay, मैं अरे यार ये कौन है यहां पर ओके okay. मैं बताता हूं आपको सबसे पहला मैसेज ये है कि हम लोगों को अपने इमोशंस पे चाहे वो वायलेंट इमोशंस हो जैसे कि एंगर फायर इमोशंस हो या कोल्ड इमोशंस हो उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए हम लोगों को ह्यूमन वैल्यू सस्टेन करने की जरूरत है अगर हम लोगों ने अपने वायलेंट इमोशंस या अपने कोल्ड इमोशंस को खुला छोड़ दिया तो डेफिनेटली दुनिया खत्म हो जाएगी देअ फॉर द इज दैट वी ऑल शुड कीप अ होल्ड शुड कीप अ कंट्रोल ऑन आर वायलेंट एंड कोल्ड इमोशंस एंड वी शुड सस्टेन ह्यूमन वैल्यूज मैसेज है इससे ठीक है क्या ऑल ह्यूमंस शुड कीप कंट्रोल ऑन देयर वायलेंट एंड कोल्ड इमोशंस हम सबके अंदर कही कहीं ना कहीं ये होता है थोड़ा सा वायलेंट और कोल्ड इमोशन उस पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमें सस्टेन करना चाहिए ह्यूमन वैल्यूज को वी शुड सस्टेन ह्यूमन वैल्यूज जहां पे पॉसिबल हो सके वहां एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जहां पॉसिबल हो सके एक दूसरे के लिए दया का भाव होना चाहिए बेसिकली ये सारी ह्यूमन वैल्यूज जो है उनको हमको सस्टेन करके रखना अदरवाइज डेफिनेटली कभी कभी ना कभी दुनिया खत्म हो जाएगी इन शॉर्ट इस पोम के थ्रू ये जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस साहब उन्होंने हम सबको एक वार्निंग दी है कि अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं रखा ना अपने इमोशंस पे तो डेफिनेटली दुनिया खत्म हो जाएगी पक्का ठीक है क्लियर है आपको कंट्रोल योर डी गेयर पता नहीं क्या मतलब है इसका सर मैंने भी यही कहा था बहुत बढ़िया अनुकृत अनुत कौर बहुत बढ़िया फेंटास्टिक स्टैंड फर्स्ट लाइन सेकेंड स्टैंड फर्स्ट लाइन में ऑक्सीमोरन ऑक्सीबोर बडी फट टू पैरिश ट्वाइस कैसे यार कहां है इसमें है ना क्यों जबरदस्ती पैरिश का मतलब होता है खत्म डिस्ट्रक्शन डाई इसकी समरी है रे अब इसके क्वेश्चन आगे फटाफट से आंसर दो जल्दी से आईडेंटिफाई द पोइट्रिक डिवाइस यूज इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इसमें क्या पोइटिक डिवाइस यूज किया गया जल्दी से बताओ फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी पोल्ट्रिक डिवाइस बताओ फटाफट से सम से इसमें क्या पोल्ट डिवाइस यूज किया गया जल्दी से बता दीजिए जो भी पोल्ट्रिक डिवाइस आता जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगा आप चिंता ना करो भाई है ना अभी हम करेंगे सारे पोलिटिक डिवाइस जो जो आ रहा है मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं अभी तक जो जो यूज हुए सारे बता दिए अब जैसे आगे कहीं ऑक्सीमोर आएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट आएगा बहुत सारे और पोएटिक डिवाइस एंटीथिसिस आएगा आएगा जहां पर भी जो जो आएगा, वो सब आपको बताता हुआ चलूंगा मैं डोंट यू वरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक है ओके करेक्ट आंसर इज सम से यहां पर स स की आवाज आप देखते हैं रिपीट हो रही है ऐसे यहां व व की आवाज वर्ल्ड विल की आवाज भी रिपीट हो रही है व व की आवाज क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एलिट्रेशन एलिट्रेशन यूज हुआ है यहां पर बहुत बढ़िया नाइनटी टू परसेंट ने करेक्ट आंसर दिया है अब चलिए आगे चलते हैं वाई होल्ड विद दो सहमति दिखा जताता है जो कहते हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म होगी क्यों ठीक है अब आप लोग पिछले वाला रुक जाओ सी अदरवाइज सी एल तेल ले लेगा ले आपको ठीक है अच्छा ठीक है चलिए देखते हैं फिर यहां पर बिकॉज लवंग अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट बिकॉज हेटेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट बिकॉज लास्ट फॉर मटीरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली या नन ऑफ द बॉ क्यों ऐसा लगता है पोइट को जल्दी से बताइए फटावट से फटावट फटावट कमान कमान कमान, कमान क्विकली 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 जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी वाई 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 फेवर क्यों करता है पोइट उन लोगों के साथ या उन लोगों से सहमत क्यों होता है जो फायर को फेवर कर रहे हैं None of the above. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा अच्छा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज द लास्ट फॉर मटेरियल थिंग्स लस्ट मतलब लालसा लोभ किसी भी चीज को पाने की एक्सट्रीम इच्छा क्योंकि मटेरियल थिंग्स ऐसी चीज है जो कि पैसे से खरीदी जा सके ओन करी जा सके भौतिकवादी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है लालच लोगों का इसीलिए ऐसा बोला है कि उन लोगों को फेवर करता है बोला रहता ना फ्रॉम वट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर डिजायर लस्ट तो है भाई है ना वो वाला डिजायर की वजह से ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन सी थर्टी एट परसेंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब रुक जाओ जरा कमेंट जो कर रहे हो अदरवाइज आपका रजिस्टर कर लेगा गलत ओके विच ऑप्शन करेक्टली प्लेसलाइन लाइन फॉर एनस आई होल्ड विद दो इसका मतलब आपसे इन शॉर्ट पूछा है यहां पर ऑप्शन ए आई एम एज एक्सपीरियंस एज स्ट्रॉगली डिस विद हैव द सेम ओपिनियन एज हैबिटुअली अवॉइड क्या मतलब है इसका जल्दी से बता दो फटाफट से कमान 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 क्विकली फोक्स जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी बताइए बता बच्चा पार्टी <laughs> ठीक है आई होल्ड विद दो होल्ड विद का क्या मतलब है यहां पर ठीक है क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था सवाल ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हैव द सेम ओपिनियन जैसा ओपिनियन इनका है ऐसे इनका ओपिनियन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया ठीक है तो एट्टी परसेंट बहुत बढ़िया ठीक है डिस्कस अब ये क्वेश्चन है आपके डिस्कस वीम ऑफ द पोम हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्क आइडियाज इन द पोम आपको जो पोम है उसकी राइम स्कीम क्या है पहले तो ये बतानी है और फिर ये कैसे ब्रिंग आउट करता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इसको बड़े क्लियरली ये आपसे पूछा है तो जल्दी से बता दो दोनों का आंसर बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है तो बच्चे दोनों का राइम स्कीम एक तो दो स्टैंड है दोनों की राइम स्कीम अलग अलग है यहां पर एक की ए बी ए ए है है ना पहले स्टैंड की है ए बी ए ए फर्स्ट स्टैंड आपने भी देखी थी और दूसरे स्टैंड की है ए बी ए बी ए ये दोनों की राइम स्कीम ये हो गई आंसर पहले पार्ट का हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन पोम ये दोनों की राइम स्कीम अलग अलग रखी है पोएट ने ताकि जो दो अलग अलग आइडियाज है पहले आइडिया पहले का है, destruction of world through fire, और दूसरे का है थीम डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड थ्रू आइस इन दोनों आइडियाज को बिल्कुल क्लियरली क्लियरलीम्फेसाइज करने के लिए जोर देने के लिए राइम स्कीम भी अलग अलग रखी है पोएट ने दैट फाइट हेल्प इन ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज वेरी क्लियरली क्लियर होना चाहिए आगे देखते हैं चलिए अब पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड बड़ा सिंपल सा सवाल है ब्रीफली मेंशन करना है ऐसे आइडिया जिनकी वजह से दुनिया खत्म होगी क्या आपको लगता है किन-किन रीजंस की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है <coughs> जल्दी बताइए फटाफट से जल्दी से बताइए फटाफट से क्या लगता है आपको बहुत बढ़िया मुझे आपके बड़े अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं कॉन्स्टेंटली आपके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं सब लोगों के फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी ब्रीफी राइट अबाउट द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड कौन कैसे दुनिया खत्म होगी ये आपको पूछा गया यहां पर सिर्फ सिंपली सीबीएस में आया ये हाँ फायर एंड आइस आपने शॉर्ट में लिख दिया लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा इसको इलेबरेट करना थर्टी वर्ड्स का क्वेश्चन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में आंसर लिखना है इसका क्या आंसर आप देंगे दैट द वर्ल्ड कैन एंड बिकॉज ऑफ फायर और दर्ल्ड कैन एंड बिकॉज ऑफ आइस अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव द वर्ल्ड द सन विल स्टॉप ए मिटिंग हीट एंड देर फोर द वर्ल्ड इन आइस एंड अट ऑफ पीपल बिलीव दट द सन माइड एक्सप्लोर्ड एंड देर फोर एंगल द एंटायर अर्थ और एंगल्स द एंटायर यूनिवर्स

आइस किस चीज का सिंबल है जल्दी से बताओ ओके okay. तो आइस इज अ सिंबल ऑफ बहुत बढ़िया कोल्ड इमोशंस का ऐसे इमोशंस जिसमें एग्जाम्पल भी जरूर मेंशन करना अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में तो यू हैव टू से कोल्ड इमोशंस लाइक व्हाट तो कोल्ड इमोशंस लाइक हेट्रेड इन डिफरेंस जेलेसी इन सारे कोल्ड इमोशंस का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, है वो हाउ इज इट सफिश टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन कैसे सफिशियंट है तो इन इमोशंस की चाहे फायर इमोशंस हो चाहे कोल्ड इमोशंस हो जब एक्सट्रीम में हो इनकी इंटेंसिटी में हो तो दे आर इक्वली केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग आउट द एंड ऑफ द अर्थ

अब इस वाले का आंसर दो फटाफट से इस वाले का आंसर दो फटाफट से अब थैंक यू सो मच जीना वर्षा आंसर दो ओके okay, आंसर क्या है इसका पोएट को क्यों लगता है पर्सनली बिकॉज डिजायर इंक्रीज पीपल टू टेस्टेड ओके ग्रीड अच्छा ठीक है तो बच्चे मैंने आपको बताया था एंड में कि जो आई फायर एवर रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली ग्रीड सॉरी नॉट ग्रीड फ्यूरी एंगर डिजायर किस चीज को पाने का लालच जो, जो, जो है वो स्लो पॉइजन की तरह काम करेंगे तो पोएट ने पर्सनली पूरी दुनिया में डिजायर को बड़े अच्छे देखा है अपनी भी कुछ डिजायर होंगी उसकी जिसकी वजह से पोएट को लगता है कि डिजायर कैन बी द प्राइमरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड टू एंड

कहां पर टसल है कि हमारी जो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी उस पे सहमति नहीं है क्यों क्योंकि चाइना को लगता है उनकी टेरिटरी में वो हम कहते हैं हमारी में राइट सो बेसिकली वॉर होता है व्हेन टू पीपल वांट टू गेट समथिंग और दूसरा वन पीपल वन पर्सन वांट टू गेट समथिंग जो दूसरा एग्री नहीं करता है राइट सो इन दो दो लोगों की पाने की इच्छा मान सकते हो आप राइट right? सो so, एक तो हमारा <coughs> डिजायर जो है चीज पाने की उसकी वजह से और दूसरा हमारा इंडिफरेंस वॉर होने के बाद इतने सारे लोगों का कत्लेआम होता है इतने सारे लोग मरते हैं कि हम लोग इस बात को कंसिडर तक नहीं करते कि कितने लोगों की जान चली गई है यानी कि इंडिफरेंस हमारा इनसेंसिटिविटी वॉर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों ही फैक्टर्स जो कि फायर है विच इज फायर इमोशन रिलेटेड टू डिजायर और दूसरा इमोशन जो कि कोल्ड इमोशन है जो कि रिलेटेड टू हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी है ये दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से वॉर होता है अगर इन दोनों को कंट्रोल कर लिया जाए तो वॉर हो ही ना तो 1920 का जो वॉर था उनके रीजंस भी ये सारे रहे ना किसी इंसान की कुछ पाने की इच्छा एक दूसरे से नफरत इनसेंसिटिविटी एक दूसरे के लिए इस बात के लिए इग्नोरेंस की लोगों की जान जाएगी ये सारे इमोशंस वी लेट लूज इन इमोशंस को हमने खुला छोड़ दिया करने दो जो हो ये सोच लिया इसी इसी वजह वजह से से इतनी दिक्कत हुई वॉर हुआ बहुत सारे लोगों की जान गई ये आप बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक है इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है लंबा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना वाली पिछले वाली फॉर्म तो क्लियर है कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स भी करेंगे बच्चे डोंट वरी ये क्लियर है पोम क्लियर है तो फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ आगे चलता हूं मैं कमान 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 क्विकली फोक्स क्विकली जल्दी से क्लियर है ठीक है ओके okay. वाह बहुत बढ़िया बड़ी अच्छी एक पर्सपेक्टिव दिया है अर्पित जी ने पैंटास्टिक बहुत बढ़िया कि अगर दुनिया जस्ट वेंट अवे मैं देख नहीं पाया उसको oh, कोई बात नहीं ओके okay. चलिए अब चलते हैं तीसरी पोम पे विच इज अ टाइगर इन द जू अ टाइगर इन द जू जो है ये एक पोम पोम है Leslie Norris. Leslie Norris है इज रिटन बाय लेस्ली लेस्ली नॉरिस नॉरिस ने लिखी और ये पोम आपको दिखाती है एक टाइगर की लाइफ एक जू के अंदर जब वो बंद होता है और एक टाइगर की लाइफ जब वो फॉरेस्ट में खुला घूम रहा होता है इन दोनों के इसमें एक स्ट्रांग कॉन्ट्रास्ट दिखाती है थीम ये है कि हम लोगों को जानवरों को बंदी नहीं बनाना चाहिए हम लोग अपनी आजादी अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको जू में बंद कर देते हैं वहां पर जाके उनको देखते हैं खुश होते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग अलग अलग तरह के जानवर को देख पाए उनको देख के खुश हो पाए एंटरटेन हो पाए इसलिए हम लोगों को जानवरों को बंदी बना देना इज नॉट जस्टिफाइड ये सही बात नहीं है थीम ये है कि आपको जानवरों को या जो भी वाइल्ड एनिमल्स है वाइल्ड लाइफ है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए क्योंकि अगर आप उनको उनकी आजादी छीनते हैं ना उनसे तो आप सिर्फ उनकी आजादी नहीं छीनते हो रॉबिंग देम ऑफ देयर एसेंशियल नेचुरल सेल्फ आप उनकी सोल उनसे छीन लेते हो है ना तो ये थीम इस पोम का है चलिए इस पोम को एक बारी डिटेल में अप्रिशिएट करते हैं लेट्स गो ओवर द पोम इन डिटेल ध्यान से समझिएगा इस पोम को ये थोड़ी सी ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट पोम है इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है यूजुअली फाइन ओके एक्जैक्टली दिस क्वेश्चन इससे पूछा गया है पहले भी ओके स्टार्ट करते हैं ही स्टॉक्स एन इज विविट द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज अब मैं मीनिंग आपको बताता हुआ चलूंगा मैं इन शॉर्ट क्योंकि फॉर्म करना चाहता हूं इसलिए सबका मीनिंग लिख नहीं रहा हूं बट मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स हाईलाइट कर दिए ही स्टॉक्स विविट स्टाइब्स तो स्टॉक करने का मतलब होता है मूव क्वाइटली मूव विविड मतलब होता है ब्राइट अ फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केज ऑन पैड्स पैड्स मतलब होता है बच्चे उसके जो पंजे हैं पॉज वेलवेट एक तरह का कपड़ा होता है रेज मतलब होता है एंगर ध्यान से समझिएगा इस इस्ट को इसी से क्वेश्चन आया एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में देखिए ध्यान से ही <coughs> स्टॉक्स of स्टेप्स ऑफ on ऑन of ऑफ वेलवेट क्वाइट इन quiet rage, क्या मतलब है तो बोला गया है जब एक टाइगर को एक केज में एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो उसी में घूमता रहता है क्योंकि बहुत सारी जगह तो एनीस anyway, में होती नहीं है घूमने की तो उसी में गोल 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 घूमे जाता है कुछ ही स्टेप्स ले पाता है और उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी दिया है इन्होंने टाइगर जो है दिखता कैसे है उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती है कुछ ऐसी स्ट्रिप्स आप देखते हैं उसकी बॉडी पे ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं तो इसलिए बोला गया कि अपनी बॉडी पे जो ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स हैं उनमें वो वॉक करता रहता है थोड़े से जो थोड़े बहुत कदम वो ले सकता है उस के अंदर वो और ऑन पैड्स पैड्स ऑफ ऑफ वेलवेट वेलवेट क्वाइट क्वाइट इन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्सन ध्यान से समझिएगा उसके जो पंजे हैं उनको कंपेयर क्योंकि उसके पंजे जो नीचे से पैडेड होते हैं जो टाइगर है उसके जो पॉज होते हैं वो नीचे से पैडेड होते हैं बिल्कुल और वो पैड रोकते हैं तो आवाज नहीं आती चलते हुए उनपे से उनको कंपेयर किया है ऐसे जैसे कि वो वेलवेट कपड़े से बने हो वेलवेट एक, एक बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट तरह का कपड़ा होता है वेलवेट के कपड़े आप लोग पहनते हैं तो ऐसा बोला गया कि उसके जो पैड्स हैं उसके जो पंजे हैं वेलवेट से बने हुए हैं जिनके चलने की वजह से जब वो चलते है उन पे तो कोई भी आवाज नहीं आती इन इज क्वाइट रेज और वो बहुत ही गुस्से में है लेकिन क्वाइट रेज बोला गया क्यों क्योंकि उसने अपना गुस्सा सप्रेस कर लिया दबा लिया है अगर वो गुस्सा कर भी ले खूब ज्यादा गुस्सा दिखाने की कोशिश भी तो भी क्या हो जाएगा वो एक पिंजरे में बंद है वो अपनी पावर तो दिखा नहीं सकता है वहां पर ना वो अपना गुस्सा दिखा सकता है इसलिए क्योंकि ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली बड़े ओपनली वहां पर वो बंद है केज के पीछे इसलिए बोला गया है कि उसका रेज जो है वो क्वाइट है

एक चीज को दूसरी चीज ही जब बोल दिया जाए तो वो होता है मेटाफर अब यहां पर उसके पैड्स वेलवेट के ही बने हुए बोल दिए हैं ऐसा नहीं बोला है कि उसके पैड्स ऐसे सॉफ्ट हैं जैसे वेलवेट का कपड़ा नहीं अगर ऐसा बोला होता तो सिमली होता उसका पैड्स वेलवेट का ही है यह बोल दिया है विच मीन यहां पर क्या यूज हुआ है यहां पर मेटाफर यूज हुआ है एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दिया है नेक्स्ट बच्चे यहां पर क्वाइट क्वाइटरेज में एक बार ध्यान से समझिएगा इसको क्वाइट क्वाइटरेज में यहां पर भी एक पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है क्या पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जी यहां पर तो क्वाइट रेज क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा क्या ये दोनों चीजें साथ में पॉसिबल है कि कोई बिल्कुल गुस्से में हो एक्सट्रीम गुस्से में लेकिन बिल्कुल शांत हो गुस्से में तो दहाड़ेगा ना स्पेशली अगर शेर हो तो दहाड़ेगा चिल्लाएगा कोई गुस्से में अगर होगा लेकिन क्वाइट है दो अपोजिंग आइडियाज एक साथ यूज किए गए हैं यहां पर जब भी ऐसा हो कि दो अपोजिंग आइडियाज एक साथ यूज किए गए दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हों, तो आप उसको बोलते हैं वहां पर यूज हुआ है ऑक्सीमोरोन क्या होता है टू अपोजिट वर्ड्स यूज टूगेदर दो अपोजिट वर्ड्स साथ में अगर यूज कर लिए गए हों तो आप उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन जैसे एग्जांपल है बिटर स्वीट आप लोग अभी बारहवीं के बाद कहीं अपनी अपनी यहां पे पढ़ाई खत्म करके कहीं और पढ़ने जाओगे तो वो आपके लिए बिटर स्वीट एक्सपीरियंस होगा क्यों बिटर मतलब कड़वा स्वीट मतलब मीठा बिटर इसलिए कि आप घर छोड़ के जा रहे हो दूर अपना बचपन से वहां रहे हो मम्मी पापा का सुख सुविधा वो सब छोड़ के जा रहे हो और स्वीट इसलिए कि आप अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हो आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे बाहर पढ़ाई करके शायद इसलिए तो बिटर स्वीट जो होता है एक परफेक्ट एग्जांपल है किस चीज का ऑक्सीमोरोन का यहां पर भी क्वाइट वर्ड जो है वो शांत होता है रेज

देख लो एक बारी ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है नाम इसका बहुत ही खतरनाक लग रहा है लेकिन ये है बहुत ही सिंपल कैसे देखिए एक बारी ट्रांसफर्ड मतलब एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर करना और एपिथेट का मतलब होता है क्वालिटी ये जो वर्ड है एपिथेट इसका मतलब होता है क्वालिटी क्वालिटी यूजुअली क्या होता है एडजेक्टिव तो एग्जाम्पल देखो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल है बच्चे स्लीपलेस नाइट ट्रांसफर्ड एपिसोड में क्या होता है एक एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करती है उसके साथ यूज नहीं होती किसी और के साथ यूज कर दी जाती है किसी और पे ट्रांसफर कर दी जाती है क्वालिटी अब देखो इस एग्जांपल में यहां पर जो ये है स्लीपलेसनेस स्लीपलेस sleepless क्या होता है ना सो पाना और नाइट मतलब रात अब रात थो थोड़ी स्लीपलेस होगी भाई रात तो एक नॉन लिविंग चीज है ना कोई इंसान स्लीपलेस होगा जैसे मैं बोलूं आई हैड अ स्लीपलेस नाइट मुझे कल रात नींद नहीं आई तो असल में नींद किसको नहीं आई मुझे लेकिन मैं स्लीपलेस नाइट को बोल दूं ये जो स्लीपलेस की क्वालिटी है ये मैंने नाइट पे ट्रांसफर कर दी है जबकि असल में स्लीपलेस कौन था एक इंसान था स्लीपलेस कौन था असल में मैन था तो ये स्लीपलेस की क्वालिटी उसके साथ यूज होनी चाहिए थी एडजेक्टिव उसके साथ यूज होना चाहिए था लेकिन वो ट्रांसफर कर दिया गया है, नाइट पे एक नॉन लिविंग चीज पे जब भी ऐसा हो कि एक चीज एक क्वालिटी को जिसके साथ वो यूज होनी चाहिए उस पर ना यूज करके उसके साथ किसी और के साथ उसको ट्रांसफर कर दिया जाए उसको तो आप उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट एक और एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी क्या बाइटिंग कोल्ड बाइटिंग कोल्ड मतलब है कि, पे हिम्मत और आपको इतनी लगी कि अब आपके खड़े हो रहे हैं तो ये जो बाइटिंग कोल्ड है असल में कोल्ड जो है वो तो नॉन लिविंग चीज है ना और ये जो बाइटिंग की फीलिंग है चुभता है जैसे बहुत ठंड में ज्यादा वो जो बाइटिंग की फीलिंग है वो किसी इंसान को आ रही होगी लेकिन कोल्ड को बोल दिया है बाइटिंग ट्रांसफर कर दिया बाइटिंग की क्वालिटी एक नॉन लिविंग चीज पे एक नाउन पे इसलिए बाइटिंग कोल्ड भी एक एग्जांपल है ट्रांसफर एपिथेट का अब ऐसे ही वापस आते हैं चलो यहां पर क्वाइट रेज जो है वो देखिए एक बारी ध्यान से एनालाइज करिए इस वर्ड को ये जो क्वाइट रेज है यहां पर इस वर्ड में क्वाइट जो है वो रेज जो है वो तो नॉन लिविंग चीज है ना वो थोड़ी शांत रह सकता है क्वाइट तो टाइगर है लेकिन रेज पे ट्रांसफर कर दिया है उसको देअर ये ए ट्रांसफर डेफिनेट का एग्जाम्पल है क्लियर है क्या आप लोगों को दोनों बिल्कुल ये पहला क्या ऑक्सीमोरन का भी है और ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी एग्जाम्पल है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बंद कर दिया गया है जेल पिंजरे के अंदर उसकी बॉडी पे ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स हैं वो उसी पिंजरे के अंदर छोटे छोटे कदम घूमता रहता है और उसके जो पैड्स हैं उसके जो पंजे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मखमली कपड़े वेलवेट के बने हुए हैं और बिल्कुल आवाज नहीं आती जब वो चलता है उनसे लेकिन वो बहुत गुस्से में है एक्सट्रीम रेज में है क्यों क्योंकि उसको बंद कर दिया गया ना पिंजरे के अंदर इसलिए अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं यहां पर पोएट ने बताया है उसको टाइगर को एक जू के अंदर है ना टाइगर ने टाइगर को यहां पर दिखाया गया एक जू के अंदर बच्चा पार्टी अब इस वाले में देखो एक बारी आपको बताना है कहां बताया गया है उसको देखो ध्यान से ही शुड बी लर्किंग इन द शो लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग ही शुड बी Hiding in the shadow. Sliding through long grass near the water hole where plumb deer pass. Plumb means healthy or fat. अब पोएट ने बोला है कि हालांकि इसको बंद कर दिया गया है जंगल के एक पिंजरे में लेकिन उसको क्या करते होना चाहिए था ही शुड बी लर्किंग टाइगर बंद ना होता पिंजरे के के अंदर अंदर ये जंगल के होता तो क्या करता होता ये ये करता होता कि ये जो शैडो मतलब ये छुप के अपना अटैक प्लान कर रहा होता अपना शिकार प्लान कर रहा होता है कैसे छुपके और जो बड़ी बड़ी घास होती है जंगल में उसमें स्लाइड करके मूव करके जहां पर पानी है वॉटरहॉल मतलब तब एक ऐसी जगह जहां पर पानी हो बहुत सारा ताकि कोई भी जंगली जानवर वहां के पानी पी ले तो जंगली जानवर हमेशा अक्सर पानी पीने के लिए जरूर आएंगे वॉटर स्पॉट पे तो जो भी छोटा-मोटा लेक होगा पानी जहां इकट्ठा होगा वहां पर आएगा कोई भी डियर या कोई भी हेल्दी सा मोटा सा डियर उस पे अटैक प्लान करेगा टाइगर ये इस स्टैंजा में बताया गया है जो कि एक ट्रू नेचर होता है टाइगर का या किसी भी जीव का है ना तो सिंपली बोला क्या गया है शैडो ये छुपे होना चाहिए हाइडिंग होना चाहिए शैडो में और ये अपना अटैक प्लान कर रहा होता है एक अपने शिकार को प्लान कर रहा होता है कहां पर जंगल में ठीक है कहां पर वाटर होल के पास एक प्लम डियर का वेट कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा होता है सिंपली ये बोला गया यहां पर पोएट ने दिखाया है उसको किस जगह पर यहां पर पोएट ने उसको दिखाया है एक जंगल के अंदर कि अगर वो एक जंगल के अंदर होता तो वो कैसा बिहेव करता ये आपको बताया गया पहले वाले में जू है अब तीसरे पे आते हैं चलिए ही शुड बी स्नारिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज ब्रेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज अब क्या बताया गया अब बताया गया है कि वो स्नाल करना चाहिए था उसको स्नालिंग का मतलब होता है बच्चे दहाड़ना या गुर्राना ही शुड बी स्नार्लिंग स्नार्लिंग मतलब ग्राउल करना गुर्राना उसको गुर्राना होता चाहिए था एट द जंगल से जंगल से मतलब जंगल का कॉर्नर किनारा बेरिंग इज वाइट फैंग्स बेरिंग मतलब शोइंग शोइंग इज वाइट फैंग्स फैंक्स क्या होता है बच्चे अब फैंक्स होता है व्हाइट कैनाइन टी ये जो सफेद दांत होते हैं राइट right, इसके टाइगर के टेरराइजिंग दिलेज टेरराइजिंग मतलब थ्रेटनिंग डराना अब अगेन पोएट ने जंग ये जो टाइगर है इसको इसके नेचुरल हैबिटेट में दिखाया है जंगल में दिखाया है क्या करते होना चाहिए इसको जंगल में इसको जंगल में वहां पर जंगल के किनारे जो घर होते थे वहां पर जाके लोगों को वहां पर गुर्राना चाहिए था जाकर इसको स्नान करना चाहिए था जंगल के कॉर्नर पे जो घर थे या लोग रहते हैं उनको बेरिंग इज वाइट फैंग्स अपने व्हाइट टीथों को दिखा के ऐसे घुराना चाहिए था ऐसे करके घुर्राना चाहिए था उसको अपने क्लॉज दिखा के लोगों को डराना चाहिए था क्यों बोला ऐसा पोएट ने क्योंकि यही तो नेचर होती है ना टाइगर की एक वाइल्ड बीस्ट है वो उसकी नेचर यह कि वो जंगल में जाके शिकार भी करेगा और वो जो लोग अगर उसके प्रॉक्सिमिटी में कोई लोग आएंगे तो उनको डराएगा भी ये नेचर है ऐसा करता होना चाहिए था उसको लेकिन वो कहा बंद है इस पैराग्राफ में इस में भी आपको जो टाइगर दिखाया गया है वो कहां दिखाया गया जंगल में दिखाया गया है अब इसकी बात करते हैं चलिए बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बास टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज इग्नोरिंग विजिटर्स लेकिन ये तो बंद है बेचारा कहा बंद है एक कंक्रीट सेल में कंक्रीट सेल मतलब एक ऐसा सेल जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल का बना हो हिस्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स उसकी जो ताकत है सारी पावर है वो बिहाइंड बार्स है वो केज के अंदर बंद है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केज इग्नोरिंग विजिटर्स और वो उसी केज के अंदर घूम रहा है वॉक कर रहा है स्टॉक कर रहा है इग्नोरिंग विजिटर visitor, जो विजिटर्स उसके आ रहे हैं देखने के लिए उनको इग्नोर करते हुए क्यों इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को वो क्योंकि जो लोग इससे डरते होंगे ना एक टाइम पे कि यार आज अगर मान लो कि जिम कॉर्बेट जा रहा है देखने के लिए मैं खुद भी गया था टाइगर को और बाइचांस वो वहां टाइगर को देखते हुए जाके ये सोचे कि यार आज टाइगर मिल जाए और उसके वहां पर पंजे दिख जाए टाइगर के लाइव निशान मिल जाए टाइगर के तो आप ये सोचना एक बड़ी सिचुएशन में आगे अगर आप कभी गए हो तो आपने एक्चुअली महसूस किया होगा आप ये सोचोगे कि यार टाइगर काश मिले ना मिले आप उस टाइम में सोचोगे कि काश ना ही मिले तो बेहतर है भाई टाइगर क्योंकि जान प्यारी है ना आपको अपनी तो टाइगर आपका सामने आ जाए इससे आप डरते हो लेकिन जू के अंदर टाइगर आपके सामने बैठ रहता है आप उसके पास जाकर यूं सेल्फी खिंचाते हो कि अरे फोटो खिचा ले उसके साथ इतनी हिम्मत हो जाती है हम लोगों की टाइगर कुछ नहीं कर पाता इसी वजह से कि टाइगर उस टाइगर से जिससे हम डरते हैं सामना होने से जंगल में उसके सामने लोग जाके फोटो खिंचा रहे हैं उसको परेशान कर रहे हैं उसको इरिटेट कर रहे हैं उठा रहे हैं बार बार शोर करके और वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए बस वो इग्नोर करता है विजिटर्स को ही हैज गिवन अप एक तरह से मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बंद हूं यहां पर वो इग्नोर करता है बस पूरे दिन और कुछ नहीं करता क्लियर होगा आई होप ये बिल्कुल आपको इसमें कहां पर दिखाए गए इसमें टाइगर को दिखाया गया इन जू ठीक है टाइगर इन जू दिखाया गया यहां पर अगला लास्ट एंसर देखते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेज विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स ये टाइगर जो है रात में आखिरी आवाज सुनता है क्या आवाज है आखिरी अब रात में आप लोग अगर कभी भी फॉरेस्ट एरिया में गए तो वहां पर बहुत सारे गार्ड गश्त लगाते रहते हैं घूमते रहते हैं या ऑफिसर्स अपनी कार्स में पेट्रोल करते रहते हैं पेट्रोल करना मतलब जैसे दिल्ली पुलिस वाले या जगह जगह पुलिस वाले रात में घूमते रहते हैं ना कार्स पे टू सी इफ एवरीथिंग इज फाइन तो वो जो राउंड लगाना टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टू सी इफ एवरीथिंग इज फाइन ये होता है पेट्रोल करना घूमना गश्त लगाना आप इसको बोलते हैं हिंदी में तो बच्चे ये जो पेट्रोलिंग करते हैं कार्स में लोग इनकी आवाज से भी डिस्टर्ब होता है बेचारा ये ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट का मतलब है कि दिन में तो लोग आते ही इसको परेशान करते हैं शोर मचाते हैं रात में भी कार्स की पेट्रोलिंग की वजह से इसको शांति नहीं मिलती शोर में रहता है परेशान रहता है एंड विद स्टेस ब्रिलियंट आइज एट द द्रिलियन स्टार्स और ये कुछ तो कर नहीं सकता बेचारा बंद है पिंजरे में इसकी स्ट्रेंथ भी है उसके पीछे तो ये बस घूरता रहता है तारों की तरफ अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट मतलब यहां पर ब्रिलियंट आइज का मतलब है शाइनिंग आइज इसकी आंखों में एक चमक होती है ना अगर आप लोगों ने कभी भी अंधेरे में देखा हो या कोई वीडियो देखिएगा जिसमें अंधेरे में इसकी आंख दिखे तो उसकी आंखों से एक चमक निकलती है अंधेरे में है ना तो वो चमक उसी वजह से बोला है इसको और अपनी आंखों में चमक आंखों से तारों को देखता रहता है बस क्यों क्योंकि नेचर तारे जो है, है फ्रीडम के ये चाहता है टाइगर की मुझे किसी दिन न किसी दिन तो आजादी मिल जाए इसलिए बस ये घूरता रहता है तारों की तरफ और कोई ऑप्शन इसके पास बचता नहीं है ये है आपका लास्ट लास्टा जहां पर पोएम ने पोएट ने फिर से टाइगर को जू के अंदर दिखाया है तो आप देखते हैं यहां पर दो तीन में पोएट ने जू के अंदर इसको दिखाया दो में दिखाया कि ये जंगल में होता तो कैसा होता राइट right? तो आप समझ सकते हैं इस पोम के थ्रू क्या मैसेज वो देना चाहता है वो ये देना चाहता है कि हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स को केज नहीं करना चाहिए हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स को जैसे वो है, उनके नेचुरल हैबिटेट में वैसा छोड़ देना चाहिए लेट देम लिव देयर लाइफ हम लोगों को भी आजादी बहुत प्यारी है ना हम लोग तीन सौ साल तक गुलाम रहे तो हमको कितनी दिक्कत हुई जानवर तो आज भी गुलाम है बेचारे बहुत सारे क्यों क्योंकि हमारा हमें एंटरटेनमेंट चाहिए उनसे ये क्या बात है यार दिस इज जस्ट

केज को बी मान लू क्वाइट को सी मान लू रेज को फिर से बी मान लू तो राइम स्कीम हो गई बच्चे ए बी सी बी ये राइम स्कीम हो गई एक बार आप वेरीफाई कर लो यहां से शैडो को ए मान लो ग्रास को बी मान लो होल को सी मान लो पास को ग्रास की तरह फिर से बी मान लो तो ये भी वेरीफाई हो गया आपका ए बी सी बी राइम स्कीम है यहां पर ठीक है क्लियर होगा बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए राइम स्कीम में बहुत बढ़िया आप लोगों ने कॉमेंट करके ये बता दिया सही बताया बिल्कुल अब चलिए आगे चलते हैं जी अब कुछ क्वेश्चन से कमेंट करके मैसेज बताओ जल्दी से मैसेज बताओ थीम तो आपको पता चल गया है क्या है कि बॉन्डेज ऑफ एनिमल्स है एनिमल्स को बॉन्ड नहीं करना चाहिए बंदी नहीं बनाना चाहिए अब क्या मैसेज मिलता है ये बताओ फटाफट से बड़ा सिंपल सा मैसेज इससे मिलता है छोटा सा वी शुड केज वाइल्ड बीस हम लोगों को जंगली जानवरों को एनकेज नहीं करना चाहिए उनको बंदी नहीं बनाना चाहिए फॉर आर एंटरटेनमेंट हमारे मजे के लिए क्या फायदा मतलब गलत है ये बहुत दिस इज अगेंस्ट नेचर नेचर को बांध रहे हो एक तरह से आप ठीक है वी शुड लीव एनिमल फ्री बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया फ्रीडम ऑफ एनिमल्स बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया ठीक है अब इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है मैंने हाईलाइट किए हैं आपको एक एक करके बताना है तो सबसे पहले देखो यहां पर सबसे पहले देखो यहां स्टॉक्स और स्ट्राइप्स को हाईलाइट किया हुआ है ऐसी यहां प्लम्बर पास को हाईलाइट किया हुआ है ऐसी यहां बिहाइंड बार्स को हाईलाइट किया हुआ है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इसमें बताओ फटाफट से जल्दी से कॉमेंट करके कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है समझा चुका हूं इस वाले को तो मैं वीश नॉट एनगेज वाइल्ड एनिमल्स बहुत बढ़िया फैंटास्टिक मुझे अच्छे अच्छे रिव्यूज अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आप लोगों से मिल रहे हैं करते रहिए ऐसी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी हमें वाइल्ड एनिमल्स को एनकेज नहीं करना चाहिए ये आपने बताया बताइए इसके आगे हम्म जल्दी से बताओ फटाफट से फटाफट से कमान 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 बिल्कुल सही बात है स स की आवाज यहां, यहां रिपीट हो रही है प की आवाज यहां रिपीट हो रही है यहां स की आवाज रिपीट हुई है, है यहां प की आवाज रिपीट हुई है और यहां पर ब की आवाज रिपीट हुई है ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का एक कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड की शुरुआत में रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बार बार एक वर्ड की शुरुआत में स्टॉक्स टाइप्स में प्लम्प पास में और बिहाइंड बार्स में बिल्कुल सिंपल एलिटेशन है कोई डाउट किसी को आगे भी बताऊंगा ओके आगे देखिए आप इसमें बताइए कौन सा यूज हुआ है हाईलाइट किया हुआ मैंने कुछ वर्ड तो इसमें कौन सा यूज हुआ यह भी बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से कमॉन कमान कमान चार्ट चार्ट में जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझे पावर ऑफ स्पेसिफिक पर्सन विल एंड वन डे अच्छा ठीक है थैंक यू फॉर द लव दट यू पीपल आर शावरिंग ओ मी लेकिन आंसर दो पहले आंसर दो भाई आई आई बी मोर हैप्पी अगर आप आंसर पहले दोगे हाँ थैंक यू सो मच फॉर द लव ओके ठीक है अरे क्वाइट हाईलाइटेड है दो जगह और यहां पर ब्रिलियंट हाईलाइटेड है दो जगह इसमें क्या है हां आप लोग मिस कर रहे हो सीधा सीधा बड़ा सिंपल वर्ड रिपीट हो रहे हैं जब भी वर्ड रिपीट होता है तो कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज होता है जब भी वर्ड रिपीट हो तो कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज होता है बताओ बड़ा से जब भी वर्ड रिपीट होता है तो कौन सा पोइटिक डिवाइस रिपीट होता है रिपीटिशन होता है बिल्कुल सही बात है भाई रिपीटिशन है ये है ना कोई वर्ड अगर रिपीट हो तो रिपीटिशन होता है ना जैसे यहां क्वाइट क्वाइट रिपीट हो रहा है यहां पर ब्रिलियंट रिपीट हो रहा है तो अगर रिपीट हो रहा हो तो आप उसको बोलते हैं रिपीटिशन अगर यही रिपीटिशन स्टार्टिंग में हो रहा हो लाइन के तो आप एनाफोरा हो, हो जाता है फिर वो ठीक है एनाफोरा अभी यहां पर नहीं है फिलहाल ओके अरे अच्छा अच्छा सॉरी 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 ठीक है हाँ ये वाला अगले में बताओ अब इसमें बताओ भाई इसमें बताओ जल्दी से इसमें कौन सा यूज हो रहा है तो on of velvet, quiet in his quiet rage. इस वाले में बताओ क्या यूज हो रहा है जल्दी से बताओ इज a... भूमिका मेहरा अभी आपका आंसर दूंगा मैं त्रा... आपने पूछा डिफरेंस क्या ट्रांसफर एपिथेट के बारे में और ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है बताता हूं इसको ठीक है ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में कौन सा यूज हो रहा है जल्दी से बताओ पहले इस वाले में ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट पैड्स को वेलवेट का बोल दिया हुआ बोल दिया है क्या होगा हा बिल्कुल 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 सही है ये करेक्ट आंसर इज मेटाफर यहां पर यूज हुआ है मेटाफर अब क्वाइट रेज में मैंने आपको बताया था क्या है मैंने खुद बता चुका हूं ऑलरेडी इसका आंसर क्वाइट रेज में कौन सा यूज हो रहा है पोइटिक डिवाइस क्वाइट रेज में पोइटिक डिवाइस बताइए बच्चा पार्टी तो दो हो रहे हैं ऑलरेडी बता चुका हूं दो हो रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहा है आपका कॉमेंट मुझे क्वाइट रेज में एक तो यूज हो रहा है बच्चे ऑक्सीमोरोन

फाइन आगे चलते हैं चलिए जी अच्छा और कोई भी हो रहा है क्या इससे अलग देखो आप देखो जगह जगह एंजॉयमेंट यूज हो रहा है यहां पर जगह जगह एंजॉयमेंट देखो यहां एंजॉयमेंट यूज हो रहा है इन दोनों लाइन में ऐसे ही फिर यहां पर दोनों में एंजॉयमेंट यूज हो रहा है ऐसे ही फिर वहां यहां पर एंजॉयमेंट यूज हुआ है तो एंजॉयमेंट भी आप बोल सकते हैं इमेजरी तो यूज हुआ ही है लगभग हर पोम में इमेजरी तो आपको दिखेगा ही हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में है ना और कुछ कोई और पोइटिक डिवाइस ओके okay. क्लियर है बिल्कुल ये कोई डाउट नहीं इसमें आई बिलीव फाइन अब आगे चलते हैं जी फटाफट से इसका आंसर दो जल्दी से आंसर दो पोइटिक डिवाइस यूज इन स्कवाइट रेज फ्रॉम द पोम टाइगर इन द जू पोइटिक डिवाइस बताइए जल्दी पोइटिक डिवाइस बताओ फटाफट से आंसर दो ठीक है आंसर दो फटाफट वड़ से बच्चे पोइटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है ओके करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सही बात है इन क्वाइट रेज क्वाइटरेज में यूज हो रहा है कौन सा अभी तो बताया ऑप्शन सी ऑक्सीमोरोन है ना अपोजिट वर्ड्स हैं और ट्रांसफर्ड एबिदेट है वो तो यूज दिखाई नहीं है इसमें ऑप्शन में तो इसलिए हमने ऑक्सीमोरोन चूज कर लिया बिल्कुल फाइन ओके ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट देखते हैं चलिए इंडिकेट ये जो क्वेश्चन है अपोज फॉरगोटन मतलब बोला जा चुका है प्रोवोक्ट मतलब उसको और ज्यादा उकसाया जा रहा है सप्रेस मतलब दबाया हुआ है उसने या अपोज मतलब उसकी खिलाफत की गई है क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ फर्जापाट फटावट से फटावट से फटाफट से कमा जल्दी 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 फटावट से ओके सिंपल इसका इसका आंसर आंसर ऑप्शन सी सप्रेस्ड उसका जो गुस्सा है उसको दबाया हुआ है उसने क्यों क्योंकि वो एनक्लोज्ड है केज के अंदर इसलिए फाइन ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है फॉर सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग आउट पोल को क्या हो गया भाई था क्या किसी कारण से ओके ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 89 परसेंट बहुत बढ़िया फैंटास्टिक नहीं इसे, सीबीएसई ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड इसी का

क्योंकि वो हंग्री है टाइड है थर्स्टी है या ना केज है क्यों है वो गुस्से में क्यों गुस्से में है जी वो फटावट से बताओ वाई जल्दी बताओ जल्दी 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 फटावट से फटावट से फटावट से कमान 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 वाई इज ही एंग्री वाई इज इन रेज गुस्से में क्यों है वो करेक्ट आंसर इज बिकॉज इन केज केज में इनक्लोज उसको बंद कर दिया गया इसलिए फाइन बिल्कुल इसलिए सिंपल ओके आगे बढ़ते हैं चलिए ओके ठीक okay, है चलो अब एक बार ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि पोल किसी वजह से अभी स्लो हो गया तो हम अभी पोल नहीं करते हैं हम लोग सीधा सीधा ऐसे आंसर आप मुझे बताना मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा फटाफट से ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन नाइनटी थ्री परसेंट ठीक है बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो एक्सप्रेस टाइगर्स ये जो लाइन है ऊपर की ये टाइगर का क्या एक्सप्रेस करती है रेजिग्नेशन फियर एंगर एक्सेप्टेंस क्या एक्सप्रेस करती है उसका फटाफट से बताओ हाँ पोल थोड़ा सा ढीला कर रहा है स्लो कर रहा है हम लोगों को तो ठीक है अभी पोल थोड़ी देर के लिए रुक देते हैं ओके करेक्ट आंसर इस बच्चे ऑप्शन ए ये दिखाती है कि इसका रेजिग्नेशन टाइगर का कि उसने जो है रिजाइन करना मतलब एक सिचुएशन को जैसी वो एक्सेप्ट कर लेना उसमें जो भी होगा वो मंजूर कर लेना ठीक है ये उसका दिखाती है कि भाई जो भी हो रहा है मेरे साथ ठीक है अब मैं अपना गुस्सा भी दबा के बैठा हूं बिल्कुल ये आपको आंसर मिलता है नेक्स्ट है द कॉन्ट्रास्ट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अब एक्सेप्ट में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया एक डिफरेंस दिखाया गया कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस या अपोजिट आइडियाज बिटवीन लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड लाइफ इन द डैश टाइगर की लाइफ इन द फॉरेस्ट और लाइफ इन व्हाट दो चीजों के बीच में आप जो भी ऑप्शन लिख रहे हो ना स्क्रीन पे उसके साथ आंसर भी लिखो जैसे सी केव या डी जी जू ऐसे करके लिखो आंसर जो भी दे रहे हो स्क्रीन चार्ट बॉक्स में फटाफट से दो जल्दी से दो बच्चा पार्टी ओके ओके ओके, ओके फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ कमान तो एक तो टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड टाइगर इन द जू बिल्कुल सही है आपका आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखते हैं चलो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो बिकॉज ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो बिकॉज उसको शैडो में लर्क करना चाहिए था हाइड करना चाहिए था क्यों इसको कंप्लीट करना जल्दी से बताओ ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो बिकॉज बताइए क्यों He should be lurking in the shadow because ha हाँ, to prey a deer or to basically to hunt a deer kyun to hunt a deer एक deer को hunt करने के लिए क्योंकि उसकी बेसिक नेचर है हंट करना और हंट करके शिकार करके जानवरों को खाना नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द सेंटेंस appropriately इट इज क्लियर दैट मेटाफॉर इज द poetic डिवाइस used फॉर pads ऑफ velvet बिकॉज यहां पर बोला है कि आपको आंसर ही दे दिया एक तरह से बस आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला है कि पैड्स ऑफ वेलवेट में मेटाफर यूज किया है क्यों और क्लू दिया है यहां पर एक्सप्लेन हाउ मेटाफर इज अप्लाइड हियर मेटाफर कैसे अप्लाइड है तो बड़ा सिंपल सा आंसर है क्योंकि जिस तरह से पैड्स ऑफ वेलवेट उसके जो पैड्स हैं पंजे उनको वेलवेट का बता बना बोल दिया है तो यहां पे मेटाफर कैसे है कि यहां पर जो पैड्स की सॉफ्टनेस है उसको वेल्वेट की सॉफ्टनेस से कंपेयर करने के लिए पैड्स को वेलवेट का ही बना हुआ बोल दिया ये यह आप यहां पर बोलेंगे बिकॉज द सॉफ्टनेस ऑफ द पैड्स इज कंपेयर सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट देर फोर यहां मेटाफर यूज है नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है भाई

नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन ठीक है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं बिल्कुल सिमिलर है सेम अप्रोच होगी इसकी भी सेम अप्रोच है इसकी भी ओके okay, अब पी वाई की उस, ये वाला बताइए फटाफट से वेर शुड द टाइगर है पोएट पोएट के अकॉर्डिंग टाइगर को कहां होना चाहिए था बड़ा सिंपल आंसर है फॉरेस्ट उसको एक फॉरेस्ट में होना चाहिए था नेक्स्ट है हाउ डज अ टाइगर क्यों होना चाहिए था अगर इसका आंसर वाई भी पूछा जाए तो क्यों होना चाहिए था फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में इसलिए होना चाहिए था उसको बिकॉज अ टाइगर नेचुरल हैबिटेट इज अ फॉरेस्ट जैसे हम लोगों का घर होता है ऐसे उनके लिए फॉरेस्ट है उनका घर इसलिए हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स और हाउ डज अ टाइगर मेक इज प्रेजेंस फेल्ड इन द विलेज कैसे टेरर क्रिएट करता है वो गांव वालों के लिए जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी कैसे वो टेरर क्रिएट करता है गांव वालों के लिए उ डज ही क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स और हाउ डज अ टाइगर मेक इज प्रेजेंस फेल्ड इन दिलेज सिंपल आंसर है बिल्कुल he... हा हा, हा जल्दी से बताओ पीडीएफ अच्छा मैं बता दूंगा अभी पीडीएफ कहां मिलेगा <coughs> हा बाय ग्राउलिंग एक तो वो गुर्राता है स्नार करता है आपको बताया गया था ना कुछ वर्ड दिए गए थे स्नार्लिंग तो बाय स्नार्लिंग नियर द जंगल्स कॉर्नर जो भी रेजिडेंस होते हैं जंगल के किनारे पे वहां पर जाके स्नान करता है वो गुर्राता है दूसरा बाय बेरिंग इज फैंक्स वो अपने फैंक्स और पॉज को वहां पर जो है उसको उनको बेयर करता है दिखाता है है ना इस तरीके से वो टेररइज करता है या थ्रेटन करता है लोगों को फाइन वाइट फैंक्स और अपने हाँ बिल्कुल ठीक है करेक्ट है बाय रूरिंग सही है नेक्स्ट है लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंग ऑफ एवरी लिविंग बींग कमेंट आजादी के लिए सबका इंस्टिंट होता है एक नेचुरल हम लोगों का भी है इस तरीके से जानवरों का भी होता है और ये आपको पता चलता है टाइगर इन द जू पढ़ के कि वो जो जानवर है जो कि जू के अंदर बंद है उसने अपना जिस तरह का वो फ्रेशसनेस होता है टाइगर का जिस तरह का वाइल्ड बीस्ट वो है वो सारा खत्म हो चुका है वो बस बैठा है वहां पर गुस्से में शांत पूरे दिन कुछ नहीं करता वो बस वहीं घूमता रहता है गोल गोल तो उसको आजादी चाहिए और ये हर एक इंसान हर एक क्रिएचर लिविंग क्रिएचर जिसको भगवान ने जान बख्शी है वो आजादी चाहता है ये एक एसेंशियल बीइंग होता है हर एक एनिमल का और अगर आजादी उससे छीन ली जाए तो आप उसका स्पिरिट भी उससे स्नैच कर लेते हो जो कि दिखता है बड़े क्लियरली इन द टाइगर इन द जू में टाइगर इन द जू जो पोम है उसमें आपको दिखता है कि टाइगर को जब बंदीत कर दिया जाता है कैप्टिवेट कर दिया जाता है तो वो एक ही जगह पर उसी टाइगर में पंजरे में बंदे होने की वजह से उसका जो नेचुरल ऑरा है जिस तरीके से वाइल्डली हंट करता है जानवरों को या खुलेआम घूमता है थ्रेटन करता है लोगों को वो सब खत्म हो चुका है ऐसा कुछ नहीं कर पाता वो केज के अंदर ये इसके इसके आंसर्स हैं साथ खत्म कर लिया इसको आप चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं एक और फटाफट से मतलब एक और अगली से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से छोटा बताइए बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है सर जल्दी से बताओ इसका बिल्कुल सही बात है ओके 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 अब आप फटाफट से आंसर बताओ पहले वाले का आपको स्पोर्ट्स गेस करना है इमेजेस देख के पहले वाला कौन सा है बहुत बड़े जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी फटाफट वड़ से फटाफट वड़ से कमान 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 हां जल्दी से बताओ ओके करेक्ट आंसर इस बच्चे ये बास्केटबॉल है बिल्कुल सही दूसरा बताओ दूसरा और तीसरा ही बताओ दूसरा दूसरा बराबर से बताओ। ओके <applause> okay. ठीक है दूसरा वाला बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से दूसरा बताओ बच्चा फटाफट से बच्चा पार्टी ओके दूसरा है बॉक्सिंग बिल्कुल सही बात है तीसरा थर्ड वन क्या है सॉरी द हमें चेंज करना पड़ा एक सेकंड के लिए सॉरी अबाउट दैट ओके करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज टेबल टेनिस टेबल टेनिस है तीसरा ठीक है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सही है तो ये तीनों आपने इजिली गेस्ट कर लिए होंगे वर्ड पिक्चर एसोसिएशन गेम था बहुत सिंपल सा गेम था एक आपने कर लिया आप चलिए चलते हैं अगली पोम की तरफ हमारी ये रहे आंसर्स अगली पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही मजेदार पोम है कैरोलिन वेल्स ने पोम लिखी है पोम में क्या बताया गया पोम में बताया गया है कि आपको जो नाम है ना हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसका मतलब है हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स कैसे आपको वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है एक बारी देखते हैं अब इसको पोम को तो एक पोएम है ये जो पोएम है ये डिस्क्रिप्शन है अलग अलग जानवरों के लगभग पांच से छह जानवरों का फिजिकल डिस्क्रिप्शन और उनके बिहेवियर का और पोएट ने इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ ऐसे नहीं दिया है बस कि ये होता है जानवर ये टाइगर होता है लाइन होता है ऐसे नहीं दिया है उसने पोएट ने इसको बड़े ह्यूमरसली मिक्स किया है इंफॉर्मेशन को विट के साथ इंफॉर्मेशन भी दिया है और एक फनी तरीके से प्रेजेंट किया है उस इंफॉर्मेशन को तो ये जो है ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसको फटाफट से चलिए देखते हैं को फाइन स्टार्टिंग सबसे पहला स्टैंजा इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड यू शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट एशियन लाइन you तो यहां पर एक वर्ड यूज किया है टॉनी टॉनी का मतलब होता है येलोइ ब्राउन एक कलर है ये। तो ये ये आपको बताता है कि एक एशियन लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है तो पोएट बोलते हैं पहली लाइन दो लाइन में कि अगर कभी भी आप बाई चांस जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उस, उनके जंगल में जाएंगे और अगर आपकी तरफ कोई बड़ा ह्यूज लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा और येलोइ ब्राउन कलर का बीस बीस मतलब एनिमल अगर आपकी तरफ एडवांस करे आपकी तरफ आए और जैसे ही वो आपकी तरफ आए बहुत तेज दहाड़े रोर्स मतलब दहाड़े इतनी तेज दहाड़े कि शायद आप डर से मर जाएं तो समझ जाना वो कौन है वो एशियन लायन है इस में पोएट ने बताया है एक एशियन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक दिखने में कैसा लगता है और उसका बिहेवियर दिखने में बहुत ही बड़ा है येलोइश ब्राउन कलर का है और वो बहुत तेज दहाड़ता है इतनी तेज कि आपकी जान जा सकती है अगर वो आपके सामने आके दहाड़ दे तो ठीक है तो ये एशियन लाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक इस स्टैंड में आपको बताई गई आई होप क्लियर होगा क्लियर तो फटाफट से एक आंसर बता दो हाउ कैन एशियन लाइन भी आइडेंटिफाइड एशियन लाइन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाना चाहिए बताइए लार्ज एंड टाउनी सॉरी लार्ज बॉडी डल ब्राउन कलर लाउड रोर ऑल ऑफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप टाउनी means डेंजरस होता है नहीं बच्चे tawny एक कलर का नाम है Tawny सिंपली मीन्स yellowish ब्राउन का कलर ये जो कलर आपने देखा आप इमेज में था ना अभी टाइगर मैंने ब्राउन कलर का लगाया हुआ था वो वाला कलर उसको टॉनी बोला जाता है बहुत बढ़िया 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 जल्दी से बताओ फटाफट से सिंपल है इसका आंसर बिल्कुल तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन लाइन को क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बाय द वे उसकी बड़ी बॉडी से उसका जो कलर है टॉनी कलर उससे और एक उसका बड़ा सा रोर जो होता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बड़ा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ठीक है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल यह यार ये नहीं आ रहा है किसी कारण से भाई कोई बात नहीं हम ऐसे ही करेंगे फटाफट से इसको न -न 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 -न. छोड़ो आगे बढ़ते हैं चलिए अब दूसरे देखिए और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस ग्रीट्स यू नोबल मतलब रॉयल वाइल्ड मतलब जंगली बीस मतलब एनिमल ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ईट्स यू द दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगाल टाइगर टू डिसर्न डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई या नोटिस अब क्या है तो इसमें आपको पहचान बताइए बेंगाल टाइगर की कैसे कि अगर कभी घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस ग्रीट कर दे आपको नोबल क्यों क्योंकि बंगाल टाइगर जो है ना उसको द रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है इसलिए यहां नोबल यूज किया गया असली में नोबल नहीं होता है बंगाल टाइगर नोबल मतलब एक ऐसा इंसान जिसका सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो टाइगर अगर आपको देख लेगा तुरंत झट जाएगा आपके ऊपर तो नेचुरली इसका सोशल बिहेवियर अच्छा तो नहीं है बट नोबल क्यों बोला गया बिकॉज वो रॉयल बंगाल टाइगर नाम की वजह से इसके एनी anyway, वे जिसकी पहचान क्या है कि उसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स है और येलो ग्राउंड येलो ग्राउंड मतलब यहां स्किन या बॉडी से है स्किन या बॉडी इसकी इसकी जो येलो कलर की बॉडी होती है उस पर आप देखते हैं ब्लैक स्ट्राइप इससे पहले टाइगर इन दू था उसमें भी आपने देखा जस्ट नोटिस इफ ईट्स यू अगर आपको वो खा ले तो ये बात नोटिस कर लेना आप दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगाल टाइगर टू डिसन और ये सिंपल रूल क्या सिंपल रूल कि अगर आपको वो खा ले तो वो कौन है वो बेंगौल टाइगर है ठीक है तो अगेन यहां पे बड़े ह्यूमरसली मजाक के तरीके से पोएट ने प्रेजेंट करी है एक बात क्या कि भाई जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो आप उसकी बॉडी पे एक तो उसका बताया येलो कलर की बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप होती है और अगर वो आपको देखते ही आप पे झपट पड़े आपको खाने के लिए तो समझ जाना कि वो कौन है रॉयल बंगाल टाइगर है उसका कैरेक्टरिस्टिक उसका फिजिकल अपियरेंस और उसका बिहेवियर यहां पर डिस्क्राइब किया गया है क्वेश्चन देखिए अब द येलो ग्राउंड रेफर्स टू येलो ग्राउंड जो वो किस चीज की बात करता है यहां पर द द कलर ऑफ बंगाल टाइगर स्किन एन एनक्लोजर इन अ जू द ग्रास इन अ पार्क इन बंगाल सिटी द ड्राई ग्रास इन अ फॉरेस्ट येलो ग्राउंड जो था यहां पर वो किस चीज के बारे में बात करता है पिछले पैराग्राफ में फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से कमान 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 किस चीज की बात हो रही है यहां पर येलो ग्राउंड ओके करेक्ट आंसर इज बहुत बढ़िया द कलर ऑफ द बंगाल टाइगर स्किन बंगाल टाइगर की जो स्किन का कलर है उसकी बात हो रही है यहां पर नेक्स्ट द सिंपल रूल हियर टू कौन से सिंपल रूल की बात हो रही है द बंगाल टाइगर रोमसराउंड इस बात की द बंगाल टाइगर विल यू द बंगाल टाइगर इज अ नोबल बीच द बंगाल टाइगर ग्रीट्स यू कौन सा सिंपल रूल बोला है उसने टाइगर को पहचानने का <laughs> क्या सिंपल रूल बोला है वट इज सिंपल रूल यहां पे जो पोइट ने मेंशन किया है अरे कौन है मेरा नाम अनुराग त्यागी है सर और ये कौन यहां पे लव यू कर रहा है भाई पढ़ लो बंगाल टाइगर विल ईट यू करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही सिंपल रूल क्या बताया पोइट ने टाइगर को पहचानने का कि अगर आपको वो खा ले तो समझ जाना कि वो कौन है बेंगाल टाइगर है <laughs> बड़ा सिंपल सरूल है नेक्स्ट अगला स्टैंड देखते हैं इफ स्ट्रोलिंग फोर था बीस यू व्यू अगर वॉक करते हो आपको एक बीस दिखे स्ट्रोलिंग मतलब वॉन्डर करना वॉक करना रोम करना अगर रोम करते हुए आपको एक बीस दिखे हुज हाइड विद स्पॉट्स हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड हाइड मतलब होता है बॉडी या स्किन फिर से Peppered. Peppered मतलब स्कैटर्ड uh, peppered. Peppered मतलब या स्प्रिंकल्ड तो आपके घर पर आप सॉल्ट और पेपर डालते हो अपने खाने पर स्प्रिंकल करते हो तो वही मतलब है यहां पर एज सुन एज हीज लेफ्ट ऑन यूल नो इट इज द लेपर्ड इट विल डू यहां पर ट्विल खे असल में इट विल है ये ट्विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन ही लेप एंड लेप अगेन अब ध्यान से देखिए दो चीजें पॉइंट आउट करनी है पहले तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं जी इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अगर घूमते हुए एक आपको दिखे जिसकी बॉडी पे पूरी बॉडी पे स्पॉट्स छोटे छोटे धब्बे स्कैटर्ड हो बिखरे हूं जैसे आप इमेज में देख रहे हो इसकी बॉडी पे छोटे छोटे धब्बे हैं स्पॉट्स है आप पूरी बॉडी पे तो ये पहचान बताइए फिजिकल अपीयरेंस क्या बताइए कि एक ऐसा एनिमल जिसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट्स बिखरे हुए हूं एज सुन एस इज लेफ्ट ऑन यूल नोट इज अफर्ड जैसे ही वो आपके ऊपर देखे आपको अगर आप लेफ्ट मतलब जंप्ट अगर आपको देखते ही आपके ऊपर जंप कर जाए तो समझ जाना वो कौन है वो लेपर्ड है इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन इनलीप एन लेप अगैन और उसके सामने रोर करना उसके सामने दर्द से कराना कोई हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि वो आपके ऊपर बार बार जंप करता ही रहेगा आपको अटैक करता ही रहेगा अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जो कि आखिरी में एनी वे डिस्कस करूंगा लेकिन पोइटिक डिवाइस डिस्कस कर लू इस टैंज में क्या बताया गया एक ये जो लेपर्ड है उसके बारे में बताया गया है कि वो जो लेपर्ड है वो कैसा दिखता है और उसका क्या बिहेवियर होता है दिखता तो उसकी बॉडी में जैसे किसी को देखेगा एकदम उसको अटैक कर देते हैं ये दोनों बताए गए हैं उसके फीचर्स अब यहां पर आप देखते हैं कि जो लेफ्ट है ना ये वर्ड जो है और ये जो दोनों वर्ड इनकी स्पेलिंग गलत कर दी गई है क्यों क्योंकि लेप जो होता है एल ई ए पी होता है जिसका मतलब होता है जंप और इसी की पास्ट में होती है लेफ्ट ए पी टी लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग पोएट ने गलत लिखी है इसकी लिखी है एल ई पी और इसकी लिखी है एल ई पी टी क्यों सिंपली बिकॉज ये राइम करवा सके जो आवाज इससे आ रही है ना लेप्ट से वो लेपर्ड के स्टार्टिंग पार्ट से राइम करवा सके इसलिए बस और जो टूल यहां पर इसने यूज किया है स्पेलिंग चेंज करते हुए उसको आप बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस इसी टूल को आप पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस क्या होता है ध्यान से समझिएगा एक ऐसा लिट्रेरी डिवाइस एक ऐसा पोइटिक डिवाइस जब पोएट जान के या तो कोई स्पेलिंग एरर कर दे या कोई ग्रामेटिकल एरर कर दे या सेंटेंस में वर्ड्स को आगे पीछे कर दे कुछ भी ऐसा जो कि जनरल इंग्लिश कन्वेंशन में फॉलो ना होता हो ऐसा कर दे क्यों ताकि रिदम मेंटेन कर पाए राइम स्कीम मेंटेन कर पाए कुछ भी बेसिकली अपनी पोम को अच्छा इंफ्लुएंस एम्फोसिस देने के लिए वो अगर कुछ भी चेंज कर दे स्पेलिंग को बदल दे गलत स्पेलिंग दे दे या स्पेलिंग uh, गलत कर दे या वर्ड ऑर्डर चेंज कर दे कुछ भी उल्टा पुलटा कर दे जो कि ग्रामर से मैच ना कर रहा हो तो आप उसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं क्लियर होना चाहिए आपको गवार था कोई बोल रहा है <laughs> नहीं 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 गवार नहीं था भाई ये बस, ये बस बस मतलब मतलब क्या बोलू? मतलब, ने कुछ लिबर्टी ली होती है ताकि वो थोड़ा मजा क्रिएट कर सके पोएम के अंदर सकते हो लाउड रोड से उसकी यूनिक मूवमेंट से पैटर्न ऑफ इट्स ऑन बॉडी कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे उसको जल्दी से बताओ कैसे रिकॉग्नाइज करोगे बच्चा पार्टी फटाफट से बताओ ओके okay. कैसे रिकॉग्नाइज करोगे जल्दी से बताओ फटाफट से फटाफट से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एनिमल चल रही है भाई अगर आप लोग अभी पूछ रहे हो पॉम कौन सी चल रही है इतने से देख के नहीं समझे और आप टेंथ क्लास में है तो थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे आपका हिसाब किताब अभी बिगड़ा हुआ है ओके <laughs> okay. कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो बच्चा पार्टी ऑप्शन डी ओके द पोएट द लेपर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी उसकी बॉडी पे स्पॉट्स जो होते हैं जगह जगह उससे पहचान सकते हो बहुत बढ़िया नेक्स्ट अ वर्ड व्हिच मींस स्कैटर्ड और स्प्रिंकल्ड विद इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्कैटर्ड या स्प्रिंकल्ड रोर चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जल्दी बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से बच्चा पार्टी कौन सा ऐसा वर्ड है इसका मतलब ये हो पेपर्ड लेफ्ट स्ट्रॉलिंग ए रोर जल्दी 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 फटाफट से फटाफट से कैन बी यूज पोलिटिक लाइसेंस इन एग्जाम वंश अग्रवाल पूछ रहे हैं नहीं सर अगर आपने पोलिटिक लाइसेंस यूज कर दिया ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बस दिक्कत तो कोई नहीं कर लो यूज क्या परेशानी खूब मजे से यूज करो आपको वैसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती आप खुद ही यूज हो जाता है आपसे पोलिटिक लाइसेंस है ना तो बस इतनी दिक्कत होगी थोड़ी सी ओके कौन से वर्ड का मतलब स्कैटर्ड या स्प्रिंकल्ड है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेपर्ड का मतलब होता है ये बहुत बढ़िया नाइस nice. अगला देखते हैं जी चलिए स्टैंड अगला इफ

Uh, admirable ओके okay. अब क्या बोला है स्टैंड में बड़ा सिंपल स्टैंड बताया गया कि आप भालू को कैसे बचानेंगे बेयर को कैसे बचानेंगे अगर वॉक करते हुए अपनी यार्ड में अपनी यार्ड में मतलब आपके बिल्डिंग या आपके घर के अंदर एक ऐसी जगह ओपन एरिया हो जो कि एंक्लोज हो उसको आप बोलते हैं यार्ड तो अगर अपनी यार्ड में घूमते हुए आपको एक क्रिएचर मिल जाए जो आपको बड़ी तगड़े तरीके से हक कर ले तो समझ जाना वो कौन है बेयर है उट्स आई गेस हिल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपको प्यार से कैरस दे देगा आपको प्यार से ऐसे छू लेगा आपको ऐसे स्लैप कर देगा केयर बोलते हैं उसको दुलार करना बोलते हैं ठीक है अब क्यों बोला इसको ऐसा तो बैर को दो चीजों से डिस्क्राइब किया यहां एक तो उसके बैर हक से और दूसरा उसके कैरेस से असली में अगर बैर ऐसा कर देना तो भैया फेटल है वो मतलब हो सकता है अल्लाह को प्यार हो जाओ आप क्यों क्योंकि बैरह जब करता है बैर तो उसका एक अटैकिंग मैकेनिज्म होता है अगर बैर आपको हक कर ले बहुत मजबूती से तो जानलेवा होता है वो और अगर आ उसने अपने हाथ से ऐसे भी वो करा आपको अगर अपने हाथ से ऐसे केर एस करा कैर एस करना मतलब तो प्यार से दुलार करना लेकिन अगर वो ऐसे करेगा तो हो सकता है वो भी फेटल हो जाए आपके लिए या स्लैप करा अगर भालू ने आपको तो जो कि करता है वो तो भालू की दो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं एक तो बेरहग और दूसरा कैर एस करना लेकिन दोनों को ह्यूमरसली यूज किया गया है थोड़ा सा मजाके वाले सेंस में असली में भालू प्यार से नहीं करता ये सब बट बस बताया गया है प्यार से दुलार से आयरॉनिकल आयरनी बोलते हैं इसको आयरनी क्या होता है जब किसी वर्ड को उसके बेस मीनिंग के विपरीत यूज किया जाए जैसे मतलब कुछ और हो लेकिन बोलना कुछ और चाह रहा है है ना आयरनी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है क्या कि फायर हाउस की जो कार होती है फायर हाउस फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल है उसी में अगर आग लग जाए फायर ब्रिगेड की व्हीकल से एक्सपेक्टेड क्या है कि वो आग बुझाएगी लेकिन अगर उसी में आग लग गई तो ये आयरनी का एक एग्जांपल है आयरनी का मतलब क्या होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एक्सपेक्ट कुछ और हो रहे हो कर रहे हो लेकिन हो कुछ और जाए ऐसी आयरॉनिकल वर्ड क्या होता है जिसका मीनिंग तो एक्सपेक्टेड कुछ और है लेकिन असली में बोलना कुछ और चाह रहा है पोइट तो यहां बैर हग का और का स्पेशली जो मीनिंग है वो दुलार होता है लेकिन भालू असली में थोड़ी दुलार करता है इसका मीनिंग कुछ और है आयरॉनिकल यूज किया गया है इसको आगे देखते हैं चलिए द पोइट्रिक डिवाइस यूज इन द फर्स्ट लाइन पहली लाइन में कौन सा पोइट्रिक डिवाइस यूज किया गया इफ वन यू आर वॉकिंग्राउंड योर यार्ड पहली लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया आपसे पूछा रिपीटिशन पोएटिक लाइसेंस एलिट्रेशन फटाफट से पूछा कौन सा पोएटिक डिवाइस जल्दी से बताओ इन चारों में से।, जल्दी से, बताओ। <laughs> से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी, जल्दी 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 कमान 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 कौन सा कौन सा आंसर है करेक्ट थैंक यू थैंक यू सो मच आंसर बताओ फटाफट से बड़ी अच्छी पोम लिखी नोरिस ने वैसे ओके फर्स्ट लाइन में जो यूज किया गया इफ वेन है। है रिपीट हो रहा है ऐसे योर में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फाइन अब नेक्स्ट देखते हैं चलिए दो टू डिस्टिंग्विश बीस ऑफ प्रे अस माइट नॉन प्लस द ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना न विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स अब यहां पर आपको इस सांजा में डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है अंतर बताया गया हाइना और क्रोकोडाइल हाइना मतलब लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया क्या डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट टू डिस्टिंग बीस ऑफ प्रे बीस प्रे मतलब ऐसे जानवर जो कि शिकार करके अपना काम चलाते हैं अपना खाना पीना वो शिकार करके करते हैं प्रे मतलब शिकार बीस मतलब ऐसे एनिमल जो कि शिकार करके अपना गुजारा करें नोवाइस no नो no होता है माइट नॉन प्लस नॉन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज अ क्रोकोटाइल यू ऑलमेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस अब क्या बोला है पहली दौरान में यह समझ लो कि हालांकि बीसौ प्रे को डिस्टिंग्विश करने में एक नौ सीखिया कंफ्यूज हो सकता है एक नया आदमी जिसको आइडिया ना हो ज्यादा वो कंफ्यूज हो सकता है बीस ऑफ प्रे ऐसे जानवर जो कि शिकार करके खाना खाते हैं उनमें कंफ्यूज हो सकता है उनको उनमें अंतर बताने में लेकिन क्रोकोडाइल का हाइना से क्या अंतर होता है चलो मैं तुम्हें बताता हूं पोएट ऐसा कहता है क्या अंतर होता है हाइना हाइना कम विद मेरी मेरी स्माइल्स इफ दे वीप क्रोकोडाइल्स मतलब हैप्पी जो है वो जब अपने शिकार को करता है और उसको खा रहा होता है ना गोबल कर रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे हंस रहा है वो स्माइल कर रहा है वेरा जो क्रोकोडाइल है वो रोता है वीप करता है अब ये असली में नहीं होता है ऐसा ये जो रेफरेंस यहां दिया गया है ये है एक्सप्रेशन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं ना उनसे लिया गया है ये। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपने सुना होगा ना मगरमच वाले आंसू घड़ियाली आंसू तो मगरमच्छ के आंसू इसलिए यहां पे वीप बोला गया है और हाइना जो है ना जब वो खा रहा होता है या वो जनरली जैसे बिहेव करता है तो ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रहा हो इंसानी स्माइल से कुछ बहुत कम रिजेंबलेंस उसका होता है इसलिए सिंपली बोला है मैरी स्माइल्स तो हाइना और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है हाइना जो स्माइल करता है वेरस क्रोकोडाइल जो है वो रोता है एक्सप्रेशन है और ह्यूमरस है है बस ये बात फाइन फील एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश करने में एक नोवाइस कैसा महसूस करेगा फ्राइटेंड अमेज या कंफ्यूज कैसा महसूस करेगा जल्दी से बताओ कैसा महसूस करेगा जल्दी से बता दो फटाफट से राइम स्कीम लर्न करके जा रही है नहीं राइम स्कीम आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा उससे पूछी है तो आप वही निकाल सकते हो सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी कंफ्यूज बहुत बढ़िया नॉन प्लस यूज किया गया आपकी बुक में इसके लिए अब एक कुछ और डिस्कस भी करना मुझे छोटा सा पार्ट इसकी वजह से तो आप देखते हैं यहां पर एक वर्ड जो है नॉन प्लस असल में इसकी सही स्पेलिंग होती है ये नॉन प्लस ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी लेकिन पोएट ने इसकी स्पेलिंग नॉन प्लस यूज कर दी है क्यों ताकि यहां पर जो दस है उससे राइम कर पाए इसको तो अगर ऐसा करता है पोएट तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी समझाया था जल्दी से बताओ कोई पूछ रहा है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है तो पर्सोनिफिकेशन होता है बच्चे जब भी किसी नॉन लिविंग चीज को या एनिमल को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाए जैसे बोल डांसिंग ट्रीज या ट्रीज आर डांसिंग ट्रीज डांस कर रहे हैं तो ट्रीज थोड़ी डांस डांस करते करते हैं करते हैं इंसान तो वो एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन का लेकिन यहां आपको बताना है ये नॉन प्लस की स्पेलिंग गलत लिखी है पोएट ने जान के ये होनी चाहिए थी लेकिन ये लिखी है ताकि वो दस के साथ राइम करा सके इसको राइम स्कीम खराब ना हो क्या यूज किया यहां ओके okay. बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है बच्चे यहां पर यूज किया है उसने ओह सॉरी यहां पर यूज किया है उसने पोएटिक लाइसेंस वैसे तो हम देखेंगे अभी डिटेल में सारे क्वेश्चंस को सारे पोइटिक डिवाइसेस को लेकिन यहां पोइटिक लाइसेंस यूज किया है क्लियर होना चाहिए आगे चलते हैं चलिए द यूनिक फीचर ऑफ हाइना इज हाइना का लकड़बग्घी का यूनिक फीचर क्या है इट फ्राइटन्स पीपल इट वीप्स क्वाइटली इट हैज अ स्माइलिंग फेस इट हैज आइज क्या यूनिक फीचर है उसका क्या यूनिक फीचर है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चावाटी फटाफट से कमान 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 क्विकली पोएटिक डिवाइस याद करके जाना है अगर आप पोएम पढ़ रहे हो और आपने देख लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी कि आपसे पूछा है एक्सट्रैक्ट देखिए कि यहां पर कौन सा यूज uh, किया गया है पोइटिक uh, डिवाइस तो पढ़ के जाइएगा आप देख के पहचान जाओगे बस इतना करना है करेक्ट आंसर इज इट ऑफ फेस बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट लास्ट स्टांजा जो है इस का ट्रू कमिलियन एक तो इसको पढ़ते का लगता है बच्चे चैमिलियन पढ़ते हैं कुछ कुछ कैमिलियन पढ़ते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कमीलियन द ट्रू कमिलियन ऐसे पढ़ते हैं ठीक है द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड ऑफ थिंग ही एनी एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इज द कमिलियन यू सी ध्यान से समझिए बड़ा मजेदार है अब बच्चे बोला गया है कि कमिलियन कौन होता है गिरगिट आप देख भी रहे होंगे इमेजेस में गिरगिट जो है उसकी पहचान बताई गई कि द तो जो असली कमिलियन होता है वो छोटा सा होता है एक लिजर्ड की तरह दिखता है ही हैज एन टे एट ऑल उसके ना तो कान होते हैं ना ही विंग्स होते हैं उसके इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमिलियन यूसी अब देखो यहां पर टिज लिखा है असल में इट इज लिखना चाहता था पोएट उसके लिए शॉर्ट फॉर्म दे दिया बस पोएट्रिक लाइसेंस है फिर से टिज द कमिलियन यूसी अब यहां पे लास्ट द लाइन बड़ी मजेदार है लिखा हुआ है कि अगर ट्री पे कुछ भी ना दिखे तो समझ जाओ कि वहां पर कमिलियन है क्यों बोला ऐसा ऐसा इसलिए बोला है कि कमिलियन की एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता है जो भी इसके सराउंडिंग्स है वैसे ही कलर बदल देता है अगर सराउंडिंग्स ग्रीन कलर की हैं तो वो ग्रीन में बदल सकता है अगर सराउंडिंग रेड कलर की है तो रेड में बदल सकता है बेसिकली वो कैमोफ्लाज कर सकता है एक वर्ड यूज किया गया है कैमोफ्लाज ठीक है कैमोफ्लाज मतलब इस तरीके से भेस भर लेना कि आप सराउंडिंग्स में पहचान ना पाए पहचान ना जा पाओ कैमोफ्लेज करना बोलते हैं तो ये कैमोफ्लाज कर सकता है इस वजह से ऐसा बोला गया है कि अगर पेड़ पे कुछ ना दिखे तो इसका मतलब वहां कमिलियन है क्यों क्योंकि उस पेड़ पे एक कमिलियन रहा होगा जिसने अपना रंग बदल लिया और वो पेड़ के रंग में ही मर्ज कर गया है देयर फोर इज

बोला ना इट इज नथिंग ऑन द ट्रीट इज द कमिलीन यू सी कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जल्दी बताओ फटावट से बताओ बच्चा पार्टी क्या यूज हुआ पोइटिक डिवाइस फटावट से बताइए जल्दी से जल्दी से कमान 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 बताइए बच्चा पार्टी फटावट से बताइए कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है हा पोलिटिक लाइसेंस यहां पर ठीक है पोलिटिक लाइसेंस है और कुछ भी है क्या दो लाइंस में इससे अलग जी हां है मैं आपको बताता हूं क्या आपने पैराडॉक्स का नाम सुना है कभी पैराडॉक्स जो सिंगर है उसकी बात नहीं कर रहा है पैराडॉक्स नाम का सिंगर भी आया है आजकल यहां पर यूज बच्चा पार्टी पैराडॉक्स और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए ध्यान से याद रखिएगा इसको पैराडॉक्स क्या होता है पैराडॉक्स होता है बच्चे जब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जो कि अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट करे जैसे ये स्टेटमेंट थी ना जहां पर लिखा है कि अगर पेड़ पे कुछ ना हो तो समझ लो वहां एक कमिलियन है अगर पेड़ पे कुछ ना हो तो समझ लो वहां कुछ है अब ये स्टेटमेंट अपने आप में सच नहीं लग रही लेकिन जब आप उसमें डीपली सोचोगे उसको एनालाइज करोगे तो आपका समझ में आएगा कि स्टेटमेंट तो सही थी ये होता है पैराडॉक्स एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का मोर इज लेस अब इलेस कैसे मोर इज है तो ज्यादा कम कैसे हो सकता है भाई ज्यादा तो ज्यादा ही होता है ना लेकिन ये रेफर करता है नॉलेज को आप जितनी ज्यादा नॉलेज ग्रैब करोगे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको ये समझ में आएगा कि इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज है उसके मुकाबले आपकी नॉलेज बहुत कम है सो द मोर यू विल स्टडी द लेस नॉलेज यू हैव यू रियलाइज मोर यूल नॉलेज यूल इसलिए मोर इज लेस बोला जाता है यह भी एक पैराडॉक्स है तो ऐसी स्टेटमेंट जहां पर आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट को पढ़ के लगे की यार ये बात तो सच नहीं हो सकती ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है लेकिन उसको ध्यान से एनालाइज करोगे तो वहां पर स्टेटमेंट सही होती है ऐसा पेराडॉक्स होता है क्लियर है क्या यह बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है ना बिल्कुल पेराडॉक्स मोर इज लेस बहुत बढ़िया फाइन क्वेश्चन बताइए पोइटिक डिवाइस इन द लास्ट ये तो ज्यादा इजी हो गया लास्ट टू लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया जल्दी बताओ अभी बताया अभी बताया फटाफट से बताओ कमान 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 फाइनलाइज़ में पैराडॉक्स क्यों है भाई करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ए पेराडॉक्स ठीक है नेक्स्ट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ कमिलियन ऑन अ ट्री देयर सीम्स नथिंग बिकॉज ही कैन इजीली क्लाइंब वेरी हाई हाइड इन हिज नेस्ट हाइड बिहाइंड द लीव्स मर्ज विद द सराउंडिंग्स इस बात के बावजूद कि पेड़ पे कोई पेड़ पे कमिलियन है पेड़ पे कुछ नहीं दिखता क्यों क्योंकि कमिलियन कैन क्या इन चारों में से क्या कर सकता है वो जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ क्विकली कम ऑन जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जल्दी से. जल्दी बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से बता दो क्विकली कम ऑन यू गाइस जल्दी से बताओ हाँ ऑप्शन डी मर्ज विद वो जो सराउंडिंग होती है उनके साथ अपना कलर मर्ज कर सकता है वैसे ही दिख सकता है इसलिए बिल्कुल सिंपल आंसर इसका नेक्स्ट अब इसकी राइम स्कीम क्या है राइम स्कीम देख लो भाई पोम की राइम स्कीम देखते हैं चलिए इसकी ओके okay. कोई भी एक रैंडम स्टांजा ले लो आप राइम स्कीम के लिए यही ले लेते हैं चलो लास्ट स्मॉल के लिए ए लिख लू थिंग के लिए बी लिख लू ऑल के लिए स्मॉल से राइम कर रहा है इसलिए फिर से ए लिख लू विंग के लिए थिंग की तरह राइम कर रहा है इसलिए बी लिख लू ट्री क्या इनमें से किसी भी की तरह राइम कर रहा है इसलिए सी लिखना पड़ेगा और सी ट्री की तरह कर रहा है इसलिए फिर से सी लिख रहा हूं तो राइम्स की होगी बच्चे ए बी ए बी ए बी सी सी ये राइम स्कीम हो गई राइम स्कीम क्या हो गई ए बी ए बी सी सी ये राइम स्कीम हो गई जी कोई डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बहुत बढ़िया आप सब लोग भी कमेंट करके ये बता रहे हो फैंटास्टिक ए बी ए बी अच्छा मुझे बताओ कि किसी बच्चे को राइम स्कीम निकालने में तो डाउट नहीं है ना अब राइम स्कीम कैसे निकलती है ये आपको सीखना है बस राइम स्कीम याद नहीं करनी है हर पोम की रट नहीं सकते हो आप पोएट याद रखना है पोएट पूछा जाता है लेकिन राइम स्कीम हर पोम की नई याद रखनी है वो एग्जाम में जाके निकालनी आनी चाहिए आपको फाइन ओके पोइटिक डिवाइसेस बताओ फटाफट से मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किए है पिंक में पिंक वाले वर्ड्स में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हो रही है जैसे यहां देखो देखो लेप ये देखो। ऐसी वेरी वेरी कौन सा पोइट्रिक डिवाइस यूज हुआ है जो पिंक वाले वर्ड्स हैं उनमें जल्दी से बताओ फटाफट से कमान 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 हाँ जितने आज हम क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है आई यू ऑफ दैट हम एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम पास्ट ईयर क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग टाइप भी कर रहे हैं आप इनको कर लो जो पोएम में समझा रहा हूं वो समझ लो इससे बाहर पोएम से, से आ ही नहीं सकता है कुछ भाई कुछ और ही पोएम दे दे पूछ ले ये पॉसिबिलिटी है जो कि नहीं हो सकता बोर्ड में बोर्ड में सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता ठीक है क्या यूज हुआ है बहुत बढ़िया रिपीटिशन यूज हुआ है जी पिंक वाले जो है वो रिपीटिशन के एग्जाम्पल है परफेक्ट तो ये तो हो गया रिपीटिशन अब जो ब्लू वाले हैं ये जो है ये वाला ये वाला ये जो ब्लू वाला हाईलाइटेड है यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ जल्दी से बताओ ब्लू वाले जो है उसमें कौन सा यूज हुआ है फटाफट से बताओ जल्दी बताइए बच्चा पार्टी हाँ बढ़िया तो र की आवाज रिपीट हुई है यहां पर यहां पर र की आवाज रिपीट हुई है और यहां पर य की आवाज रिपीट हुई है तो एग्जाम्पल ये परफेक्ट है किस चीज का एलिट्रेशन का यहां पर पोइटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन फाइन एग्जाम्पल यहां लिख भी दिए गए हैं डिटेल में अच्छा और भी मैंने हाईलाइट किया था अच्छा ठीक है ये वाला बता दो ये जो लास्ट दो लाइन में ग्रीन में हाईलाइटेड है ये क्या है ये भी बताओ ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। इफ दर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमिलियन यू सी यहां पर कौन सा यूज हुआ है पोइटिक डिवाइस जल्दी बताओ फटाफट से बच्चा पार्टी गिरगिट बॉय ठीक <laughs> है किसने करेक्ट आंसर दे दिया पैराडॉक्स यूज हुआ यहां बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया पैराडॉक्स यूज हुआ है ना क्लियर है पैराडॉक्स क्या होता है किसी को कोई डाउट पैराडॉक्स में बोला ना इफ इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द केमिलियन अगर ट्री पे कुछ ना हो तो कैमिलियन है समझ लेना ये बोला यहां पर ओके चलिए आगे चलते हैं आप अब।, अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है लेफ्ट में इन तीन वर्ड्स में और ये वाले वर्ड्स में भी यहां पर भी नॉन प्लस में भी और एक और हाईलाइट इस वर्ड में भी ठीक है इस वर्ड में भी बताओ इनफैक्ट यहां पर भी ट्विल लिखा हुआ है ट्वेल की जगह यहां पर कौन से यूज हुआ जल्दी बताओ फटाफट से भाई कौन कमॉन कौन क्या यूज हुआ बताओ फटाफट से बताओ क्या यूज हुआ बताइए बच्चा पार्टी बताइए 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 सर बता दीजिए ओके बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर इज पोएटिक लाइसेंस इन सब जगह यूज हुआ है पोएटिक लाइसेंस क्यों भाई क्योंकि डायन डाइंग की स्पेलिंग होती है ये ये होती है डाइंग की स्पेलिंग लेकिन यहां पोइट ने लिखा है डी वाई आई एन जी ओ सॉरी डाइंग की स्पेलिंग होती है ये आई एन जी लेकिन ये, ये यूज किया है ऐसी लेफ्ट की होती है ई ए टी लीप की होती है एल ई ए पी जिसका मतलब होता है जंप नॉन प्लस की होती है एनओ एन एन ओ एन पी एल यू डबल एस ई डी ये होती है नॉन प्लस लिखना चाहिए था यहां ट्विल लिखा है इसको इट विल लिखना चाहिए था तो यहां स्पेलिंग जान के इनकरेक्ट कर दिया पोएट ने है ना स्पेलिंग जान के इनकरेक्ट कर दिया है जब भी ऐसा हो तो पोएटिक लाइसेंस है बिल्कुल सिंपल है ना आप तो गलती निकालने में नंबर वन हो तो पेपर में गलती अगर निकाल पाओ तो समझ जाना रहा लाइसेंस है ठीक है क्लियर है ओके okay. क्लियर है तो जी बहुत बढ़िया अब आगे बताओ इसमें बताओ इनमें क्या यूज हुआ है बताइए जी इस बार ही बताइए जस्ट नोटिस इट्स यू हिल गिव यू जस्ट वन मोर केयर एस इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज दियन यू सी इन तीनों जगह क्या यूज हुआ है क्या यूज हुआ है तो एक पोइटिक डिवाइस होता है बताऊंगा अभी क्या क्या यूज हुआ फटाफट से बताओ ट्राई करो बस एक रैंडम एफर्ट मारो जल्दी से फिर आगे बढ़ता हूं ओके okay, मैं बताता हूं जी तो जस्ट नोटिस इफ यूट यू बस ये नोटिस कर लेना अगर आपको वो खा ले विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस अगर आपको डाउट हो तो आपको वो एक और केयरस दे देगा भालू ऐसे मार देगा आपको और इफ दर इज नथिंग ऑन द ट्री इज द यू सी अगर कुछ ना दिखे पेड़ पे तो कमिलियन है तो इन तीनों में आप उसके बेसिस पे पैराडॉक्स बोल रहे हो लेकिन इन तीनों में यूज हो रहा है ब्लू वालों में वो यूज हो रहा है बच्चे ह्यूमर पोएट ने एक मजाकिया सेंस में चीजों को बोला है हा ना उसने ही स्ट्राइन टू योक लाफ्टर वो हंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ आपको टाइगर जो दिखे

यूज किया गया है पोइटिक डिवाइस कौन सा तो पोइटिक डिवाइस इनमें है बच्चे आयरनी यहां पर जो वर्ड नोबल है ना वो टाइगर के लिए आयरॉनिकल है असल में टाइगर नोबल भी नोबल मतलब एक ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर इतना अच्छा हो कि आप इज्जत करो उसकी तो टाइगर तो अगर आप देखोगे तो तुरंत अटैक कर देगा आपके ऊपर अटैकिंग है बिल्कुल विपरीत इस वर्ड के तो असल में नोबल यहां पर आयरॉनिकली यूज किया गया है ऐसे ही कैरस का इस्तेमाल जो है वो भी इसी इंटेंशन से किया गया है कैरस जो है वो भी यहां पर टाइट जो बेर है वो कैरस थोड़ी करेगा दुलार थोड़ी करेगा आपको प्यार से थोड़ी छुएगा वो तो अटैक करेगा आपके ऊपर अपने आ, उनसे हाथों से ठीक है तो देरफोर इट इज आयरनी आयरनी होगा बिल्कुल सही क्लियर है आई बिलीव इसकी समरी ये रही इसके कुछ क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन करते हैं बराबर से इफ स्ट्रोलिंग फोर द बीस यू व्यू इज विद्स एज सून एज ऑन यू लेफ्टिल नोट इज अपर्ड इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ओनली लेपन अगेन ये ट्वेंटी थ्री पिछले साल ही आया भाई ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है चलिए देखते हैं इसको सिंपल होगा अगर आप भाई देखो आप लोग आपने एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो लेकिन आप जब पास्ट ईयर के क्वेश्चन करते हो ना तो आपको यह पता चलता है कि क्या मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं आसानी से यह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है तो अटेम्प्ट करो चलो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वन कैन फाइंड आउट दैट इट इज अ लेपर्ड बाय द वे इट लीब्स इट ईट्स इट लुक्स इट रोर्स लेपर्ड के लिए के बारे में आपको कैसे पता चलता है कि वो एक लेपर्ड है किस तरीके से वो लीप करता है इस तरीके से जंप करता है खाता है लुक या रोर्स किस तरीके से पता चलता है जल्दी से बताओ फटाफट से बच्चे जल्दी 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 कमान 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 ओके 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 ठीक है जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से

ट्रू और फॉल्स जल्दी बताओ ट्रू और फॉल्स कमान 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 ट्रू और फॉल्स जल्दी 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 फोक्स हा बिल्कुल सही ट्रू है भाई बिल्कुल सही बात है आगे देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रियटी इट इज क्लियर दैट द रिपिटिशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज फॉर लेप एंड लेप अगेन बिकॉज रिपीटिशन यूज होता है जब लेप एंड लेप अगेन बोला गया क्यों आपको जस्टिफाई करना है रीजन करना है आपको पता है रिपीटिशन क्या होता है जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है यहां पर कि यहां पर रिपीटिशन कैसे यूज हो रहा है लेफ्ट एंड लेफ्ट के अंदर रिपीटिशन है क्यों बिकॉज जो वर्ड लेप है वो दो बार रिपीट हो रहा है सिंपल बिकॉज द वर्ड लेप इज रिपीटिंग देर फॉर इज यूज ये आंसर आपको लिखना है सिंपल आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में इजी बिल्कुल नेक्स्ट देखो द रॉयल बेंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन वेर एज अ लेपर्ड हैज रॉयल बेंगाल टाइगर के बॉडी पे ब्लैक स्टाइप होते हैं येलो स्किन पे वेर एज लेपर्ड हैजॉट लेपर्ड हैज एग्जैक्टली ये बताओ वाई आर यू सर इग्नोरिंग आई एम नॉट एट ऑल इग्नोरिंग भाई आपके कॉमेंट बहुत जल्दी जा रहे हैं तो मैं कहां तक एड्रेस करूं आपको कोई डाउट है तो पूछो 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 फटावट से क्या आंसर होगा जल्दी बताओ भाई हा वेर लेपर्ड है ऑन इट्स बॉडी अपनी बॉडी पे उसके स्पॉट्स होते हैं ब्लैक होते हैं किसके टाइगर के जबकि लेपर्ड के स्पॉट्स होते हैं धब्बे होते हैं पूरी बॉडी पे नेक्स्ट कंप्लीट द दी अब इस क्वेश्चन के लिए एक बच्चे का मेरे पास बड़े टाइम से मैसेज आया हुआ है भाई तो सॉरी बड़े टाइम से मैसेज आया है कि ऐसे क्वेश्चन कराओ अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको एक पैटर्न चलो पहले समझा देता हूं क्या होता है आपको पूछा इस एनोलॉजी को पूरा करो एनोलॉजी मतलब रिलेशनशिप है तो आपको पहले इन दो वर्ड्स का रिलेशन देखना है क्या रिलेशन है जो इन दोनों वर्ड्स का रिलेशन है वो ही सिमिलर रिलेशन यहां दो वर्ड्स का होगा इसके बेसिस पे आपको आंसर देना है अब देखो भाई क्लॉज और का क्या रिलेशन है क्लॉज और नेल्स का क्या रिलेशन है एक ही बात है पंजा या नेल्स सॉरी uh, क्लॉज मतलब एक तरह से जो टाइगर uh, के वो होते हैं पंजे उसके लिए बोला गया है क्लॉज के ऊपर नेल्स होते हैं है ना क्लॉज के ऊपर ये जो पंजा होता है उसके स्टार्टिंग में नेल्स होते हैं ओके तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसके ऊपर स्किन होती है ये आंसर आपको देना है और वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट चाहिए तो इसका सिंपल सा आंसर होगा बच्चे बॉडी लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में बॉडी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया ये ढूंढ लेते हैं कौन सा वर्ड यूज किया गया एक्सट्रैक्ट में जल्दी से बताओ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस विद्यूज पेपर्ड कौन सा वर्ड यहां बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ढूंढो जल्दी से हा मुझे मिल गया आंसर आंसर किट्टू राज ने आंसर दे दिया है है हाइड हाइड का मतलब यहां बॉडी तो देर फॉर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर यहां पर करेक्ट आंसर होगा बच्चे हाइड ये करेक्ट आंसर है इसका क्यों क्योंकि जो बॉडी है वो रेफर करता है इस एक्सट्रैक्ट में हाइड के लिए बिल्कुल सही बहुत बढ़िया आपने यहां दे दिया आंसर

पोएट हैज थ्रू आउट यूज ह्यूमर टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू आइएटीफाईल्ड एनिमल्स एंड देर फोर द पोएली जॉयफुल मजेदार है मतलब इस वजह से राइट right? तो ऐसा बोल देंगे और ह्यूमर के बारे में और कुछ पॉइंट्स बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लाइन और बेंगोल टाइगर एशियन लाइन और बेंगोल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो जल्दी से बताइए सर और मैम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ह्यूमर हेल्प स्ट्रेस बहुत बढ़िया निशु बढ़िया इसका आंसर बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी आंसर बताओ फटाफट से फटाफट से कमान 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 हाँ बढ़िया दीपिका सही है अपलिफ्ट द स्पिरिट स्पिरिट अपलिफ्ट कर देता है ह्यूमर बिल्कुल ह्यूमर अपलिफ्ट कर देता है बिल्कुल जल्दी बताओ बच्चा फटाफट से डिवाइस जो जो आ रहे हैं मैं सारे साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं आप चिंता ना करो जल्दी से बताओ भाई ह्यूमर ह्यूमर कोई को पूछना क्या होता है तो ह्यूमर मतलब होता है बच्चे द क्वालिटी ऑफ बीइंग फनी अगर कोई फनी है तो आप बोलेंगे ह्यूमरस है है ना द क्वालिटी ऑफ बीइंग फनी इज ह्यूमर बेसिकली ह्यूमर का मतलब विकास किंग पूछ रहा है आंसर मिल गया होगा आई होप ओके हाउ कैन के लाइन तो एशियन लाइन ह्यूज होता है लार्ज होता है उसकी टॉनी बॉडी होती है और वो बहुत तगड़ी रोर करता है ही रोर वेरी लाउडली सो मच सो दट इफ हीन थ्रेटन यू टू डेथ ये हो गया लायन की पहचान अब बंगाल टाइगर की पहचान क्या है बंगाल टाइगर की पहचान ये है कि उसकी येलो कलर की स्किन पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं येलो कलर की स्किन पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं ये पहचान बंगाल टाइगर की होती है ठीक है क्लियर होगा बिल्कुल हाँ येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स बिल्कुल सही

लेक्चर देख लेना एक बार दोबारा या जब आएगा दोबारा यूज तब बता दूंगा एक बार शॉर्ट में अभी बाद में बताता हूं पहले देखो डिस्टिंग्विश करो एक टाइगर एक लेपर्ड के बीच में जल्दी से बताओ ओके okay, तो टाइगर की बॉडी जो होती है उस पर येलो कलर के बॉडी पे येलो कलर की स्पिन पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं ये हो गया टाइगर का अब लेपर्ड का होता है तो लेपर्ड की बॉडी पे जो है स्पॉट्स स्प्रिंकल्ड होते हैं पूरी बॉडी पे स्पॉट्स स्कैटर्ड होते हैं और एक लेपर्ड जो है वो जैसे ही अपने शिकार को या किसी इंसान को देखता है उस पर जंप करना शुरू करता है या उसको अटैक कर देता है ये भी आप बता सकते हो बेसिकली ठीक है क्लियर है आई बिलीव लीप करता है अपने शिकार पर ठीक है बहुत बढ़िया दे दिया आप लोगों नोबल और वाइल्ड करता है राइट right, पोएट तो बच्चे noble, तो इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली एक वाइल्ड जंगली जानवर है टाइगर है ना बिकॉज ही बिलोंग्स टू द जंगल ही इज बीस्ट ऑफ प्रे इसलिए वाइल्ड है रॉयल बेंगाल ऑफ टाइगर सो टू रेफर टू हिम एज रॉयल ही वर्ड नोबल However, आप ये भी mention कर सकते हो दैट ही द वर्ड नोबल आइरोनिकली उसने नोबल वर्ड का इस्तेमाल आयरॉनिकली यूज किया है नेक्स्ट है पोएट अच्छा नेक्स्ट है इफ ही रोर्स एट यू एज योर डाइन यू नो इट इज द एशियन लाइन कॉमेंट ऑन द आयरनी ऑफ द कोट फ्रॉम द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स अच्छा क्वेश्चन है फंस सकते हो आप इसमें अगर ये आपसे पूछा गया तो फंस सकते हो आप अगर आपसे पूछा गया तो फंस सकते हो भाई <laughs> कोई कह रहा है इंग्लिश का पेपर हो गया आज तो बोर्ड थोड़ी हुआ है अभी बोर्ड की तैयारी है ना आज प्री बोर्ड की तैयारी थोड़ी कर रहे थे आप लोग सिर्फ ओके okay. तो बच्चे आयरनी स्टेटमेंट में ये है कि बोला गया इफ ही रोज सेट यू एज योर डाइंग ये बेसिकली लाइन के लिए बोला गया कि जब आप वो ऐसे दहाड़ दे आपके ऊपर कि आपकी जान निकल जाए आप मर जाओ मतलब तो समझ जाना कौन है वो Lion है अगर ऐसा बोल रहा है ये बेसिकली तो इसमें आयरनिकल बात ये है कि अगर आपको किसी जानवर को पहचानने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो आप क्यों दोगे वो जान? स्टेटमेंट दैट इफ गिव अवे देयर लाइफ टू आइडेंटिफाई समवन थोड़ी आयरनिकल बात है ऐसा थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे आप. आप किसी को जानवर को पहचानने के लिए अपनी जान थोड़ी दोगे Whereas, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जान देनी पड़ रही है देयर फॉर इट इज एरोनिकल नेक्स्ट है विद जॉनर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पोम सब्सानशियट योर चॉइस विद रेफरेंस टू दोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कौन सा जॉनर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है पोम का कौन सा जॉनर अप्रोप्रिएट है इस फॉर्म का यह बताइए तो इस जॉनर के लिए अप्रोप्रिएट जॉनर होगा मैंशन करना यह कि यह जो पोम है इट इज अमरस पोम ह्यूमर है ह्यूमर है बहुत ज्यादा फनी है विटी है तो ह्यूमरस पोम है ह्यूमर इसका मेंशन कर सकते हैं एज अ जॉनर ठीक है ये इसके आंसर्स हो गए अब चलते हैं जी अगली पोम की तरफ इज द पोम क्लियर होगा आई थिंक ये वाला स्टार्ट करते हैं चलिए बोल पोम को द पोम क्लियर है ना ये वाला आंसर राइटिंग कैसे करें ठीक है आंसर राइटिंग कैसे करें ये बताता हूं आज मैं जरूर बताऊंगा इसको आपको आंसर राइटिंग के लिए चलो एक छोटा सा पोर्शन अभी सुन लो वैसे आंसर राइटिंग का तरीका क्या होता है जैसे चलो एक क्वेश्चन यहां से लेते हैं उसके बेसिस पे आपको बताता हूं हाउ कैन यू डिस्टिंग टाइगर वाला, वाला? मान लो इसका आंसर मुझे लिखना है एग्जाम में और मैं आंसर कैसे समझ नहीं आता तो अगर आपको आंसर आता है तो आधा काम तो हो गया आपको पता है कि एशियन लाइन जो होता है वो लार्ज होता है टॉनी होता है रोर करता है बहुत तगड़े तरीके से और बंगाल टाइगर जो होता है वो उसकी बॉडी पे येलो कलर की बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं ये आंसर है मान लो आपका अगर आपको ये आंसर पता है तो आपने पॉइंट में पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों आंसर थे जैसे मैंने अभी सोचा आंसर के बारे में तो पहले तो इनको सोच लो फिर दूसरा आंसर को लिखना कैसे है तो आंसर को लिखो बिल्कुल सिंपल में हाउ कैन आइडेंटिफाई एशियन के बंगाल टाइगर वी कैन आइडेंटिफाई द एशियन लाइन बाय हिज ह्यूज बॉडी लार्ज या ह्यूज बॉडी कॉमा दूसरा पॉइंट क्या था टॉनी कलर टॉनी होता है येलोइश ब्राउन कलर थर्ड बाय हिज रोर ठीक है ये तीन पहला आंसर पहला पॉइंट ये हो गया इसका आंसर अब बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करना है वी कैन आइडेंटिफाई बंगाल टाइगर बाय द ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी ये आप बोल दो आपका आंसर पूरा हो गया आपने दो सिंपल सेंटेंसेस में पूरी इंफॉर्मेशन दे देनी है बिना कोई एरर करे स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर करे वन दूसरा अगर आप इसी में कोई वर्ड यूज कर दो वोकैबुलरी बढ़िया वाला जो इससे जुड़ा हुआ हो बिल्कुल तो आपका आंसर और ज्यादा दमदार हो जाता है ठीक है अगर आप बोल दो कि uh, जैसे यहां पर मैंने बोला था ना ही हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बॉडी इसकी जगह आप बोल दो हिज uh, um, एक सेकेंड हा ही हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो क्या था उसके लिए वर्ड uh, येलो स्किन के लिए था ना येलो कवर एक सेकेंड में देखता हूं क्या था भाई एक सेकेंड एक सेकेंड दो जैसे एक वर्ड था ना यहां पर क्या वर्ड था भाई उसके लिए हाँ यहां पर ढूंढते हैं चलो हाँ येलो ग्राउंड अगर आप यूज कर दो दैट अ टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड तो आपने यूज कर दिया है वो वर्ड जो बुक में वो कैबलरी की तरह यूज किया गया तो आपका आंसर और बढ़िया हो जाएगा मतलब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे फिर तो पहली चीज क्या जो आंसर है उसको पूरा एनालाइज करो कि क्या आंसर होना चाहिए फिर उसको सिंपल सेंटेंसेस में लिख दो और अगर मुमकिन है तो एक अच्छा वोकैबलरी वर्ड यूज कर दो एक्सप्रेशन जो कि बुक में यूज हुआ हो आपका आंसर डन है ठीक है तो ये आंसर राइटिंग का तरीका होता है क्या आपको समझ में आया क्या यह हेल्प कर पाया थोड़ा सा इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करना करके मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा अपने आंसर को ठीक है क्लियर है भाई क्लियर है जल्दी बताओ जल्दी बताओ फिर आगे चलते हैं भाई हमें आगे चलना है फटाफट से जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाँ अच्छा वर्ड यूज कर देना एक यस yes, क्लियर है ठीक है हेल्पफुल था ये क्योंकि आंसर राइटिंग आप ऐसे प्रैक्टिस करिए आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे भाई बिल्कुल डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मत लिखने की कोशिश करिए अगर आपकी अच्छी है लैंग्वेज ग्रिप तो आप कर सकते हो इट्स अप टू यू फाइन नो प्रॉब्लम विद दैट आप लेकिन गलती नहीं करिएगा आंसर लिखते हुए फंस जाओगे वरना अगली पोम चलते हैं जी द बॉल पोम तो बॉल पोम लिखी है जॉन बैरीमैन साहब ने

दुर्दशा होती है कैसा वो बुरा सा फील करता है और ये जो लॉस उसका हुआ इससे वो क्या सीखता है इस पोम के इस इस चीज के ऊपर इस थीम के ऊपर ये पोम बेस्ड है द थीम ऑफ द पोम इज हाउ टू बेयर अ लॉस और लॉस बेयर करने के बाद कैसे हिम्मत करके दोबारा खड़े हो जाना है ये बेसिकली इस पोम का थीम है दूसरा थीम ये भी है कि कैसे आपकी लाइफ में एक छोटा सा इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए लेके आता है ये भी इस पोम का एक और थीम है मेजर आइडिया है आप देखेंगे इसको डिटेल में इस फॉर्म के अंदर चलिए देखते हैं एक बारी दक्ष गोस्वामी क्या इग्नोर मार रहा हूं बताओ फटाफट से क्या क्वेश्चन है आपका जल्दी पूछो जल्दी पूछो मैं देख रहा हूं अभी स्क्रीन पे हाँ पुछो, पुछो, पुछो। मुझे दस बारह सेकंड बाद दिखते हैं आपके कमेंट्स असल में ये भी हो सकता है कि रीजन की मैं नहीं देख पाया हूं अभी तक बट आप पूछ लो ठीक है ये थीम है इसका समझ में आया होगा आई होप आपको अब एक बार पोम देख लेते हैं डिटेल में फटाफट से डिफिकल्ट वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा मैं बस बता दूंगा मैं बता दूंगा फिर आपको जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो भाई आप पूछेगा नहीं वो बंदा गायब हो गया कहां पे चले गए पता नहीं। ओके चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉरी पोम शुरू करते हैं द बॉल पोम फर्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज़ बॉल व्हाट व्हाट इज ही टू डू आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देर इट इज इन दॉटर तो ये समझने के लिए आप पहले कॉन्टेक्ट समझिए ऐसी जगह बेच जाए जो कि हार्बर है हार्बर मतलब एक ऐसा पोर्ट जहां पे शिप्स आके खड़ी होती हैं। तो जो शायद बॉय रहता है और जो पोइट है दोनों ऐसी जगह के आसपास रहते हैं और एक छोटा सा बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी बॉल जो है उस हार्बर के अंदर चली जाती है पानी के अंदर चली जाती है और वापस नहीं आ सकती है वहां से वो तो इस सिचुएशन को पॉइंट देख रहा होता है और वो बोलता है वट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट लॉस्टेड बॉल वॉट वट इज यू टू डू कि वो जो बच्चा जिसकी बॉल चली गई है वो अब कैसा महसूस कर रहा है और क्या करे वो बच्चा क्या करे बार बार बोला है दो बार वर्ड रिपीट कर रहा है क्या करे वो बच्चा मतलब वो बहुत ज्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन है उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ है सदमा पहुंचा है उसकी बॉल जाने से दूर आई सॉ इट गो मैरिली मैरिली मतलब होता है हैप्पीली बोलता है मैंने उसको बॉल की बात कर रहा है मैंने उस बॉल को खुशी खुशी बाउंस होते हुए देखा पहले गली में हो गई और फिर वो बाउंस होकर चली गई पानी के अंदर जहां से उसको वापस नहीं पाया जा सकता है पहले स्टैंड में सिर्फ इतना आपको बताया गया है आगे देखते हैं नो यूज टू से ओ देर आर द बॉल्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग staring down all his young days into the द where his ball went. वेट अभी थोड़ी सी इमोशनल वाली लाइंस हैं और स्टैंडा जो कि आप शायद रिलेट कर पाओ क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी कुछ तो खोया ही है ना अब थोड़ा बड़े हो गए हैं लेकिन जब छोटे बच्चे थे तब कभी ना कभी आपकी पहली बार कोई चीज खोई होगी आपसे दूर ही होगी आपकी कोई प्यारी चीज कोई प्यारा इंसान तो आपको दुख हुआ होगा कुछ ऐसा ही दुखी बच्चे को होता है तो इसलिए पॉइंट बोलता है कि उसकी बॉल अब चली जा चुकी है और बाहर अब वापस रिट्राइव नहीं की जा सकती इसलिए बोलता है नो यूज टू से बॉल्स इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है कि और भी बहुत बॉल्स है दुनिया में क्यों क्योंकि बच्चे को तो वही बॉल चाहिए जो उसकी पानी में गई है उस बच्चे का उसी बॉल के साथ अटैचमेंट है नई बॉल से कोई बात नहीं बनेगी उसको एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय ग्रीफ मतलब सैडनेस अब ये जो बॉय है ये इस बॉल के दूर जाने की वजह से बहुत ज्यादा सैड हो गया अल्टीमेट मतलब एक्सट्रीम लेवल का इतना सैड आज तक कभी नहीं हुआ जितना सैड आज वो है इतना ज्यादा सैड एकदम से वो हो गया है एज ही स्टैंड देर रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन क्योंकि वहां पर खड़ा है ट्रैम्बल मतलब कांपना शेकिंग और वहां पर खड़े खड़े वो उस बॉल की तरफ देख रहा है कांपते हुए मतलब आपकी कोई चीज बहुत ही प्यारी आपसे दूर हो जाए आप जैसे कांपते हो ना एकदम से दुख से वैसे दुख से बेचारा बच्चा कांप रहा है स्टेयरिंग डाउन स्टेयर कर रहा है घूर रहा है ऑल इज यंग डेज इन टू दार्बर वेर इज बॉल वेंट All is young days into the harbor. क्यों बोला है वो जो बॉल है ना उसके लिए बोल दिया ऑल इज यंग डेज ये जो उसकी बॉल है ये प्रतीक है उसके सारे बचपन के दिनों का क्योंकि ये बॉल से बचपन से खेलता आ रहा है और वो जो चाइल्डहुड डेज इसने स्पेंड करे उस बॉल के साथ वो भी चले गए हैं पानी के अंदर इस बॉल के साथ साथ आई होप आपको समझ में आया हो क्या बताया गया इन शॉर्ट कि इस बॉल के साथ उसकी चाइल्डहुड डेज उसकी चाइल्डहुड इनोसेंस जो बचपन में उसकी इनोसेंस थी वो भी चली गई है दूर इसलिए वो रो रहा है कांप रहा है बेचारा डर से शायद पहली बार इसकी जिंदगी में इसने कोई लॉस महसूस करा है बड़ा सेटबैक है ये हालांकि इसके बाद शायद वो एक स्टेप मेच्योरिटी की करीब ले लेगा जब आपकी कोई करीबी चीज आपसे दूर जाती है और आप उस लॉस को हैंडल करना सीखते हो तभी तो आप मेच्योरिटी आती है आपके अंदर आप यू यू आर स्टेप यू आर लिटिल मोर मेच्योर देन यू हैव यू विफोर ऐसा होता है आप ऐसा मान सकते हैं इसको तो वो थोड़ा सा मेच्योर जरूर होता है आगे देखते हैं आगे क्या होता है इस टाइम जम इन क्या बताया इस टाइम जमे बच्चे की सिचुएशन बताई है जब उससे बॉल दूर चलेगी क्या बताया कि उसको यह बॉल के कोई फायदा नहीं है कि बाकी बॉल्स भी हैं दुनिया में क्यों क्योंकि वो बच्चा मानेगा ही नहीं उसको वही बॉल चाहिए जो गई है और उसकी सिचुएशन बताइए कि वो बहुत ज्यादा सैड है सबसे ज्यादा सैड है अब तक अपनी लाइफ में शायद और वो खड़े खड़े एक तकटकी लगा के उस बॉल को देख रहा है कांप का देखते हुए वो बॉल जो कि पानी में चले गई है जिसके साथ साथ उसका पूरा बचपना भी वो पानी में चला गया है ऐसा बोला आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम इंक्लूड मतलब इंटरफेयर अब पोएट बोलता है अब पोएट बोलता है कि मैं उसकी लाइफ में या सिचुएशन में उसके साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा अ डाइम डाइम मतलब एक रूपी होता है अनदर बॉल इज वर्थलेस एक थोड़ा बहुत रुपया या एक और बॉल वर्थलेस है उसकी कोई कीमत नहीं है नाउ ही सेंसिस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय बड़ी प्यारी लाइन्स है ये जो पोम है ना बाकी सारी पोम्स मैं आपको आपके एग्जाम के लिए तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहा था उनके लिए बता रहा था आपको इस पोम का आपको पढ़ाने का मकसद मेरा एग्जाम का है ही नहीं बिल्कुल एग्जाम में आए या ना आए इसका एम पोम का आपको लाइफ का एक जीवन का जरूरी सबक देना है जो कि पोइट इस बच्चे को भी देने की कोशिश कर रहा है वो देखिए क्या है ये बोलता है कि इस सिचुएशन में जहां पर ये बच्चे को देख रहा है पोइट खड़ा खड़ा है उसकी बॉल चली गई और वो बहुत ज्यादा परेशान है बच्चा वो कांप पर है उस बॉल को टकटकी लगा के देख रहा है उस जगह पोएट बोलता है कि मैं जाके इंटरफेयर नहीं करूंगा इसकी सिचुएशन में चाहे तो पोएट जाके ऐसा बोल सकता था कि भाई ये ज्यादा महंगी बॉल नहीं है या एक और बोल ले लो इसकी जगह कोई बात नहीं नहीं तुम रो मत ऐसा जाके कंसोल कर सकता था पोएट इस बच्चे को लेकिन नहीं करता क्यों क्योंकि ही क्योंकि वो चाहता है कि ये जो बच्चा है वो एक जरूरी लेसन ले अपनी लाइफ में क्या लेसन ले वो सीखे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन एक ऐसी दुनिया जिसमें हम लोग पजस करते हैं चीजें जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली चीजों को परसू करते हैं हम लोग चीजों का पीछा करते रहते हैं और उनको पाने की कोशिश करते हैं ऐसी दुनिया में जहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा रहता है हम कुछ ना कुछ पोजेस करते हैं हमारी पोजेशन हमारे पास होती हैं उस दुनिया में वो बच्चा पहली जिम्मेदारी सीखे अपनी क्या जिम्मेदारी कि अगर आपको कोई चीज प्यारी है अगर आपको कोई इंसान प्यारा है आप किसी भी चीज को डियर होल्ड करते हो तो उसका ध्यान रखो टेक केयर ऑफ ये ऑफ योर बिलोंगिंग्स आपकी जो भी पोजिशन है इस दुनिया में उनका ध्यान रखो ये जिम्मेदारी ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सीखे इसलिए पोएट उसके पास जाके उसको कंस्रोल नहीं कर रहा बस बल्कि इस तकलीफ से उसको गुजरने दे रहा है कि वो ये आज समझे कि अगली बार जब वो बॉल से खेल रहा है वो बॉल जाने को हो बाहर उसकी रीत से तो वो जाके तुरंत उसको पकड़ ले ध्यान रखे जाने ही ना दे रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी लाइफ में कुछ चीजें बिलोंगिंग जरूरी होती हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है यह फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पोएट चाहता है कि वो रियलाइज करे और साथ साथ पोएट बोलता है कि एक डाई में अनदर बॉल देना वर्थलेस है उसको ये बोलना कि बॉल बॉल ज्यादा पैसे की नहीं है या इसका इसकी जगह दूसरी बॉल ले लो ये बेकार की बात है क्यों क्योंकि इस बच्चे को तो वही बॉल चाहिए थी जो पानी में गई है उसी के साथ इसका अटैचमेंट है बाकी किसी बॉल से फायदा नहीं हो पाएगा पीपल विल आखिरी में बड़ी प्यारी लाइन बोलता है पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय अब यहां पर जो बॉल्स है ना इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहां पर बॉल्स इंडिकेट करता है कुछ चीजों को पहला एक तो वो इंडिकेट करता है हमारे जितने भी मटेरियल पोजेशन हैं ऐसी चीजें जिन्हें आप डियर होल्ड करते हो ना जिनको आप मानते हो कि ये बहुत प्यारे हैं उन सब चीजों को बॉल रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिक है उन सारी चीजों का ठीक है एक तो मेटीरियल पोजेशन का दूसरा आपकी चाइल्डहुड इनोसेंस का ये पूरी पोम की बात कर रहा हूं सिर्फ इस जगह तो यहां पर ये जो बॉल है ये रिप्रेजेंट करता है उन सारी चीजों को जिनको आप डियर होल्ड करते हो लोग हो सकते हैं ये चीजें हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो पोएट उन बात को ध्यान में रखते हुए बोलता है पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय छोटे बच्चे आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि या तो दूसरे लोग ले लेंगे या खो जाएंगी ये तो होता ही है यही तो कुदरत है लेकिन आपको क्या करना है आपको उस लॉस को ब्रेवली हैंडल करना है और खड़े हो जाना है दोबारा लाइफ को फेस करने के लिए दैट्स लाइफ इज यही तो नेचर है और अगर ये सबक बच्चा नहीं लेगा तो लाइफ में आगे आने वाली डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर पाएगा इसलिए पोएट चाहता है कि वो जरूरी लेस लर्निंग बच्चा सीखे जरूरी लर्निंग बच्चा ले क्लियर है आई होप आप लोगों को ये वाली बात क्या ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है हा प्लीज बताइए आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन मैं जो है आ, खो गया था इस पोम के अंदर मेरी बहुत ही पसंदीदा पोम ये है बताइए प्लीज फिर मैं आपको लास्ट टाइम समझाता हूँ प्लीज सुनो ना सर 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 अच्छा हाँ सुनाओ जी सुनाओ दीप कुछ कह रहे हैं सुनाओ राइट सर ठीक है क्या आप लोगों को क्लियर है आई माई बेस्ट माई भतीजा अच्छा ओके डेफिनेटली किसी लोगों ने बहुत कुछ ना कुछ जरूर खोया है आपने चीज़ें या दोस्त या लोग दूर हो गए हैं कुछ तो हुआ है सबके साथ दुनिया में ऐसी है ने 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 बनारस पढ़ा था ना आपने ने 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 बनारस एक चैप्टर चैप्टर है है जिसमें ऐसा बताया गया है कि आ, हर एक इंसान की जिंदगी से कुछ ना कुछ खोया है उसने शायद आप आप इस इससे कंसोल कर लो अपने को ठीक है अरे भाई फिर पूछना रुक गई है एकदम से जो भी है पूछना आपने पूछा ही नहीं उसके बाद क्या एनी अब लास्ट एंजा देखिए लास्ट एंजा है एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल इस लाइन से ना कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड epistemology ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोइंग what एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप एक बड़ी डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं डेस्परेट मतलब होता है उत्सुक आप डेस्परेट होते हैं जब आपकी कोई जरूरी चीज आपसे दूर हो जाए आप चाहें और आप चाहते हैं कि वो बस मिल जाए और सब कुछ करने को तैयार हूं मैं तो आप डेस्परेट हैं उत्सुक हैं आप ऑफ लॉस का मतलब होता है बच्चे द फिलॉसफी ऑफ लॉस द फिलॉसफी ऑफ लॉस या वट इट मीन टू लूज समथिंग किसी चीज को खोना क्या होता है ये ये होता है एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस ठीक है एपिस्टमोलॉजी मतलब होता है फिलॉसफी नॉलेज ऑफ समथिंग लॉस की जो नॉलेज है या लॉस की जो फिलोसफी है किसी चीज को खोना क्या होता है यह होता है एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस क्लियर होगा आई होप बिल्कुल ओके okay. अब मैं लास्ट एंजर का मतलब बताता हूं एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक मनीज एक्सटर्नल तो पोइट कहता है कि जो बॉल खोई है ना इस बच्चे की वही उसको वापस चाहिए वो बॉल उसको वापस मिल नहीं सकती है पैसा जो है वो एक नई बॉल तो उसको खरीद के दे सकता है लेकिन वो बॉल जिसके उसके जिसके साथ उसके इंटरनल इमोशंस अटैच थे फीलिंग्स जुड़ी हुई थी बचपने की यादें जुड़ी हुई थी वो पैसा वापस ला के नहीं दे सकता इसलिए मनी इज एक्सटर्नल मनी इज एक्सटर्नल क्यों बिकॉज इट कैन नॉट ब्रिंग बैक द बॉल जो कि खोई है जिसके साथ बच्चा इंटरनली अटैच्ड है इट कैन ब्रिंग अ न्यू बॉल दो हाँ वो एक नई बॉल जरूर ला के दे सकता है इसलिए मनीज एक्सटर्नल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसलिए इसको याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अब बच्चा ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेटाइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप अब बच्चा अपनी उत्सुक आंखों से मतलब बड़ा परेशान है कि उससे दूर चली गई है बॉल और वो उसको वापस नहीं पा सकता है किसी भी तरह उसको पाना चाहता है डेस्परेट है इस बात के लिए लेकिन इन अपनी उत्सुक आंखों के पीछे ना पोएट बोलता है कि बच्चा एक जरूरी सबक सीख रहा है जरूरी लर्निंग ले रहा है अपनी जिंदगी का क्या लर्निंग ले रहा है द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस कि किसी चीज को खोना क्या होता है अगर आपसे कोई चीज दूर चली जाए आपसे कोई इंसान आपका लाडला प्यारा दूर हो जाए तो ये जो है दर्द इसको आप कैसे फेस करो ये सीखना है बच्चे को अभी कैसे उसको लाइफ में मूव ऑन जाना है और फिर से स्टैंड कर जाना है हाउ टू स्टैंड वो सीख रहा है क्या सीख रहा है द हाउ टू बियर अ लॉस एक लॉस को कैसे सीखना है और उसके बाद कैसे खड़े हो जाना है फिर से लाइफ को फेस करने के लिए ने ये बड़ी खूबसूरत सी बात मुझे लगी बड़ा जरूरी लेसन है हम सब लोगों के लिए और आखिरी दो लाइन्स में बोलता है पोएट नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड ये सबक क्या सबक कि लॉस जो होता है उसको कैसे हैंडल करना है कैसे दोबारा खड़े हो जाना है यह सबक जो कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन तो सीखना ही है नोइंग वट एवरी मैन मस्ट डे नो का मतलब है यह सबक कि कैसे खड़े होना है एक लॉस के बाद हर एक इंसान को एक ना एक दिन सीखना ही है एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप और ज्यादातर लोग पहले ही सीख चुके होते हैं किसी ना किसी तजुर्बे की वजह से क्या हाउ टू स्टैंड अप कैसे खड़े हो जाना है दोबारा एक दर्द तकलीफ के बाद इस पोम का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है वैसे लेकिन इस पोम का लाइफ के एग्जाम में जरूर इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा उससे कहीं ज्यादा जितना इसका बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंस है वो ये कि पोम आपको एक लेसन देती है कि जिंदगी में चीजें आती हैं और ये नेचर का नियम है कि आपके पास कुछ चीजें रहेंगी कुछ चीजें चली जाएंगी कुछ लोग चले जाएंगे परमानेंटली या टेम्परेली अलग बात है लेकिन चीजें और लोग दूर होंगे आपसे लॉस आपका होगा यही तो नेचर है लेकिन उस लॉस को आपको कैसे हैंडल करना है कैसे उसको ब्रेवली बिल्कुल मजबूती से हैंडल करना है उसमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप अपनी होप छोड़ दो उम्मीद छोड़ दो ऐसा नहीं होना चाहिए आप उसको ब्रेवली हैंडल कर लो हां उस उसपे दुख जताओ इंसान नेचुरल है कि अगर आपकी कुछ करीबी चीज आपसे दूर होगी तो आपको दुख होगा हां दुख जताओ लेकिन उस दुख में खो ना जाओ बस अपने आप को बिल्कुल गंवा ना दो दुख में आपको आना चाहिए उसको हैंडल करना ब्रेवली और फिर आगे बढ़ जाना लाइफ को फेस करने के लिए आगे जो भी लाइफ में है उसको फेस करने के लिए मूव ऑन एंड हाउ टू स्टैंड अप ये वाला जो लेसन इससे मिलता है वो बड़ा जरूरी लेसन है उसको गांठ बांध लीजिए ये आप किसी भी सेटबैक के लिए मान सकते हो आपके मन की अगर पूरी नहीं हुई तो ये आपको पोम सिखाती है बहुत जरूरी लेसन है उसके लिए आई होप आपने लेसन पिक किया हो उसके साथ आगे चलते हैं चलिए लास्ट लाइंस कोई पूछ रहा है सेकंड थर्ड पैराग्राफ के दोबारा से नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड इसको खोना क्या होता है ये नॉलेज जो कि हर इंसान एक ना एक दिन उसको सीखना ही होता है लॉस क्या? क्या होता है कैसे उसको हैंडल करना है? ये और मोस्ट पीपल ऑलरेडी नो हाउ टू हैंडल दिस या मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी लर्न कि हाउ टू स्टैंड अप कैसे लॉस बियर करना है और उसके बाद खड़े हो जाना है ये आई होप पिक कर लिया होगा आपने ये लोग बड़ा जोरी लेसन है आपकी लाइफ के लिए और सब छोड़ दीजिए आप मैसेज क्या मिलता है मैसेज मिलता है लाइफ में लॉस जो है इज इनएविटेबल एक मैसेज तो ये मिलता है लाइफ में जो लॉस है उसको आप रोक नहीं सकते कोई ना कोई चीज कोई ना कोई लोग तो दूर होंगे ही कैन नॉट हेल्प इट पहला मैसेज ये है, और मैसेज आप लोग को क्या लगता है बताइए फटाफट से ईशान फ्रॉम नोएडा वीपी हाई ईशान आई मिस यू फोक्स एट नोएडा वीपी आई हैव सो मच been मिसिंग यू गाइज मैं एक ऑफलाइन क्लास में आप लोगों के साथ रूबरू होना जरूर चाहता था बट नन as लेस एज गॉड विल्स आप लोग यहां पर आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर ठीक है तो पहला मैसेज क्या है पहला मैसेज है लॉस इज़ एवेटेबल लाइफ में लॉस तो आए गई और क्या सीखते हो आप इस फॉर्म से क्या मैसेज मिलता है और बताओ जल्दी से और क्या है हा मैसेज मिलता है आपको दैट वी मस्ट बियर लॉसेस, वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल अ लॉस एंड मूव ऑन कैसे एक लॉस को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है ये हमको सीखना चाहिए ये मैसेज इस फॉर्म से मिलता है अदरवाइज हम अगर अटके रह जाएंगे लॉस में तो हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी बहुत सारी खुशी दुख दोनों आएंगे है ना दुख हो जाए तो ज्यादा पागल नहीं हो जाना है और खुशी होती है ज्यादा खुश नहीं हो जाना है मेंटेन कर करके स्टेड फास्ट हो रही है ऐसा बोला जाता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलता है और तीसरा एक और लेसन है वी मस्ट नॉट बी टू अटैच टू आर पोजेशन हमको हमारी जो पोजेशन है ना मेटिलिस्टिक पोजेशन जो है जो चीजें हमने पैसे से खरीदे हैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए उनसे नहीं अटैचमेंट रखो बिल्कुल पागल हो जाओ कि अरे ये इसको ये क्या हो गया टूट गए मेरी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत बढ़िया मुझे बड़े अच्छे अच्छे रिस्पॉसिस आप लोग दे रहे हैं केयरफुल प्ले विद बॉल केयरफुल्ले विध बॉल बॉल से केयरफुल ये लेसन लिया आपने अरे बॉल यहां सिर्फ बॉल के लिए इंडिकेटिव थोड़ी है बॉल सिंबल है यहां पे उन सारी चीजों का जो कि आप आपको प्यारी हैं, ठीक है ओके पोइटिक डिवाइसेस बताइए फटाफट से तो सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर में कुछ पोइटिक डिवाइसेस बॉल्स बॉल्स बाइज अ बॉल बैक ये हाईलाइट किया हुआ यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस है जल्दी से बताओ बताओ फटाफट से क्या पोइटिक डिवाइस है बच्चा पार्टी जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से जल्दी से बताइए भाई हाँ बहुत बढ़िया किसने बोला है चाइल्डहुड जो है वो डिफिकल्टीज के आने पे थोड़ा सा खत्म कम हो जाता है और फिर मेच्योरिटी आप लेने लेते हैं बिल्कुल सही बात है करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन बिल्कुल ब ब की आवाज यहां पर आपको आ रही है एलिट्रेशन है अब यहां बत पर बताओ शेकिंग ग्रीफ में कौन सा है भाई शेकिंग ग्रीफ में कौन सा है शेकिंग ग्रीफ में कौन सा है शेकिंग ग्रीफ जल्दी बताओ शेकिंग ग्रीफ कम ऑन यहां पर कौन सा है अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ बोलता है ना बच्चे जो ग्रीफ मतलब सैडनेस अल्टीमेट शेकिंग मतलब जो कि अंदर से हिला दे बिल्कुल आपको हाँ बहुत बढ़िया किसी ने बोला है ट्रांसफर्ड एपिथेट तो करेक्ट आंसर है ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहां पर

ट्रांसफर्ड एपिथेट ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्लियर है आप लोगों को फाइन क्या कोई और पोइटिक डिवाइस है अच्छा और पोइटिक डिवाइस देखते हैं जी यहां पर अब, अब यह मैंने हाइलिट किया दोनों पोटिक एलिटेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट ठीक है आगे देखिए अब आगे देखिए जी इसमें बताइए फटाफट से पहले तो ये ब्लू वाले बता दो कौन कौन से हैं ब्लू वाले जल्दी से बताओ जो ब्लू में हाईलाइटेड है वॉट 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 वाला मैरिली मैरिली वाला जल्दी बताओ बच्चा वाड़ी वड़ा वड़ से बताओ, वड़ा वड़ से, कमान 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 कमान, कमान क्विकली जल्दी बताइए भाई हा मुझे मिल रहा है जवाब ओके अब आप देख रहे हो यहां पर वॉट वर्ड रिपीट हो रहा है लगातार तीन बार यहां पर हुआ है तो एक तो आप इसको रिपीटिशन तो मान ही सकते हो बिल्कुल सिंपल रिपीटिशन तो ये है ही वर्ड रिपीट हो रहा है सिंपली रिपीटेशन तो है ही लेकिन अब अगर लाइन की स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है जैसे यहां पे वर्ड रिपीट हो रहा है है ना इन दोनों लाइंस की शुरुआत में वर्ड रिपीट हो रहा है तो ऐसा स्पेशल केस जब रिपीटेशन का हो कि एक वर्ड लाइन की शुरुआत में रिपीट हो रहा हो तो आप उसको बोलते हैं एनाफोरा ठीक है तो ये जो है ये है बच्चे एनाफोरा ये एनाफोरा हो गया ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अच्छा यहां पर भी देख लो ये मैरिली मैरिली रिपीट हो रहा है ये भी एन एफ हो रहा है भाई लाइन की शुरुआत में एक वर्ड रिपीट हो रहा है अब नेक्स्ट देखो ये वाला बताओ बॉल्स बॉल्स हाउ टू स्टैंड अप हाउ टू स्टैंड अप नो पर रिपीट हो रहा है और हाउ टू स्टैंड रिपीट हो रहा है यहां बॉल्स बॉल्स तो ये कौन सा है भाई ये भी बताओ जल्दी से बताओ ना बॉल्स बॉल्स हाउ टू स्टैंड अप हाउ टू स्टैंड अप अपन नो नो क्या है यहां पर जल्दी बताओ देखो पोइटिक डिवाइस जो जो आ रहे हैं मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं आप लोगों को तो ये यह यहां पर यूज हुआ बच्चे रिपीटिशन कैसे क्योंकि बॉल्स रिपीट किया है दो बार यहां पर ऐसे यहां हाउ टू स्टैंड अप और यहां पर भी हाउ टू स्टैंड अप रिपीट किया है यहां पर नो no वर्ड दो बार रिपीट किया है देफोर इट इज रिपीटिशन नेक्स्ट देखिए अब देखिए यहां पर आप मैंने तीन लाइन अंडरलाइन की हुई है ऐसी यहां पे तीन लाइन अंडरलाइन की हुई है आपको यहां पर कोई पोइटिक डिवाइस दिखता है क्या जो अंडरलाइन लाइन है अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनमें कोई पोइटिक डिवाइस दिखा क्या जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनमें कोई पोइटिक डिवाइस दिख रहा है जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से कमान 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 कमान, कमान क्विकली अंडरलाइन जो है, देखो हा बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों ने तुरंत पहचान लिया यहां पर यूज हो रहा है enjambment. अब तो समझ में आने लगा होगा ना कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हो रहा है ना बॉय के बाद ना डाउन के बाद ना वेयर के बाद ऐसे सिमिलरली यहां नाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक इनके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हो रहा है देर फॉर इट इज एनजाममेंट यहां पर एनजाममेंट यूज हुआ है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल सिंपल है आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं अब यहां बताओ बच्चे सबसे पहले तो ये ग्रीन वाला बताओ मैरिली बाउंसिंग बोला है तो ये ग्रीन वाला सबसे पहले तो ये बता दो मैरिली yeah. बाउंसिंग बोला है मैरिली बाउंसिंग मैरिली बाउंसिंग बोला है तो कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है बॉल को मैरिली बाउंसिंग बोल दिया हैप्पीली बाउंस कर रही है बॉल बाउंस कर रही है बॉल ये बताया है आपको कौन सा होगा जल्दी बताओ परसोनिफिकेशन बहुत बढ़िया बॉल के लिए बोला है आई सोइट गो ठीक है बॉल के लिए बोला है कि वो हैप्पीली बाउंस कर रही है बॉल थोड़ी हैप्पी होती है एक ह्यूमन क्वालिटी जब दे दी जाए एक नॉन लिविंग चीज एनिमल को तो होता है परसोनिफिकेशन देरफोर यहां परसोनिफिकेशन है क्लियर है बिल्कुल परसोनिफिकेशन क्या होता है क्लियर होना चाहिए अब नेक्स्ट देखिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट से आपसे पूछा गया है कि बॉल्स का यहां पर ये यह दो अंडरलाइन है और भी जितनी बॉल्स हैं इस पोम के अंदर उनका एक हिडन मीनिंग भी है तो अगर ऐसा है तो कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है वहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है फिर बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जल्दी 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 कमान 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 क्विकली फटावट से फटावट से राइम स्कीम यही बताता हूं भाई ये वैसे फ्रीवर्स में इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है पोम की फ्री फ्रीवर्स है हाँ बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर इज सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म यूज़ हुआ है सिंबोलिज्म क्या होता है कि जब आपको कोई वर्ड दिया हो टेक्स्ट में लेकिन उसके पीछे उसका एक हिडन मीनिंग भी हो जैसे यहां बॉल जो है इस पोहम के अंदर वो सिर्फ बॉल नहीं है उसका मतलब वो बॉल प्रतीक है उन सारी चीजों का जो हम लोग डियर होल्ड करते हैं बॉल प्रतीक है हमारे चाइल्डहुड इनोसेंस और चाइल्डहुड डेज का भी है ना ऐसा बोला ना बॉल्स मतलब बॉल्स क्या है कि हमारी जो प्यारी चीजें हैं डियर चीजें हैं वो जरूर खोएंगी कभी ना कभी वो जरूर लॉस होगा उनका फाइन तो ये होता है सिंबोलिज्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आई होप इससे अलग अच्छा इससे अलग आप लोगों को एक चीज तो बिल्कुल पता ही है ना याद है ना ये मैंने बोला था क्या कि हर पोम में इमेजरी तो होता ही है है ना अब आप जब ये पूरी पोम पढ़ोगे तो आप दिमाग में मेंटल इमेज बना पाओगे ना छोटे सा बच्चे बॉल दूर चली गई और वो रो रहा है पोर्ट पे तो ये जो मेंटल इमेज अगर आप बना पाए तो इमेजरी यूज हुआ यहां सिंपली क्लियर क्लियर होना चाहिए ये ये फाइन है बिल्कुल राइम स्कीम क्या है बच्चे राइम स्कीम इसकी है फ्री वर्स इसकी कोई भी फिक्स राइम नहीं है पूरी पोम फ्री वर्स में मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग है ये जिसमें एक राइम स्कीम नहीं होती है पोम की पूरी पोम फ्री वर्स में लिखी जाती है उसको बोलते हैं फ्री वर्स में लिखी गई है ठीक है क्लियर है बिलीव कुछ क्वेश्चन है, है फटाफट से डिस्कस करते हैं उनको पहला क्यों बोलता है कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा उसको वाई ही ऑफर हिम मनी वो उसको पैसे क्यों ऑफर नहीं करता है दूसरी बॉल देने के लिए फटाफट से बताइए बच्चे इसका आंसर पहले वाले का बताओ 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन और ये आपके बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई 2020 ने क्वेश्चन पूछा हुआ है थैंक 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 यू 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 हमने तो पोएट्री डिवाइस पढ़ा ही है पढ़ा हुआ है ना पोट्री डिवाइस बिल्कुल तो आपको आइडिया भी होगा ऑलरेडी सो पेनफुल यस यस आई अंडरस्टैंड लूजिंग समवन डियर इज वेरी पेनफुल इन इट इज बट यही तो स्टेप है ना मैच्योरिटी की तरफ आपका ओके okay. क्या आंसर होगा बच्चे तो पहला ही डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड या इंटरफेयर विद करंट सिचुएशन क्यों बिकॉज ही वॉन्ट हिम टू टेक एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ क्या लेसन एक तो ही वॉन्ट्स कि बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करे

क्योंकि बच्चे को तो वही बॉल चाहिए द किड वुड वॉन्ट दैट सेम बॉल दैट इज लॉस्ट वो जो बॉल खोई है वही उसको प्यारी है और वही सेम बॉल उसको चाहिए नॉट अ न्यू बॉल मनी तो एक नई बॉल ला के दे सकते हैं उसको देयरफॉर इट इज वर्थलेस टू ऑफर एम मनी टू बाय बॉल नेक्स्ट नेक्स्ट है आई सॉ इट गो डांसिंग बाउंसिंग दीज वर्ड कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ इस इन वर्ड्स में कौन सा एग्जाम्पल यूज किया गया है ये आपको बताना है अरे तो पुराने वाले चल रहा है अभी तक चलो कोई नहीं एनी anyway, तो यहां पर कौन सा पार्टी डिवाइस हुआ जल्दी बताओ से बच्चा पार्टी जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चे फटावट से बताओ ओके क्या होगा जल्दी बताओ हाँ देखो आई इट गो मेरिली बाउंसिंग बॉल को मेरिली बाउंस करते हुए देखा इन्होंने पर है बिल्कुल क्लियरली नेक्स्ट वाई इज इट नो यूज टू से आर द बॉल्स ये बोलने का कोई फायदा क्यों नहीं है कि बाकी बॉल्स हैं ऑप्शन ए द बॉय डज नॉट हैव द मनी टू बैन द बॉल द बॉय नोज द बॉल कैन बी ड्राइव द बॉय वॉन्ट्स ओनली द बॉल ही हैज लॉस्ट द दॉन्ट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस वॉस इज वाई दो यूज टू से आर द बॉल्स क्या फायदा क्यों फायदा नहीं है बाकी बॉल्स ये बोलने का कि बाकी बॉल्स भी हैं फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी ऑप्शन डी वाई देर इज नो यूज ऐसा बोलने का कोई फायदा क्यों नहीं है और आर अदर बॉल्स नहीं आप लोग सब लोग मुझे लग रहा है गलत आंसर दे रहे हो इसका डी बोल रहे हो करेक्ट आंसर हां मुझे काफी लोगों ने अब सी सही बोला बिल्कुल सही द बॉय वॉन्स ओनली द बॉल ही हैज लॉस्ट बच्चा वो ही बॉल चाहता है जो खोई है इसलिए बोलने का कोई फायदा नहीं कि भाई और भी बॉल्स हैं दुनिया में इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डी इन करेक्ट होगा नेक्स्ट मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन नॉट बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसको पोल में देना चाहता था लेकिन पोल तो चल ही नहीं रहा है ओके okay, एनीवे anyway, तो मनी इज एक्सटर्नल क्यों बिकॉज इट कैन नॉट टीच द बॉय एनी लेसन बिकॉज इट कैन नॉट बाय न्यू बॉल बिकॉज इट कैन नॉट बाय बैक द लॉस्ट बॉल बिकॉज इट मेक द बॉय रिस्पॉन्सिबल इट कैनॉट मेक द बॉय रिस्पॉन्सिबल क्यों बताइए फटाफट से जल्दी 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 इसका आंसर दो फटाफट से मनीज एक्सटर्नल ये अच्छा क्वेश्चन है, है कई uh, दफा तो इसका में बता दो एक बारी क्या बहुत सही करेक्ट आंसर इज इट कैनॉट बाय बैक द लॉस्ट बॉल क्योंकि वो जो बॉल खो गया है उसको वापस नहीं ला सकता है करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट द बॉय मस्ट लर्न हाउ टू पोएट के अकॉर्डिंग पोएट ये जो पॉइंट के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या सीखना जरूरी है नॉट टू फॉरगेट द ही सफर्स इन इन लाइफ लाइफ कॉम्पेंसेट हिमसेल्फ फॉर द द लॉस लॉस अवॉइड सफरिंग बियर एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग क्या सीखना जरूरी है बच्चे को लाइफ में इस पोम के थ्रू एक तरह से क्या मैसेज दे रहा है पॉइंट पूछ लीजिए आप क्या द बॉय मस्ट लर्न बच्चे को क्या सीखना जरूरी है क्या सीखना जरूरी है जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से कमॉन कमान कमॉन फोक्स क्या सीखना जरूरी है जी लिखा है किसने? जी जी तो है ही नहीं भाई महान हो तुम वाह ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बेयर द लॉस एंड मेक अ न्यू बिगनिंग बच्चे को इसी सीखना है कि कैसे एक लॉस को झेला बेयर करे और आगे नई शुरुआत करे नेक्स्ट अभी सीबीएसई 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन

ठीक है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ बोला है ना यहां पर ये जो अल्टीमेट यूज किया है ये इस इसका क्या मीनिंग है यहां पर और इन चारों में से कौन सा इससे मैच नहीं करता मीनिंग से इन शॉर्ट आपसे ये पूछा है बस ठीक है समझ में आ जाना चाहिए आपको ये बिल्कुल ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सॉरी सॉरी ऑप्शन सी कंक्लूसिव मतलब नहीं है इसका कॉन्सिक्वेंट मतलब रिजल्ट किसी चीज का रिजल्टेंट तो अल्टीमेट री मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट आया ये तो सही होगा फाइनल शेकिंग री फाइनल अल्टीमेट आप मान सकते हो बिल्कुल सही है फेटफुल मतलब एक ऐसी चीज जो कि आपकी दिशा बदल दे जीवन का ठीक है तो कंक्लूसिव विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट है द बॉय इज वेरी यंग इन पोम एज ए मेच्योर बैलेंस माइट लुक बैक एंड थिंक दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्टीमेट शेकिंग रियक्शन बच्चा इस पोम में बहुत छोटा है तो जब वो बड़ा होगा तो वो क्या सोचेगा अपने रिएक्शन के बारे में कि उसका रिएक्शन वॉज डिस्प्रपोर्शनेट टू द लॉस जितना लॉस हुआ था उसका रिएक्शन उसके हिसाब से कम या ज्यादा था डिसनेट था प्रिटेंशन टू प्रोक्योर अ न्यू टॉय वो बहाना बना रहा था एक नया टॉय प्रोक्योर करने के लिए पाने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपोजर था वो उसका उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग था टॉय ये उसका सिर्फ एक रिएक्शन था टॉय को रिट्राइव ना कर पाने के फेलियर की वजह से जस्टिफाइड एंड सिमिलर टू वट इट वुड बी करंटली या ये जस्टिफाइड होगा और वैसा ही होगा जैसा वो अब बड़ा होने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा इनमें से कौन सा आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन होगा और एबीसीडी में से फिर इसके अकॉर्डिंग पोइटिक डिवाइसेस मैं बता रहा हूं साथ साथ भाई इंग्लिश का पेपर था आज बहुत बढ़िया अभी तो बोर्ड के पेपर बचे हुए ओके okay. तो बच्चे करेक्ट आंसर है बच्चे उसका रिएक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर एक्सपीरियंस जब जितना उसका एक्सपीरियंस था बच्चे का तब तक उसके हिसाब से उसका 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 एक्सपीरियंस था 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 रिएक्शन रिएक्शन और दूसरा उसका जो टू द लॉस था ऑप्शन वन भी उसका जितना लॉस था बॉल ही तो खुआ था उसका उसको शायद बड़ा होकर रिलाइज हो कि यार एक बॉल ही तो खुआ था फिर मेरा रिएक्शन जो था वो गलत था थोड़ा सा ये रिएक्शन होगा तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन एंड थ्री ऑप्शन बी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है द स्पीकर चूज नॉट टू इंट्रूड दिस इज सो बिकॉज द अरे यार इसमें आंसर लिखा हुआ है बच्चा बोलता है life life में एक वो सीखे बिना डिस्टर्ब हुए। ये आंसर है इसका एनीवे anyway, वे <coughs> इन दोनों का बता दो हाउ इज द बॉय फीलिंग ऑन लॉस ऑफ हिज बॉल बॉल के लॉस पे कैसा महसूस कर रहा है ये जो बच्चा है वो हाउ इज ही कैसे महसूस कर रहा है सिंपल सा आंसर है पेपर था अच्छा गया आई बिलीव अच्छा रहना चाहिए ना पेपर तो हाँ ही इज वेरी सैड लिखा ग्रीफ मतलब वो बहुत ज्यादा सैड है वो कहाँ पर आ मतलब उसकी लाइफ में सबसे तगड़ा लॉस ही अभी तक हुआ है ऐसा बताया गया पोएट नॉट इंटरप्टे ने पोएट को सॉरी पोएट ने बच्चे को इंटरप्ट क्यों नहीं किया वी नॉट इंटरप्ट क्यों ऐसा कोई एंड डिप्रेस्ड वो भी सही है आंसर बिल्कुल सही है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बताओ फटावट से फटावट से कमान 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 okay. पोएट ने इंटरप्ट इसलिए नहीं किया बच्चे को क्योंकि ही हिम टू टेक एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ वो बच्चे को एक लेसन सीख सबक ले लेना चाह बच्चा वो चाहता है कि बच्चा अपनी लाइफ का जरूरी सबक वो या सीख है वो ले ले क्या सीख है वो कि लाइफ में लॉस होगा इनवेटेबल है लॉस और दूसरा अगर आपकी कोई चीज है जो कि आपको प्रिय है तो आप उसका ध्यान रखना चाहिए ये दोनों सीख वो उसको देना चाहता है इसलिए उसने इंटरप्ट नहीं किया नेक्स्ट अब ये कुछ पी और है फटाफट से इनको डिस्कस करते हैं Not from weeping, not from grieving, will anyone obtain peace of mind if you had not, if he had to use the message of the given quote from the Buddha's sermon. CBSC question paper 2023 mein question is, we discuss it. The sermon at Banaras to help the boy cope with the loss of his ball and what is what it signifies, what would you include in your advice? बोला है कि आपको सरमन एट बनारस में एक प्रवचन दिया गया था क्या कि ना तो रोने से ना ग्रीव करने से कोई शांति पाता है दिमाग की अगर आपको ये सरमन ये प्रवचन इस्तेमाल करके इस बच्चे को समझाना होता कि भाई ऐसा होगा लाइफ में तो आप क्या एडवाइस देते बच्चे को इन शॉर्ट दो चैप्टर से मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछ लिया अच्छा क्वेश्चन है भाई ऐसे क्वेश्चन इस बार हो सकता है पूछे जाए तो अब इसका आंसर कैसे दोगे आप इसका आंसर दोगे इस तरीके से कि सरमन एट बनारस का जो आपने सार लिया जो समरी उस की थी जस्ट उस पोएम से लिया आपने क्या कि किसी भी लॉ अगर कोई नुकसान हो जाए किसी का जाना हो जाए आपकी लाइफ से कोई परेशान हो जाए इस वजह से तो उससे कोई फायदा नहीं है ग्रीव करने से कोई वापस नहीं आता इनफैक्ट आपकी तकलीफ और बढ़ती है यही तो सबक लिया था ना आपने उस चैप्टर से दर्मेरेट बनारस से क्या की देर नो यूज ऑफ ग्रीविंग ग्रीव करके कुछ नहीं होता इनफैक्ट आपकी रेस्टलेसनेस बेचैनी और बढ़ती है अगर आपको जीवन में शांति चाहते हैं अगर आप पीस चाहते हैं तो आपको जो सेल्फिशनेस है वो गिव अप करनी पड़ेगी आपके आपकी जो इच्छा है कि यार मेरे को मिल जाए मिल जाए ये वाली जो इच्छा है सेल्फिशनेस की या सेल्फिश है अपने आप कुछ पाने की ये डिजायर गिव अप करना पड़ेगा सेल्फलेस होना पड़ेगा इसलिए ये वाला मैसेज आप यहां पर दे सकते हैं इस बच्चे को अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आप अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं कुछ कुछ वाइज इट इंपोर्टेंट फॉर एवरी वन टू एक्सपीरियंस लॉस एंड टू स्टैंड अप आफ्टर इट ये जरूरी है कि हर एक इंसान को लॉस एक बारी झेलना चाहिए और फिर उसके बाद खड़ा होना सीखना चाहिए यह क्यों जरूरी है बहुत बढ़िया क्या बात है कहा वट अ ब्यूटिफुल थिंग टू से क्वेश्चन हाँ, टू बताओ क्यों भाई क्यों जरूरी है इसलिए जरूरी है बच्चे कि हर एक इंसान को लाइफ में लॉस तो आएगा वो तो इनवेटेबल है उसको आप रोक ही नहीं सकते और लॉस आने के बाद तकलीफ होना भी तय है आप सब लोग हम सब लोग परेशान भी होते हैं अगर कुछ हमें नुकसान होता है तो लेकिन उस लॉस को हिम्मत के साथ बेयर करना और फिर आगे बढ़ जाना क्योंकि लाइफ में डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी ना अगर आप एक लॉस के बाद हिम्मत हार जाओगे होप हार जाओगे सारी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे उस लॉस से तो फिर आप लाइफ की बाकी डिफिकल्टीज कैसे फेस करोगे यह सबक इस वजह से जरूरी है कि हर एक इंसान कभी ना कभी कोई लॉस बेयर करे और फिर उससे आगे उठना सीखे आगे बढ़ना सीखे मूव ऑन करना सीखे ये जरूरी है लर्निंग है जरूरी बेसिकली नेक्स्ट है व्हाट वट डॉन मैरीवेन वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस फॉर्म इस फॉर्म से क्या कन्वे करना चाहता है अच्छा क्वेश्चन है भाई सीबीएसई लर्न दो बार आया भी है क्वेश्चन 2011 2016 दोनों बार ही आया हुआ है क्या कन्वे करना चाहते हैं अगेन वही

कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इमोशंस हैं बेसिकली हमारी फीलिंग्स हैं उनको पैसा खरीद नहीं सकता है तो जैसे इस फोर्म में बॉल जो खो गई बच्चे की उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि उसके साथ इमोशन अटैच है ऐसी मनी जो भी इंटरनल चीजें हैं जो भी फीलिंग्स इमोशंस हैं उनको खरीद नहीं सकता है वो एक एक्सटर्नल चीज है वो एक नई चीज वापस ला दे सकता है बस आपको इट कैन नॉट ब्रिंग बैक द थिंग विद विच आर इंटरनल फीलिंग्स आर अटैच्ड देर फॉर इट इज एक्सटर्नल ऐसा आप बोल सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत आप लिख रहे हो ऐसा नेक्स्ट है द द बॉय अपसेट लूजिंग बॉल बच्चा जो है इस बॉल को लूज करने पे अपसेट क्यों था परेशान क्यों था यह बताना है आपको फटाफट से बताओ वाई वॉज द बॉल अपसेट ऑन लूजिंग द बॉल ये बच्चा अपसेट क्यों था बॉल खोने पे बताइए जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी जल्दी से बता दीजिए उफ बॉय ऑन लूजिंग द बॉल सिंपली इसलिए क्योंकि जो बच्चा था ना छोटा सा इसका पहला लॉस था और इस बॉल के साथ उसकी अटैच थी पूरे बचपन से चाइल्डहुड डेज से वो इस बॉल के साथ खेल रहा था और जब आप किसी चीज के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो तो आप नेचुरली अटैच हो जाते हो उस चीज के साथ बिकॉज दिस बॉय वॉज वेरी अटैच टू द बॉल बिकॉज रीजन बिंग सिंस ही विद बॉल फ्रॉम इस चाइल्ड डेज देर फॉर वेन दिस बॉल

चलिए शुरू करते हैं क्लियर है ना वाली पॉम क्लियर है आप लोगों को द बॉल पॉम क्लियर है बॉल पॉम क्लियर है क्लियर है क्या जल्दी बताओ बिकॉज बॉल वेरी क्लोज टू द बॉय हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी बिल्कुल सही बात है सर अभी जी हाँ ओके ओके बिकॉज ऑफ इज मेमोरी इज अटैच्ड ठीक है ओके okay. तो चलो फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी पोम है और मुश्किल नहीं है मतलब पोम तो थोड़ी सी है लेंथ में लेकिन मीनिंग बहुत आसान है इसका इसलिए वाली पोम करते हैं इसके बाद ब्रेक लेंगे ब्रेक ठीक है पंद्रह मिनट का ब्रेक लेंगे आप लोगों के लिए चलिए शुरू करता हूँ आप पोम अमांडा ये जो पोम अमांडा बच्चे ये रिवील करती है हम एक छोटी एज की बच्चे का मेंटल स्टेट बच्ची का मेंटल से जिसके पेरेंट्स, उसकी मदर, उसको और इरिटेट होने के बाद से भाग तो सकती नहीं है उसने अपनी जो शांति पाई रिफ्यूज पाया वो अपनी इमेजिनेशन में पाया उसने एक दुनिया इमेजिन कर ली अपनी जिसमें वो अकेली है जिसमें वो कुछ कुछ कर रही है जो उसको मन करता है करने का इस तरीके से उसने शांति पाई है बेसिकली तो ये उसका रिफ्यूज है इस रियलिटी से जहां पर उसकी मम्मी उसको लगातार नाग करती रहती है कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती है छोटी सी पोम है स्कूल गोइंग गर्ल की और काफी हद तक जिस एज में आप हैं उस एज में बच्चों की क्या मेंटल स्टेट होती है मेंटेलिटी होती है साइकोलॉजी होती है इसको रिवील करती है क्लियर होना चाहिए ये अब चलिए देखते हैं पोम को एक बारी डिटेल में फिर आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं देखिए फटाफट से बड़ी शोर्ट में पोआ मैं आपको बता दूंगा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा हंच मतलब होता है बेंट करना और स्लाउचिंग मतलब होता है सिट इन अ वे दैट शोज यू आर लेजी और टायर्ड ओके okay. ध्यान से समझते हैं तो बच्चे हंच करने का मतलब होता है बेंट करना को बेंट करके बैठना जैसे आप ये देख रहे हैं ये हंच का शू, हंच शू, इमेज है और स्लाउचिंग का मतलब होता है ऐसे बैठना जैसे आप बिल्कुल थके हुए आलस बिल्कुल आपको आ रहा है जैसे ये बंदा बैठा है <laughs> बड़ी अच्छी इमेज लगती है मेरे को ये ठीक है तो इस वाले जो क्वेश्चन अब इस वाले में क्या बताया गया स्टैंडा में आप देखते हैं कि कोई अमेंडा कोई कमांडा नाम की लड़की को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इंस्ट्रक्शन लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दे रहे हैं। ही देते हैं। और कुछ हद तक जो कॉन्वर्जेशन आप देखेंगे उससे लगेगा कि शायद मॉम इंस्ट्रक्शन दे रही है एनी anyway, वे तो ये क्या बोलते हैं ये बोलती है कि अपने नेल्स बाइट मत करो अमांडा अपने शोल्डर्स को बेंट करके मत बैठो ऐसे हंच करके मत बैठो और वो जो स्लाउचिंग तरीके से तो

ब्रैकेट्स तो पूरा ब्रैकेट्स में अब इसका मतलब ये जो यहां पर लिखा होगा ना ये सारी चीजें इमेजिन कर रही है बस असली में नहीं हो रही ये क्या इमेजिन करती है अब इसके जवाब में वो देर लैंग्विड एमरल्ड सी द सोल अन्बिटेंट इज मी अमर मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली बोलती है कि एक लैंग्विड लैंग्विड मतलब एक काम शांत एमरल्ड एमरल्ड एक तरह का पर्ल होता है एक प्रेशर स्टोन होता है ग्रीन कलर का वो सी है जिसमें इकलौती सोल मतलब ओनली जिसमें इकलौती इनहेबिटेंट मतलब रेजिडेंट रेजिडेंट हूं मैं अ मरमेड जो कि एक मरमेड है मरमेड मतलब होता है जलपरी एक मिथिकल कैरेक्टर है जिसकी अपर बॉडी रिसेंबल करती है एक लेडी से और लोअर बॉडी डिसम्बल करती है एक फिश से ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग मतलब फ्लोटिंग ब्लिसफुली ब्लिसफुली मतलब होता है खुशी से जॉयफुली तो इन शॉर्ट अमेंडा जो है कॉन्स्टेंट नैगिंग से इरिटेट होके परेशान होके अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक समुद्र में जो कि बिल्कुल शांत समुद्र है और हरे कलर का है ऐसा समुद्र ग्री, ग्रीन कलर का समुद्र है उसमें वो एक मरमेड है जल पर है और उस समुद्र में वो इकलौती है कोई नहीं है और शी इज द सोल इनहेबिटेंट वो इकलौती इनहेबिटेंट है उसकी और वो फ्लोट कर रही है उसमें बड़ी खुशी से जॉय से आनंद के साथ उसमें तैर रही है पूरे समुद्र में अकेली अपने आप को इमेजिन करती है इन शॉर्ट ये जो स्टैंडा है वो दिखाता है कि बच्ची जो है वो अपनी मम्मी की कॉन्स्टेंट नैगिंग से रिलेटेड हो चुकी है और अपने आप को आजाद इमेजिन करना चाहती है जो उसके मन में है वो करना चाहती है वो नेक्स्ट स्टैंडा देखिए डिड यू फिनिश

तो आप फिर से मैंडा देखिए क्या सोचती है ब्रैकेट में देखिए आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट ऑर्फन मतलब होता है अनाथ अब ये फिर से इमेजिन करती है कुछ रोमिंग द स्ट्रीट पैटर्न मतलब डिजाइन बनाना सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट हस्ट मतलब स्टिल बेर मतलब नेकेड या अनकवर्ड अनकवर्ड बल्कि मोर बल्कि्रोप्रियट है अनकवर्ड फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट अब अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं एक ऐसे दुनिया में हूं जहां मैं अनाथ हूं मेरे पेरेंट्स नहीं है मतलब ये इतनी एनॉय हो चुकी है अपने मम्मी की कांस्टेंट नैगिंग से उनकी इंस्ट्रक्शन देने की आदत से कि ये अपने आप को इमेजिन करती है कि इसके पास पेरेंट्स ही नहीं है इसके पेरेंट्स नहीं है अनाथ वो होता है जिसके पेरेंट्स या या तो गुजर ना ही हो बेसिकली बचपन में गुजर जाए तो ये अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन कर लेती है इसको शायद पता भी नहीं कि ऑर्फन जो है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में जीते हैं जो ऑर्फन बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं बहुत डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं बट ये इतनी इरिटेट हो चुकी है अपनी मम्मी के लगातार जो वो इंस्ट्रक्शन नैगिंग है उससे कि अपने आप को ऑफर इमेजिन कर लेती है और इमेजिन करती है कि मैं गलियों में घूम रही हूं अपनी मर्जी से और मैं वहां पर जो डस्ट है नंगे पैर मैं वहां पर जो डस्ट है उस पे पैरों से डिजाइन बना रही हूं कुछ कुछ ऐसे अपनी मतलब स्टिल बेर फीट अनकर्ड लेग से अपने अनकवर्ड पैरों से मैं वहां पर जो डस्ट है रोडो पे या स्ट्रीट पे उस पर डिजाइन बना रही हूं द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम स्वीट और ये बोलती है जहां पे चार तरफ जो साइलेंस है ना वो मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है गोल्डन महसूस हो रहा है मुझे वो और जो आजादी है मेरी वो बड़ी मीठी लग रही है मुझे क्यों क्यों ऐसा बोला उसने क्योंकि यहां पर इसको कोई भी बोलने वाला नहीं है कि इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है इसको कोई इसकी मम्मी की तरह लगातार जो इसके मन में आ रहा है वो ये कर रही है ऐसा बच्चे यहां पर स्टांजा में बताया गया आपको तो ये है स्टांजा नंबर फोर ओके आगे देखते हैं चलिए डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा रिमेंबर योर एक्ने अमांडा ट मी वे स्पीकिंग टू से इससे बातचीत करती हैं. मोस्ट लाइकली कोई भी पेरेंट हो सकता है बट मोस्ट लाइकली मदर वो इससे बातचीत करती हैं क्या कि वो चॉकलेट मत खाओ मैंडा तुम्हें अपना एक्ने नहीं याद है क्या एक्ने क्या होता है बच्चे स्किन एलर्जी होती है स्किन एलर्जी स्किन एलर्जी विद रेड

क्यों बोला ऐसा उन्होंने? प्लीज क्यों बोला तो प्लीज यहां सर बोला असल में She actually gave a command उन्होंने order दिया कि मेरे तरफ देखा करो जब मैं बात करूं तुमसे प्लीज तो बोला है. कि भी रिटायर हो चुकी है अब ओके okay. अब अमेंडा क्या सोचती है देखिए आई एम रिपनल आई अ टावर इज ट्रांक एंड रेयर आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर ये रेफर करती है रेफरेंस देती है अपनी इमेजिनेशन में रपंजल का रपंजल कौन है तो एक फे, जर्मन फेरी टेल है। जर्मन फेरी टेल के अंदर एक प्रिंसेस है रपंजल, जिसको उसके पेरेंट से अगवा कर लेती है एक इविल विच एक जादूगरनी डायन दा, जो होती है ना वो अगवा कर लेती है इस प्रिंसेस को उसके पेरेंट्स से और उसको बंद कर देती है एक टावर में एक ऐसे टावर में जहां कोई भी ना हो सिर्फ एक विंडो है उस टावर के अंदर उसके अंदर इसको बंद कर देती है किसी तरीके से उससे उससे कनेक्ट करती है वो और इसके जो प्रिंसेस है पंजल इसके बाल है गोल्डन कलर के जादुई बाल बहुत ही खूबसूरत जादुई कलर के बाल है इसके और बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के बाल हैं और जादुई हैं वो क्यों क्योंकि ये जब प्रिंस से कनेक्ट करती है जो टावर पे आता है तो अपनी चोटी अपने बाल जो है गोल्डन कलर के उनको नीचे डालती है और इस बाल जो कि जादुई उस पर क्लाइम करके प्रिंस ऊपर चढ़ता है है और उसको एस्केप एस्केप करके इसको कराता बचा के ले जाता है वहां से रेस्क्यू कर लेता है इसको तो ये जो शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताई अभी रेपेंजल की कहानी है बहुत ही मशहूर है ये डिज्नी वगैरह पे मूवीज भी बन चुकी हैं इसकी तो ये इमेजिन करती है खुद को रेपें आई हैव नॉट अर लाइफ इन अ टावर इज ट्रांक एंड रेयर ट्रैंक्ल मतलब होता है काम शांत रेयर मतलब होता है अनकॉमन जो कि सा साधारणता ना दिखे आपको I'll certainly never let down my bright hair और ये बोलती है कि मैं अपने ब्राइट हेयर कभी भी नीचे नहीं डालूंगी अब ये बोलती है कि मैं रपंजल हूं एक मेरे को कोई चिंता नहीं है जैसे रिपंजल एक टावर बंद थी ऐसे इमेजिन करती है खुद को अपने आप को सोलिटरी टावर में जहां कोई नहीं है और ये बोलती है मुझे कोई चिंता है ही नहीं लाइफ इन ए टावर इज एंड रेयर और लाइफ जो है टावर के अंदर इस सोलिटरी टावर के अंदर बड़ी शांत है और रेयर है ऐसी लाइफ है ही नहीं मजा आ रहा है मतलब इसको क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं है इसको चाहिए कि कोई ना हो इसके आसपास और बोलती है जैसे रिपंजल ने अपने बाल नीचे डाल के प्रिंस को ऊपर बुला लिया और फिर उसके बाद चली गई मैं तो अपने बालों को नीचे भी नहीं डालूंगी मतलब मैं तो उस टावर से कभी निकलना भी नहीं चाहूंगी इन शॉर्ट ये इमेजिन करती है आपने आपको एक फेरी वो जो गोल्डन कलर वाली प्रिंसेस रिपेंजल और कहती है मैं उस टावर में रहूंगी शांति से और मैं कभी भी उससे बाहर नहीं जाऊंगी मेरे को तो वो आजादी उस टावर के अंदर जो शांति है वो बड़ी पसंद है मैं तो वैसे ही रहना चाहती हूं गुलाम भी बनने को तैयार है एक बारी कोई लड़की लेकिन शांति चाहिए किसी और के डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ये इसको चाहिए आगे देखते हैं चलिए लास्ट एंड जावें स्टैंड जाए ये ये वाला सिक्स था स्टॉप दैट sulking एट once, Amanda. You're ऑलवेज सो मूडी Amanda. Anyone would think that आई nagged at यू Amanda. Sulking का मतलब होता है बच्चे एक सैड सा मुंह बना के रखना मुंह लटका के बैठना ताकि दूसरों को लगे कि यार तो बड़ी परेशान है You're ऑलवेज मूडी मूडी मतलब एक ऐसा इंसान जो इसका मूड मिनट मिनट में बदल जाए तुरंत अभी खुश हो तुरंत अभी परेशान हो एनी वन गुड थिंग दैट आई नैग्ड नैग्ड का मतलब होता है टू गिव कॉन्स्टेंट इसका लिख देता हूं टू गिव कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस लगातार इंस्ट्रक्शन देना किसी को सो मच दैट दे आर एनॉयड मतलब आप किसी को लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहो इस तरीके से कि वो हो जाए इरिटेट हो जाए बिल्कुल फाइन तो ये लास्ट एंजाइस बोलती है इनकी मम्मी अगेन एमेंडा से कि ये जो तुम मुंह लटका के बैठी है ना ये रुक इसको बंद कर दे सही हो जाए थोड़ा सा नॉर्मल हो सल्किंग बंद कर दो यूर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा तुम हमेशा ही बहुत मूडी रहती हो तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं हर मिनट में एनी वन वुड थिंक आई नैक डेट यू एमेंडा और कोई अगर तुम्हें देखेगा इस सिचुएशन में तो उनको लेगा कि मैं तुम्हें कॉन्स्टेंटली नैक करती रहती हूं तो पेरेंट का जो दोहरा बिहेवियर है यहां पर वो दिखता है एक तरफ तो वो बच्चे को दिखाना भी चाह रहे हैं सिखाना भी चाह रहे हैं उनकी टोन चाहे जैसी हो लेकिन वो सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को और उसको नैक कर रहे हैं असल में उसको लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कुछ कुछ करने का और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को पता भी ना चले ये एनी तो वे anyway, ये दोहरा बिहेवियर इनका दिखता है अब एक इंपॉर्टेंट पोइट्रिक डिवाइस अच्छा ये है पूरी पोम क्या आपको पोम समझ में आ गई अगर आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं क्लियर है ये पोम बिल्कुल सिंपल सी थी मुश्किल नहीं थी मुश्किल नहीं थी तो मैसेज बता दो फटाफट से क्या सीखा आपने इस से? अपने लर्निंग फ्रॉम दिस फो जल्दी बताओ बच्चे नहीं इट इज नॉट अ रियल स्टोरी है बिल्कुल रियल स्टोरी नहीं है भाई अरे यार क्या आकाश कुमार को ब्लॉक कर दो सर ठीक है सर वट वुड यू डू मैं क्या करूंगा मतलब किस सिचुएशन में समझ में आ गया क्या मैसेज मिलता है जल्दी बताओ मैसेज क्या है बच्चे वट इज द मैसेज दैट यू ड्रॉ आउट फ्रॉम दिस क्या सीख लेते हैं आप इससे सीख क्या लेते हैं आप इस फॉर्म से ये बताइए मुझे जल्दी से ओके okay, मैं आपको बताता हूं सबसे पहला इसमें दो मैसेज हैं एक पेरेंट्स के लिए और एक बच्चों के लिए पेरेंट्स और टीचर्स मतलब जो हम लोग हैं और दूसरा जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए पहला मैसेज तो यह पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कि हम लोगों को बच्चों को प्यार से हैंडल करना चाहिए वी शुड मैनेज देम थोड़ा सा फ्लेक्सिबली और इन अ फ्रेंडली वे हमें उन्हें कभी भी कमांडिंग टोन में ऑथोरिटेटिव टोन में नहीं समझाना चाहिए बताना चाहिए क्यों क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो शायद नहीं समझेंगे कमांडिंग टोन उनको नहीं पता उनका भला किसमें लेकिन उनसे अगर प्यार से बात करोगे तो मान लेंगे आपकी बात बट अगर उन आप डरा धमका के और अथॉरिटेटिव तरीके से उनसे बात करोगे तो वो बात छोड़ो आपकी मानने की वो ढीट हो जाएंगे वो डिफाइंड हो जाएंगे ये थी पहली सीख दैट द चिल्ड्रन शुड बी हैंडल्ड इन अ वे दैट इज फ्रेंडली एंड फ्लेक्सीबल वन दूसरा बच्चों के लिए सीख ये है इसमें कि बच्चे लोगों को अपने पेरेंट्स की बात जो है वो समझनी चाहिए हो सक हो सकता है उनका तरीका जो है वो थोड़ा सा कठोर हो बात को बोलने का लेकिन उनका इंटेंशन हम आपको समझना चाहिए उस पर्सपेक्टिव को जानते हुए यू शुड फॉलो देर एडवाइस आपको उनकी एडवाइस माननी चाहिए ये दोनों को एक तरह से सीख मिलती है इसमें पहला क्या दैट किड्स शुड बी हैंडल्ड इन अ फ्रेंडली वे छोटे बच्चों को एक फ्रेंडली तरीके से हैंडल करना चाहिए दूसरा किड्स शुड अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ देर एल्डर्स बच्चे को अपने पेरेंट्स का अपने एल्डर्स का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए एंड ओबे दम और उनको ओबे करना चाहिए भाई कोई गलती बोल रहा तो अलग बात है लेकिन आपके पेरेंट्स कभी आपका गलत नहीं चाहते हैं हाँ उनका तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है बस इतना फर्क है बैठे का तरीका थोड़ा कैजुअल है मैसेज अच्छा ठीक है क्लियर है ंडल इन अ फ्रेंडली वे बिल्कुल सही बात है ठीक है फाइन अब कुछ क्वेश्चन से बताओ स्पीकर जो, जो है उसका टोन क्या है किस तरह का टोन है, Affectionate है? Affectionate मतलब प्यार भरा कंसिडरेट मतलब दूसरे की भावना को समझने वाला सेंसिटिव कमांडिंग यानी कि दूसरे को ऑर्डर देने वाला और तीसरा पैटर्नाइज यानी कि दूसरे की दूसरे को पैटर्नाइज करने का मतलब दूसरे का फ्लैटरी करना थोड़ी कुछ हद तक क्या 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 ऑप्शन सी नैग्ड मतलब होता है बच्चे किसी को कॉन्स्टेंटली कुछ इंस्ट्रक्शन देना नैग्ड मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना इतना कि वो इरिटेट हो जाए अगर मैं आपको कुछ कुछ बताता हूं लगातार ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करो इसका अंदर मतलब आपको नैग कर रहा हूं ओके फटाफट से बताओ बच्चे कमेंट बताओ जल्दी से आंसर दो इसका फटाफट से कमान 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 क्विकली 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 फटाफट से बच्चा पार्टी जल्दी 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 ओके करेक्ट आंसर इस बच्चे ऑप्शन सी कमांडिंग कमांडिंग टोन है यहां पर ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो ये बोला ना मम्मी ने और एंड में आपको जो एक्सप्लेन के है बताता है कि कमांडिंग टोन में बोला है द स्पीकर अमांडा टू स्पीकर इसमें क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हैंडो को बाइट करने के लिए अपने नेल्स शोल्डर अपराइट मैनर मैनर क्या आंसर है करेक्ट जल्दी बताओ भाई मुझे कई बार पता नहीं चल पाता कि आपका आंसर कौन से क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन के साथ जो भी आंसर आप दो ना उसका ऑप्शन भी लिखा करो एक बड़ी डिटेल भी लिखा करो जैसे आप अगर आप बी लिख रहे हो तो ऐसे लिखा करो बी हंच हर शोल्डर्स इस तरीके से आंसर दो भाई आप लोग ऐसे पता नहीं चल पाता जल्दी से बताओ फटाफट से राइम स्कीम पे अभी आऊंगा अभी पोलिट्रिक डिवाइसेस और राइम स्कीम अभी देखेंगे डोंट वरी अभी देखेंगे अभी पूछ रहा हूं बस से जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, कमान, 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 कौन, क्विक्ली, 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 जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। हां, again, दे रही है उसकी मम्मी क्या? सीधा बैठो नेक्स्ट आई होप्स टू एंजॉय लाइफ ऑफ ये जो लड़की है यहां पर आई वो कौन है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न दॉफ्ट डस्ट ये जो आई आई जो कि कौन है यहां पर बच्चे अमांडा ये कैसी लाइफ जीना एंजॉय करना चाहती है साइलेंस और स्टिलनेस वाली साइलेंस एंड हार्ड वर्क वाली हार्ड वर्क एंड सॉलिट्यूड वाली सॉलिट्यूड एंड फ्रीडम वाली कैसी लाइफ वो एंजॉय करना चाहती है सॉलिट्यूड मतलब एकाकीपन अकेला रहना चाहती है मतलब ठीक है जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से आंसर दो जैसा आप दे रहे होस यस 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 कमान 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 क्विकली क्या आंसर होगा इसका बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सॉलिट्यूड एंड फ्रीडम सॉलिट्यूड मतलब एकाकीपन अकेला और फ्रीडम मतलब आजादी वो ऐसी वो चाहती है लाइफ पर अकेली हो और आजाद हो आपने जो भी तीनों थॉट ब्रैकेट इसके देखे स्टैंडर्ड टू फोर एंड सिक्स उन तीनों में आपने कि ये अकेला बोल रही है बात पे कि मैं अकेला रहना चाहती हूं और आजाद महसूस करना चाहती हूं ठीक है नेक्स्ट इज अ डैश जर्मन फेरीटेल रेपंजल कौन है जर्मन फेरीटेल में एक स्कूल गर्ल है गोल्डन हेयर्ड गर्ल है विकेट विच है 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 या ब्यूटीफुल क्वीन है? कौन है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से कमान 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 कमेंट्स में चैट सेक्शन में मुझे चाहिए आपका आंसर जल्दी से जल्दी से बताओ भाई बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो आंसर इसका

वट इज शी वर्ड अबाउट जल्दी बताइए क्या लिखा है उस ऑप्शन में क्योंकि पता नहीं चल पा रहा अभी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हर ओन इमेज अपनी खुद की इमेज नेक्स्ट वट डज शी वॉन्ट टू डू एज एन ऑफन ये जो बच्ची है वो एक ऑर्फन बन के क्या करना चाहती है वॉक फीलिंग द स्ट्रीट प्लेन डस्ट विद बेयर फीट ऑल ऑफ द एंड नन ऑफ द बाउ क्या करना चाहती है वो ये बताना है आपको द स्ट्रीट्स प्लेन डस्ट विद बेयर फीट ऑल ऑफ द बाउ एंड नन द बाव क्या करना चाहती है वो बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर है सी बिल्कुल वॉक क्लीन द स्ट्रीट बी और प्लेन द डस्ट बेर फीट दोनों ऑप्शन होगा मतलब होता है डाउन या बेंट बैकवर्ड्स क्या मतलब होता है स्लाउचिंग मतलब का जल्दी बताओ फटावट से फटावट से कमान 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 कमान, 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 कमान क्विकली स्लाउचिंग का क्या मतलब होता है बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो अपन को वट इज वर्ड स्लाइचिंग स्लाउचिंग मीन इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ये आपको बताना है क्या है इसका मीनिंग बताइए जल्दी से बताइए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिड एन लेजी वे एक इस तरीके से बैठना बिल्कुल जैसे लेजी हो या आप बिल्कुल थक गए हो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट पोइट्रिक डिवाइसेस देखिए इसके अंदर कौन कौन से हैं आइडेंटिफाई करिएगा आपसे पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं और बताइए आप लोग क्या होगा इसमें तो मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं व्हाइट में स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट स्टॉप सल्किंग कौन सा पोइटिक डिवाइस नजर आता है इन सारे वर्ड्स के अंदर पोइटिक डिवाइस बताइए पोइटिक डिवाइस जल्दी से बताओ इसके अंदर फटावट से बच्चा कम ऑन पोलटिक डिवाइस फटावट से बताओ बड़ा बताओ बड़ा बड़ा कमान 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 बिल्कुल सही बहुत बढ़िया स की आवाज रिपीट हो रही है एस साउंड रिपीट हो रहा है यहां पर भी एस साउंड रिपीट हो रहा है यानी कि यह है एलिट्रेशन ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का बहुत बढ़िया नेक्स्ट बढ़िया नेक्स्ट बताइए जी यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हो रहा है बिल्कुल सिंपल है तो इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कोई होगा क्वेश्चन इससे आसान तो नहीं दे सकता हूं मैं आपको सवाल जल्दी से बताओ इससे क्या इजी क्वेश्चन दूं भाई जल्दी से बताओ जल्दी से कमान 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 क्विकली, ओके 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 फटाफट से बताओ फटाफट से हाँ, यहां पर बच्चे देखो एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है अमेंडा इस पोम में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस बार ही रिपीट किया गया है यह बताने के लिए कि कितने ज्यादा इंस्ट्रक्शन उसकी मॉम इस बच्ची को देती थी इस बात पे एम्फोसिस देने के लिए यहां पर यूज हुआ है बच्चे रिपीटिशन रिपीटिशन यूज हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए जी अब यहां बताइए यहां पर बताइए इजी है ये भी बहुत डोंट पाइट यूर नील्स डोंट हांच यूर शोल्डर्स डिड यू फ्रेश योर होम वर्क डिड यू टाइड योर रूम यहां पर कौन सा पॉइटिक डिवाइस यूज हुआ है जी बताइए जल्दी बताइए बच्चा पार्टी यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है ओके

बहुत बढ़िया नेक्स्ट यहां पर बताइए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई यह वाला जो पोइटिक डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हो रहा है यहां कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से कमान 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 क्विकली अच्छा ठीक है नौ ग्यारह बारह जो भी कई बार आया ना अमेंडा थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी बताइए बताइए फटाफट से बताइए जल्दी 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 इमेजरी इमेजरी भी है चलो हां वो तो अरे वो तो हर पॉम में होती है क्या तुमने नहीं बात बता रहे हो इमेजरी के लिए कभी नहीं पूछता मैं ऐसे तुमसे हाँ, एक बच्चे ने सही जवाब दिया जिसका नाम है ऋषि प्रसाद मैं आपको इस समझा भी देना चाहता हूं पहले एक पोइट्रिक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एल्यूजन अब एल्यूजन क्या होता है जब कभी भी पोम में पोएट एक पॉपुलर वेल नोन या तो इंसान को या जगह को या कॉन्सेप्ट को या आइडिया को रेफर करता है मेंशन करता है बस जो कि किसी पॉपुलर स्क्रिप्चर से हो हिस्ट्री में हो कहीं भी हो उसका रेफरेंस। मतलब ये जो जिस इंसान का वो रेफरेंस देता है पोम के अंदर जिस इंसान को मेंशन करता है पोम के अंदर वो बड़ा मशहूर होता है इंसान हो जगह हो आइडिया हो कुछ भी हो सकता है वो लेकिन वो बड़ा मशहूर होता है पहले ही तो इस लिटरेरी डिवाइस को आप एल्यूजन बोलते हैं जैसे यहां पर उसने रेफर किया है एक मरमेड को मरमेड कौन है मरमेड असली में एग्जिस्ट नहीं करती है नोवन ऑफ इट एग्जिस्ट रियली लेकिन अपर बॉडी लड़की से रिजेंबल करती है और ऐसे रपंजल है रपंजल भी एक पॉपुलर जर्मन टेर जर्मन फेरी टेल में एक आ, प्रिंसेस है तो इन दोनों कैरेक्टर्स को पोएट ने यहां मेंशन करा है जो कि मशहूर है इससे अलग है टेक्स से अलग जो उसने पोएम है उससे अलग है वो कहीं पहले से मशहूर है उनको रेफर किया गया है इसलिए यहां पर एल्यूजन यूज किया गया एल्यूजन याद रखिएगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस और भी जगह यूज होगा ये ठीक है तो ये एल्यूजन का एग्जाम्पल देखो यहां पे दिया भी हुआ है एल्यूजन मीन्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और सजेशन इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पासिंग बट सिग्निफिकेंट रेफरेंस इज मेड टू अ वेल नोन प्लेस पर्सन थिंग और आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कल्चरल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एक ऐसे मशहूर इंसान को आइडिया को जगह को रेफर किया जाता है समझ में आ गया होगा आई होप ये ये क्या होता है ये तो बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को बिल्कुल एल्यूजन ओके नेक्स्ट देखिए अब ये वाला बताइए जो जो इस बार हाईलाइटेड है इसमें ये वाले बताइए जल्दी से सी सोलेंजल आई एम एन ऑर्फन यहां पर क्या यूज हुआ है ध्यान से देखिए ओनोमोटोपिया कोई पूछता तो ओनोमोटोपिया का भी एग्जाम्पल आएगा ओनोमोटोपिया क्या होता है साउंड वर्ड होते हैं ऐसे वर्ड जो वही साउंड दें जैसा उनसे ओरिजिनल प्रोड्यूस हो जैसे मैं बेल बजाते हुए कौन सी आवाज आती है डिंगडोंग तो डिंगडोंग जो है वो ओनोमोटोपिया वर्ड है क्यों क्योंकि डिंगडोंग की ही आवाज आती है बेल बजाते हुए ऐसी कैट मियाऊ ये जो वर्ड है मिया डिंग डोंग ये अलार्म बेल जो प्रोड्यूस करती है है ना ये सारे ऑनोमेटिपिक वर्ड्स हैं बट एनीवे anyway, यहां बताओ एमरल्ड सी इज मी अ आई आई एम एम एन एमरसी बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया करेक्ट आंसर इज मेटाफर मेटाफर याद करिए क्या बताया था जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और दो एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दिया जाए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था मेटाफर एम या ही रंस लाइक अ चीता चीते की तरह दौड़ता है तो लाइक यूज सिमिली है लेकिन अगर <coughs> सॉरी लेकिन अगर ही इज अ चीता ही बोल दिया जाए चीता ऑफ आर क्लास ऐसा बोल दें उसको चीता ही बोल दें एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दें तो मेटाफर होता है अब यहां पर देखो दे इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी एमरल्ड सी बोला है वे दोलिडेंट इज मी अपने आपको सोल एबेंट बोला है अर्मेड मैं एक मरमेड हूं कौन है मरमेड मी अपने आपको एक मरमेड ही बोल दिया है मेटफर हो गया ऐसे ही आई एम रेपेंजल अपने आपको रेपेंजल बोला है अपने आपको रपल ही बोल दिया है अगेन मेटफर हो गया अब यहां पर आई एम एन ऑर्फन अपने आपको एक ऑर्फन बोल दिया है।, है नहीं लेकिन बोल दिया है अगेन मेटफर हो गया क्लियर होना चाहिए यहां पर बिल्कुल आप लोगों को कि क्यों है ये एग्जाम्पल्स मेटाफर का ठीक है ओ, मेरी आवाज चली गई क्योंकि थोड़ी देर से लेक्चर चल रहा है मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लूंगा इसके बाद बट नन दिल एनवे आपको बताना है बटावट से क्वेश्चन का आंसर लिटरेरी डिवाइस बताइए इसमें डोंट बाइट बाइटो नेल्स समा डोंट हंच हांचियो शोल्डर समेंडा यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? जल्दी से बताओ अभी हमने की, कवर किया फटाफट अच्छा इमेजरी तो हर जगह होता है तो पता ही है ना आप लोगों को इमेजरी तो हर जगह होता ही है जितनी भी पोम्स सब में इमेजरी होगा ही एंजॉयमेंट और इमेजरी तो ऐसे हैं एंजॉयमेंट इमेजरी और सिंबोलिज्म जो कि हर जगह होते हैं लगभग हाँ फटाफट से बताओ कौन सा है बच्चे डोंट डोंट रिपीट हो रहा है दो बारी रिपीट हुआ है लाइन की स्टार्टिंग में तो कौन सा है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एन बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया नाइस अगला बताओ आप पीवाई क्यूज है कुछ इस क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है क्वेश्चन भाई पिछले साल ही आया कि अमेंडा एक मरमेड क्यों बनना चाहती है बताओ 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 जल्दी से वाई शी विश टू बी अ मरमेड क्यू वाई शी विश टू बी अरमेड क्यों 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ कमान कमान कमन फोक्स फटाफट से वी नीड योर इनपुट्स क्विकली टाइम नहीं लगाना है ओके सो अमेंडा इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर शी इज वेरी इरिटेटेड एंड बिकॉज़ ऑफ़ हर कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन इन अ कमांडिंग टोन देअ फॉर शी बी अ मरमेड इन अ ग्रीन सी वेर शी कैन एंजॉय हर फ्रीडम एंड शी कैन फ्लोट अबाउट इन द ओशियन जॉयफुली इन शॉर्ट क्यों इमेजिन करती है खुद को एक मरमेड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड अलोन वो अकेला रहना चाहती है और आजाद रहना चाहती है इसलिए वो परेशान हो गई अपनी मम्मी की कॉन्स्टेंट नेगिंग से ये भी एक आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें पॉइंट जरूरी नेक्स्ट

शर्मा की बात सुन लो जिया तुम वरना बेचारा यही चैट में जान दे देगा अपनी वो प्लीज बचा लो उसको शिवम गुप्ता दिल भेज रहा है जिसमें प्लस के साइन बने हुए हैं अबे हॉस्पिटल के लिए भेज रहा है या किसी लड़की के लिए भेज रहा है भाई समझ नहीं आ रहा है क्या तुम टाइम खराब कर रहे हो यहां पे भी पूरा साल तो खराब कर दिया अब दिसंबर एंड चल रहा है अब एक महीने बाद बोर्ड एग्जाम है बोर्ड में भी ऐसी दिल बना के आना प्लस वाले टीचर भी ऐसी दिल बना के देगा जीरो भर के है ना मजा आएगा तुमको एनी anyway, वे हाँ तो क्या बताता है आपको ये आपको बताता है जी कि अमेंडा और उसकी रिलेशन मम्मी का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा स्ट्रेन्ड है स्ट्रेंड मतलब तनावपूर्ण थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ उसमें भाई दे हैव अ स्ट्रेन रिलेशनशिप ये इंडिकेट करता है क्यों क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन देती रहती है कुछ कुछ करने के लिए इन अ कमांडिंग टोन इरिटेट भी होती रहती है उससे ऑन द अदर हैंड अमेंडा को जितने भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो सुनती भी नहीं है उसको एक जगह बोला ना उसकी मम्मी ने प्लीज लुक एट मी वेना स्पीक विद यू अमेंडा यानी कि जब उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है तो वो देखती तक नहीं है उनकी तरफ सुनने की बात तो दूर है Which shows कि इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंड है तनावपूर्ण है ना मम्मी मम्मी मानती है कि वो लगातार पॉइंट जी हाँ नेम ऑफ द पॉइंट याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है why does Amanda seem moody most of the time? Amanda जो है वो थोड़ी मूडी क्यों लगती है पूरे टाइम पूरा समय Why? बड़ा इंटरेस्टिंग सा अजीब सा क्वेश्चन है Why? सब क्वेश्चन का घूम फिर के आंसर एक ही बनना है क्या कि अमेंडा की मम्मी की जो कांस्टेंट नैगिंग है उसकी वजह से बहुत अमेंडाटेटेड और है इसी वजह से वो बहुत मूडी हो गई है वो अपने आप को इमेजिन करती रहती है एक दूसरी जगह पर अलोन और फ्रीडम होप करती है शी योर लोन शी टू बी अलोन एंड फ्रीडम ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग्स और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा लिस्ट द थिंग्स अबाउट विच अमेंडाज मदर नागर कौन कौन सी चीजों को लेके अमेंडा की मदर उसको नाग करती हैं पहले पैराग्राफ से लेके आखिरी तक लिस्ट जो जो दिया है उन्होंने ना डोंट डू दिस डोंट डू दिस ऐसे करो ऐसे करो वो सारी चीजें लिख देनी है इसमें क्या क्या चीजें हैं फटाफट से मेंशन करो कमेंट्स में जल्दी से मेंशन करो जल्दी बताओ भाई मुझे फटाफट से खत्म करना है वाला फिर अगली पे चलना है ना जल्दी बताओ जल्दी फटावट से ओके शी सबसे पहले तो बोलती है कि डोंट बाइट योर नेल्स उसको नेल्स बाइट करने से रोकती है फिर उसको उसका शोल्डर्स को हंच करने से रोकती है फिर उसको लेजिली स्लाउचिंग वे में बैठने से रोकती है फिर उसको बोलती है कि तुमने अपने शूज क्लीन नहीं किए अपना रूम क्लीन करो ऐसा बोलती है और और, 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 और बताओ ना जल्दी हाँ, चॉकलेट खाने से मना करती है क्योंकि उसको एक्ने हैं और, और और, और, दो एक दो चीजें छोड़ दी है अभी होमवर्क करने के लिए बोलती है उसको डू ये होमवर्क ये भी इंस्ट्रक्शन सही है सात हो गई और कुछ और कुछ और कुछ आगरा ये कौन है भाई थैंक यू प्रियांशु बट आंसर दो ना क्लीन योर रूम ठीक है बोल चुके हैं फाइन और कुछ तो नहीं है ना हाँ टाइडी करने के लिए बोलती है अपना रूम होमवर्क करने के लिए बोलती है और उसको सल्क करने के लिए मना करती है स्टॉप दैट सल्किंग बोलते हैं ना यो सो मूडी स्टॉप दैट सल्किंग उसको लगातार सड़ा सा मुंह बनाने के या, या जैसे वो परेशान सी बैठी रहती है इरिटेटेड सा बैठी रहती है उसको वैसे रहने से मना करती हैं ठीक है

इन द वर्ल्ड सॉरी अमेंडा इज अलोन बट नॉट लोनली इन द वर्ल्ड शी इन विज गिव इंस्टेंसिस फ्रॉम दोम टू जस्टिफाई आप पूछा है कि अमेंडा जिस दुनिया को इमेजिन करती है उसमें वो अलोन तो है पर लोनली नहीं है दोनों वर्ड्स के बीच में इन शॉर्ट आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है दोनों वर्ड्स के बीच में आपसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है

बताओ 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 फटाफट से कल इंग्लिश का प्री बोर्ड है बधाई हो आपको सही मौके पे मिल गया है सेशन और क्या चाहिए जिंदगी में सही मौके पे पेपर से पहले अगर एक सेशन मिल जाए जिसमें पूरा समरी करा दिया जाए सारे लेसन का बहुत बढ़िया शी वॉन्ट्स टू विल अव बट नॉट लोनली अच्छा देखो अलोन क्या होता है अलोन रेफर्स टू फिजिकलिटी आप अगर किसी जगह अकेले हैं फिजिकली ये होता है अलोन लेकिन लोनली होता है स्टेट ऑफ माइंड अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी हैं तो भी आप लोनली महसूस करते हैं लोनली इज इमोशनल स्टेट वेर अलोन इज अ फिजिकल स्टेट अलोन मतलब कहीं अकेला होना लोनली मतलब अकेला महसूस करना अब लोनली आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो सकते हो और अकेले भी हो सकते हो कोई अलोन होके भी हो सकता है लोनली महसूस ना करे मतलब कि एमेंडा जिस भी दुनिया में अपने आप को इमेजिन कर रही थी वो वहां अकेली थी ना इसलिए अलोन बोलेंगे वो हर जगह उसने अपने आप को अकेला इमेजिन करा इसलिए शी वॉज अलोन देयर लेकिन वो हर जगह एंजॉय कर रही थी शी वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग इमोशनली सैड या डिप्रेस्ड देयरफॉर फोर शी वॉज नॉट लोनली ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात है अलोन और लोनली में डिफरेंस एक तरह से आपसे पूछा है। अलोन इज फिजिकल स्टेट है फिजिकल स्टेट यू आर द ओनली वन समेयर कहीं आप इकलौते होंगे मतलब जैसे आप कहीं अकेले हों तो आप बोलेंगे उसको कि मैं अलोन हूं लेकिन लोनली क्या है एन इमोशनल स्टेट है एक ऐसा स्टेट एन इमोशनल स्टेट वेन ड एंड डिप्रेस्ड ठीक है क्लियर है ये बात आप लोगों को अलोन और लोनली का डिफरेंस समझ में आ गया प्लीज एक बार बता दो अगर आ गया है तो जल्दी से बताओ फटावट से जल्दी 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 come on कमन 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 on हाँ अपनी दुनिया में वो अकेली होती थी लेकिन पूरी फ्रीडम एंजॉय करती थी इसलिए अलोन है लोनली नहीं है क्योंकि अकेला महसूस नहीं करती थी वहां पर सैड महसूस नहीं करती थी डिप्रेस्ड महसूस नहीं करती थी ये इसका आंसर हो गया फाइन क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अब ये इसके साथ हम पहुंच गए हैं बच्चे इस वाले लेक्चर के ब्रेक की तरफ तो मैं आप लोगों को एक ब्रेक दे देना चाहता हूं और ब्रेक के बाद दोबारा रीग्रुप करते हैं पंद्रह मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे भी थोड़ा सा जरूरत है ब्रेक की बिकॉज इट्स बीन अबाउट फोर आवर्स चार घंटे लगभग हो चुके हैं है ना तो मैं आपको एक ब्रेक दे देता हूं ब्रेक ले लीजिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिएगा क्योंकि अगली जो पोम्स है वो हम करेंगे इसके बाद एक 15 मिनट्स का ब्रेक मैं आपको दे रहा हूं आपका ब्रेक शुरू होता है अब 20 मिनट का ब्रेक ले लो कुछ डिनर भी कर लेना और फ्रेश होके भी आ जाओ फटाफट से और आ जाओ जल्दी से वापस ठीक है ना इसके बाद हम फटाफट से खत्म कर देंगे ज्यादा टाइम लूंगा ही नहीं मैं इस वजह से बहुत लंबा ब्रेक नहीं दे रहा हूं पंद्रह मिनट काफी होते हैं बीस मिनट चाहिए तुमको हाँ ठीक है चलो ठीक है आ जाओ मिलते हैं बाय हेलो हाय 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 गुड इवनिंग फिर से स्वागत है फिर से आप लोगों का क्या आप लोगों ने ब्रेक ले लिया है आई बिलीव ले लिया है चलिए शुरू करते हैं फिर बिना फटाफट से एक बार जुड़ जाइए मैं इनिशियली छोटा सा गेम कर लेता हूं इसीलिए ताकि आप लोग वापस आ जाए फटाफट से तो शुरू करते हैं फटाफट से फिर से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कम हो गए तो एक बार जल्दी से वापस आप लोग फटाफट से आप लोग और शुरू करते हैं देखिए हम फिर उसके बाद ओके फिल इन ब्लैंक विद फिलटिव आपको इन चारों में से एक सूटेबल ऑल्टरनेटिव भरना है इस ब्रांड पे कावर्ड्स डाई मेनी टाइम डेथ कावर्ड्स अपने डेथ से पहले बहुत बारी मरते हैं ऐसा कुछ सेंस है ओके okay, तो क्या आएगा यहां पर जल्दी से बताओ एक बारी फटाफट से इट लुक्स लाइक द पोल इज नॉट वर्किंग फॉर सम रीजन पोल कुछ काम नहीं कर रहा है क्या ओके okay, फाइन तो आपको बताना जल्दी से क्या आएगा ऑप्शंस ऑप्शन में से चारों में से जल्दी से बताओ वर्ड टाइम मेनी टाइम्स डैश दावर्ड अपनी डेथ से पहले कई दफा मरते हैं कुछ ऐसे आफ्टर बिफोर अबाउट फोर क्या आना चाहिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वट डूल जल्दी से बताओ बढ़ावट से पोल इज नॉट वर्किंग ओके करेक्ट आंसर होगा बच्चे बिफोर बुजदिल लोग जो होते हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती है वह अपनी मौत से पहले भी कई दफा मरते हैं यह सेंस है कुछ सेंटेंस का क्योंकि यहां बिफोर पहले की बात हो रही है डेथ से इसलिए यहां पर बिफोर आना चाहिए नेक्स्ट देखिए सुडल सुटविल द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स जो डेजर्टेड मतलब खाली अकेला वो उस इन्फेस्ट हो गया था वीड्स के साथ वीड्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो कि खरपतवार हिंदी में बोलते हैं बेसिकली उसको विद फॉर इंट्रो या ऑन द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स क्या होगा जल्दी से बताओ ठीक है सो डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीट क्या होगा जल्दी से आंसर बचे आप जो भी ऑप्शन लिख रहे हो ना उसको आंसर जो भी दे रहे हो मतलब उसको ऐसे दो जैसे बी विद इस तरीके से लिखो खाली ऑप्शन लिखो मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका दे रहे हो या पिछले वाले का आंसर दे रहे हो जल्दी से बताओ करेक्ट है ऑप्शन ए बिल्कुल सही बहुत बढ़िया इन्फेस्टेड विद होगा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही परफेक्ट अगला देखिए वी हैव अ फाइट इन आर हैंड्स चेंज इज स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन वी हैव अ फाइट इन हैंड्स चेंज स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को आपको सवाल में बदलना है क्या ऑप्शन होगा करेक्ट इनमें से वी हैव ऑन आर हैंड्स अ फाइट डू वी फाइट विद आर हैंड्स डू आर हैंड्स फाइट डू वी हैव अ फाइट ऑन आर हैंड्स क्या अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा ये जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन चारों में से फटाफट से बताइए

पोल किसी कारण से एक्टिव नहीं हो रहा है मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ होगा और हम पोल एक्टिव कर लेते हैं दोबारा से एक बारी ओके सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन क्या मेरी आवाज आ रही है एक बारी आवाज कंफर्म कर दो मेरी आवाज आ रही है तो फटाफट से ठीक है चलिए शुरू करते हैं फिर अब जल्दी से पोल हमने दोबारा एक्टिवेट करा लिया बीच में जो क्वेश्चन आएंगे वो पोल से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आईडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैप ये एक एक्सप्रेशन है गिफ्ट ऑफ द गैब इसका क्या मीनिंग होता है ये आपसे पूछा गया बताइए आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैब इसका क्या मतलब होता है जल्दी से बताओ ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब होता है जल्दी बताओ फटाफट से मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैब

टैलेंट टू स्पीक वेल किसी इंसान के अंदर अगर बहुत टैलेंट हो अच्छा बोलने का उसको आप बोलते हैं कि दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आप स्टार्ट करते हैं चलिए फटावट से कुछ ही लोगों ने दिया इसका सही जवाब एनी वे अरे एक कहां से आ गया ठीक है द ट्रीज नेक्स्ट पोएम बच्चे द ट्रीज ये जो पोएम है ये लिखिए एड्रियान रिच ने और एड्रियान रिच जो है वो एक फेमनिस्ट है

और ट्रीज जो है अब परेशान हो चुके हैं कंफाइन होकर अपने हमारे घरों की दिमाग में ह्यूमन घरों की दीवारों में कन्फाइन होकर ट्रीज परेशान हो चुके हैं और वो चाहते हैं वापस फॉरेस्ट में जाना ये जो ट्रीज हैं यहां पर सिंबॉलिक सिर्फ नेचर के नहीं है ट्रीज यहां सिंबॉलिक है हमारे घर में जो औरतें हैं लेडीज हैं उनकी भी बहुत टाइम से लेडीज जो है हमारे घर की फीमेल जो है वर्ल्ड ओवर वो कंफाइंड है घर के स्पेसिस में उनके ऊपर जो है उनसे आजादी उनको पानी है उनको आजाद होना है और बाहर दुनिया में जाना है अपनी आजादी के लिए अपनी फ्रीडम महसूस करने के लिए ये इस पोम का थीम है चलिए इस पोम को डिटेल में एक बार देखते हैं ठीक है पोम इन डिटेल The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. एक बार देखते हैं इसका क्या मतलब है तो बोला है कि जो ट्रीज inside थे आप देखते हैं जो पोमे एक अजीब से पिक्चर के साथ ओपन होती है अजीब से इमेज आपको दिखाती है क्या इमेज कि जो ट्रीज घर के अंदर थे अब वो मूव आउट कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर वो धीरे धीरे फॉरेस्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं घरों के अंदर वाले ट्रीज जैसे कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं ना घरों के अंदर ऐसे द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज अभी तक वो फॉरेस्ट जो कि बिल्कुल खाली था उस फॉरेस्ट के अंदर ट्री जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट खाली था इसलिए ना तो वहां पर कोई बर्ड उन फॉर क्योंकि ट्रीज ही नहीं थे वहां पर तो ना तो किसी बर्ड को बैठने की वहां जगह मिलती थी ना ही कोई इंसेक्ट वहां पर छुप सकता था इन फॉरेस्ट में ट्रीज में जाकर नो सन बैरी फीट इन शेडो और ना ही सन अपनी फीट उसकी फीट है उसकी रेज सन की जो रेज है वो भी इस पेड़ की शाड़ो के अंदर छुप नहीं सकती थी नो सन कुड बेरी बेरी मतलब होता है छुपना या दब जाना अंदर गड़ जाना तो सन की जो रेज है वो भी फॉरेस्ट या ट्रीज की शेड में गायब नहीं हो सकती थी छिप नहीं सकती थी ये यहां इसका मतलब है सिंपली फॉरेस्ट दैट वॉज empty ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग और आखिरी की दो लाइन बोलती हैं पोइंट बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट अभी तक बिल्कुल खाली था जिसमें ट्रीज नहीं था क्योंकि ट्रीज ने अब जाना शुरू कर दिया फॉरेस्ट में घर से वो सुबह तक भर जाएगा फॉरेस्ट इन ट्रीज से ट्रीज की मूवमेंट की वजह से आगे देखते हैं ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेज दमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेर फ्लोर द लीवस स्ट्रेन इतना ही समझ लेते हैं पहले चलो पूरी रात जो रूट्स है अब क्योंकि ट्रीज मूवमेंट कर रहे हैं घर से फॉरेस्ट में तो ट्रीज क्योंकि आप उसके अंदर घर के बरामदे के अंदर बिल्कुल रूट्स जमा के हैं वहां पर तो ट्रीज जो है इसकी जो रूट्स है वो डिसंगेज करती हैं मेहनत करती हैं पूरे दिन इसका रूट जो है काम करती रहती है और डिसंगेज करती है डिसंगेज मतलब अपने आप को हटाती है कहां से वो क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर जो वरांडा फ्लोर के अंदर क्रैक्स पड़ गए ना रूट्स आप देखेंगे अगर किसी पुराने घर में आपने रूट्स देखी हो तो वहां क्रैक्स पड़ जाते हैं बरामदे में वरांडा मतलब बरामदा ओपन खाली जो जगह होती है घर में गांव में अगर आपने देखी हो तो तो उस क्रैक से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही हैं रूट्स इसकी द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास स्ट्रेन मतलब होता है मेक एफर्ट्स जो लीव्स हैं वो एफर्ट लगा रही हैं और मूव कर रही हैं ग्लास की तरफ स्मॉल ट्विक्स स्मॉल ट्विक्स ट्विक्स क्या होता है स्मॉल लीव्स छोटी छोटी लीव जो है सॉरी स्मॉल लीव्स नहीं स्मॉल ब्रांचेस छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो स्टिफ हो गई हैं स्टिफ मतलब बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं हिल नहीं पा रही वो विद एक्सर्शन एक्सर्शन मतलब प्रेशर लॉन्ग क्रैम्प्ड बवस बवस क्या होती हैं लॉन्ग ब्रांचेस बवस इज सिंपली लॉन्ग ब्रांचेस लॉन्ग ब्रांचेस बड़ी बड़ी, बड़ी ब्रांचेस जो हैं शफलिंग अंडर द रूफ शफलिंग मतलब होता है मूव करना या ड्रैग करना लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज हाफ डेज मतलब हाफ स्लीपी नींद सी में जैसे हो कोई या बेहोशी में हो मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स एक बार पूरी पोम का पूरी stanza का अब मतलब समझते हैं ऑल द work to वर्क टू from फ्रॉम द क्रैक्स इन veranda फ्लोर पूरी रात जो जो roots हैं ट्री की ये एफर्ट लगाते रहती हैं काम करती रहती हैं ताकि अपने आप को veranda जो फ्लोर है उससे निकाल पाए क्योंकि ट्री को जाना है ना जंगल में इसलिए the स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास स्मॉल exertion. लॉन्ग cramped बर्व shuffling अंडर द रूफ लाइक न्यूली discharged पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स पहले पहली इन दो लाइन्स का मतलब समझते हैं तो जो लीव्स हैं इस पेड़ की जो बाहर मूव करने की कोशिश करा जो कि काफी समय से घर में था वो स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास वो प्रेशर लगाती हैं, एफर्ट लगाती हैं ग्लास की तरफ जो खिड़कियां हैं घर की उसकी तरफ स्मॉल ट्विक स्टिफ एक्सर्सन छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं इस पेड़ की वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी हैं स्टिफ हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेशर लगा दिया है बाहर निकलने के लिए लॉन्ग क्रांप्ड बवस शफलिंग अंडर द रूव्स और जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं ब्व जिनको बोला गया है वो काफी समय से कंफाइंड है क्रम्पड मतलब कन्फाइंड एक ऐसी जगह जहां पर आपको क्रम्पड मतलब आपके पास स्पेस ना हो जब ज्यादा तो इसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जो कि खुले जंगल में जिनको रहने की आदत है वो क्योंकि घर में तो क्रैम्प हो गए हैं स्पेस के लिए काफी समय से क्रैंपड है और लॉन्ग क्रम्पड का सिंपली मतलब हो सकता है काफी लंबे समय से कंफाइंड बंदे होना एक जगह रिस्ट्रिक्टेड वो जो लंबी ब्रांचेस हैं जो काफी समय से उस छोटे से घर में जिनको जंगल में रहने के आते हैं काफी समय से छोटे घर में रिस्ट्रिक्टेड महसूस करती हैं वो सफल कर रही हैं द रूफ रूफ के अंदर वो ड्रैग कर रही हैं बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं सफल मतलब अपनी जगह चेंज कर रही है लाइक like कैसे ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस है जो काफी समय से इस घर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है वो अपनी जगह बदल रही है कैसे जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स जो कि आधे नींद में होते हैं वो मूव करते हैं क्लिन डोर से बाहर तो ये पेड़ या जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं ये घर के अंदर काफी समय से रिस्ट्रिक्टेड है और ऐसी ही खुश, मतलब ये इनकी जो बाहर निकलने की मूवमेंट है उसको कंपेयर किया गया है जो नए नए पेशेंट होते हैं ना हॉस्पिटल में से जो, जो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं ऐसे पेशेंट जो कि बिस्क अभी अभी डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से और वो बाहर गेट की तरफ जाते हैं बड़ी खुशी से ना लेकिन उनकी सिचुएशन क्या होती है कि वो दो दिन से तीन दिन से अगर कोई हॉस्पिटल में तो उस पर दवाइयाल चढ़ रही हैं लगातार आधा अधूरा नींद से में है वो तो वो बड़ा ऐसा महसूस करते हैं जैसे हाफ डेज आधा अधूरा जागा सोता सा समझ गए होंगे अगर आपकी फैमिली में कभी भी कोई डिस्चार्ज हॉस्पिटल में रहा है और वो डिस्चार्ज हुआ उसके बाद तो एक तो बड़ा खुश होता है निकलते हुए हॉस्पिटल से और दूसरा वो थोड़ा सा आधा दूरी सी नींद सी में होता है दवाइयों के नशे से में होता है तो इसलिए ये जो हाफ लॉन्ग क्रांप्ड ब्रांचेस है ना ब्रांचेस जिन्होंने बड़ा एफर्ट लगाया घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से क्लियर है क्या ये अगर ये क्लियर है तो जल्दी बताओ क्योंकि आगे बढ़ना है फिर उसके बाद फटाफट से बताओ अगर लाइंस क्लियर है तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया है इनको क्यों कंपेयर किया है इसलिए कंपेयर किया है कि जिस तरीके से ये जो ट्रीज और ब्रांचेस हैं ये एफर्ट लगा रही हैं और फाइनली इनको खुशी होगी वहां से बाहर निकलने में उसी तरीके से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स को भी खुशी होती है बाहर निकलने में हालांकि जिस तरीके से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स दवाइयों के असर में होते हैं हाफ डेस्ड होते हैं उसी तरीके से ये लॉन्ग क्रैम्प्ड बब्स लंबी बड़ी बड़ी लीव्स और ब्रांचेस जो है ये भी प्रेशर और काफी समय से उस जगह पे बंधी हुई है इसलिए ये भी आधे नशे से में है ऐसा कुछ सेंस है ठीक है ओके आई सेट इन साइड पोएट बोलता आई डोर्स ओपन टू द है राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर स्कॉर्सली मतलब बेरली मैं डिपार्चर मतलब लीविंग डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस अब पोर्ट बोलती है कि मैं अंदर बैठी हूं और मेरा जो रूम का गेट है वो दरवाजा वरांडा की तरफ ख, खुला हुआ है और मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं लेकिन उसमें मैं मेंशन नहीं करती इस फॉरेस्ट के बारे में एक छोटी सी बात और ये जो लॉन्ग यहां पर लीव्स और प्लांट्स की बात हो रही है ना जो कि बड़ा एफर्ट लगा रहे हैं घर से बाहर निकलने का ये असल में फिगरेटिव है इसका सिंबोलिज्म है एक सिंबॉलिक है ये किसका हमारे घर में जो लेडीज हैं हैं फीमेल्स उनके लिए फीमेल जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रही है घरों से और बड़ा एफर्ट लगा रही है इतना एफर्ट लगा रही है कि पूरी जीजान लगाती हैं थक जाती हैं उसमें एग्जॉस्ट हो चुकी हैं अब लंबे समय से बंधी हुई हैं लेकिन अब वो घर से बाहर निकल रही हैं ऐसे ही जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स घर से हॉस्पिटल से निकलते हैं डिस्चार्ज होते हुए ऐसा ये सिंबॉलिक मतलब अब यहां पर देखिए आई सिट इनसाइड डोरसो पन टू वरांडा लाइन राइटिंग लॉन्ग लेटर्स तो राइटर जो है या पोएट जो है वो अपने रूम में बैठी है जिसका डोर बरामदे की तरफ खुलता है और लंबे-लंबे लेटर्स -लंबे लिख रही है जिसमें वो मेंशन नहीं करती इन लीव्स का सॉरी इन फॉरेस्ट ये जो ट्रीज उसके घर से निकल के फॉरेस्ट जा रहे हैं उनके बारे में कोई मेंशन नहीं करती अपने लेटर्स में ये सिर्फ एक इंडिकेटिव बात है यहां पर भी सिंबोलिज्म यूज किया है पोएट ने सिंबोलिज्म है कि ये जो आ, लड़ाई है फीमेल्स की आजादी के लिए इसको बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं इसको बहुत कम लोग नोटिस करते हैं ये कहीं नहीं आती जैसे पोएट ने इग्नोर कर दिया इस बात को ट्रीज का घर से जंगल जाने की बात को अपने लेटर्स में मेंशन नहीं किया इसी तरीके से लेडीज की जो लड़ाई आजादी के लिए उसको बहुत कम लोग एग्नोलेज करते हैं मेंशन ही नहीं करते उसको नेक्स्ट है द नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन इनका स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव एंड स्टिल लाइक अ वॉइस द रूम्स अब क्या होता है तो अब बोलती है पोएट कि नाइट अभी भी फ्रेश है मतलब अभी भी रात हुई है पूरा मून शाइन कर रहा है फुल मून शाइन कर रहा है रात में स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन लिचन होता है बच्चे काई है ना कुछ कुछ ऐसा आपने देखा भी होगा ये जो लीव ट्रीज के ऊपर लीव्स और लिचन की स्मेल है वो आ रही है अभी भी स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स वो आप मेरे रूम्स के अंदर से ऐसे मुझ तक आई जैसे कि आवाज आती है तो यहां पर जो स्मेल है लीव्स की और लिचन की काई की उसको राइटर ने कंपेयर कर दिया है वॉइस से जैसे आपको कहीं से आवाज आती है तो आप नोटिस करते हैं ना उसको ऐसी स्मेल आई तो पोएट ने नोटिस करा इसलिए बोला कि जो स्मेल है ना ट्रीज की ये मैंने ऐसे नोटिस करी जैसे किसी की आवाज सिमिली है यहां पे कंपेयर किया है उसको माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विस्पर्स मतलब फुसफुसा के बात करना माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमॉरो विल बी साइलेंट मतलब जो आवाजें घर में आ रही हैं इस पेड़ की मूवमेंट की वजह से डालियों की और बाकी सब चीजों की मूवमेंट रूट्स की पेड़ की ब्रांचेस की इन सब की मूवमेंट की वैसे जो आवाज आ रही है उसको विस्पर्स बोला है पॉइंट ने और बोला ये कल तक शांत हो जाएंगी क्यों क्योंकि ये जो ट्री है वो फॉरेस्ट में मूव कर चुका होगा लिसन सुनो उनको हम रीडर्स को ऑडियंस को बोल रहे हैं लिसन सुनो उनको ग्लास इज ब्रेकिंग वो जो शीशा है घर का जो उसे रोक रहा था पेड़ को बाहर जाने से अब वो टूट रहा है द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड स्टम्बलिंग मतलब होता है बच्चे गिरते पड़ते आगे बढ़ना <coughs> मतलब आपका बैलेंस बिगड़ जाए चलते चलते है, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते रहो ठीक है उसको बोलते हैं स्टम्बल करना तो द ट्रीज आर स्टंपलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट ट्रीज गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे हैं रात में विंड्स रश टू मीट देम और जो विंड्स हैं बाहर नेचर का प्रतीक है विंड्स भी वो जैसे ट्रीज बाहर जाते हैं घर से उनसे एकदम से दौड़ के मिलने की कोशिश करते हैं रश मतलब दे हैसन द मून इज ब्रोकन लाइक हमारा बड़ी खूबसूरत इमेजरी ये है यहां पर एग्जाम्पल है परफेक्ट द मून इज ब्रोकन लाइक इज फ्लैश नाउ इन क्राउन ऑफ दस्ट ओक अभी तक जब तक पेड़ जंगल में नहीं पहुंचे थे तब तक फुल मून था और उस फुल मून के सामने अगर आप उसको देखो तो कोई भी पेड़ नहीं आ रहा था फॉरेस्ट तो था ही नहीं ना फॉरेस्ट में पेड़ तो थे नहीं लेकिन अब क्योंकि पेड़ पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट में इसलिए जो मून है वो ब्रोकन है मतलब मून को ये पूरा मून देखिए इसके सामने क्योंकि ये पेड़ अड़ गया है इसलिए एक मिरर की तरह लग रहा है टूटे हुए मिरर की तरह अगर ये नहीं होता पेड़ तो ये पूरा मिरर की तरह लगता कंप्लीट फुल मून था भी पिछले पैराग्राफ में यहां पे देखिए आप द नाइट इज द होल मून शाइन्स होल मून शाइन्स पूरा मून चमक रहा है लेकिन क्योंकि अब पेड़ पहुंच चुके हैं जंगल के अंदर इसलिए ऐसा बोला गया है कि जो मून है वो एक ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है अब क्यों क्योंकि उसके आगे पेड़ आ गया और पेड़ के थ्रू जब मून को देखा जा रहा है तो वे टूटे हुए मिरर की तरह लग रहा है इस स्पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक और जो ओक ट्री है ना जिसके पीछे मून है उसके जो मून मून जो है उसके जो ये जो मून है ये इस ओक ट्री का जो टॉप वाला पार्ट है उस पे क्राउन की तरह लग रहा है क्राउन मतलब मुकुट एक मुकुट की तरह लग रहा है मून इस ओक ट्री के ऊपर ओक जो है बहुत बड़ा ट्री माना जाता है ट्रीज में राजा सा माना जाता है तो इस राजा के सिर पे जो पीछे मून चमक रहा है ना उसको क्राउन बोला है क्लियर है दो बड़ी अच्छी इमेजेस दिखाई है ने। क्या एक तो ये कि जो मून है वो चमक जो रहा है उस पेड़ की प्रेजेंस में एक तो टूटे हुए मिरर की तरह लग रहा है पहले फुल मून था बिल्कुल क्लियर साइन कर रहा था लेकिन अब पेड़ सामने तो टूटा हुआ मेरे की तरह दिख रहा है और दूसरा ये जो मून है ये इस पेड़ के ओक ट्री के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे एक मुकुट हो बेसिकली क्लियर है क्या ये आप लोगों को बिल्कुल ओके इन शॉर्ट स्टैंड बताया गया है कि ट्रीज हैं फाइनली पहुंच गए हैं जंगल में ये जो इमेज दिखाई गई है इससे क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही है पोएट कि ट्रीज अब पहुंच गए हैं जंगल में ठीक है और सिंबोलिकली क्या मतलब है सिंबोलिकली मतलब यह है कि जो घर की लेडीज हैं उन्होंने भी फाइनली ऐसा समाज अब आ गया है कि कुछ हद तक आजादी पा ली है बड़े एफर्ट्स के साथ बड़े जोर लगाने के बाद वो भी अपने घर से बाहर निकल पाई उनको भी जो जरूरी हक है वो मिलना चाहिए वो मिला है और समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको वेलकम भी कर रहे हैं जैसे कि विंड ने वेलकम किया ट्रीज को बाहर निकलने पर इसी तरीके से समाज में सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ओपन आर्म से वेलकम कर रहे हैं जो फीमेल्स को आजादी मिल रही है उसका क्लियर है क्या क्लियर है तो बराबर से बताओ मून एक क्राउन की तरह तो मून का स्पेसिफिक सिंबल कुछ नहीं कोई पूछ रहा stumbling मतलब लड़खड़ा के चलना स्टंबलिंग मतलब लड़खड़ाना लड़खड़ा लड़ के आगे बढ़ना बेसिकली ऐसा आप मान सकते हो ठीक है Varify तो बता दीजिए बरेली तो बता जी ये क्या होता है ब्रीफली बता दूं अच्छा ठीक है तो बच्चे पोम क्या है पोम है ट्रीज के ऊपर लेकिन ट्रीज का मतलब आप यहाँ सिर्फ ट्रीज ना मानिए ट्रीज का मतलब असल में यहां फीमेल्स है तो पोएट ने जो पोएम लिखी है वो फीमेल्स को रखते हुए दिमाग में रखी है पोएम स्टार्ट होती है इस बात से कि ट्रीज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं घर <coughs> के अंदर जो ट्रीज हैं वो बाहर मूव आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जंगल में वो जंगल जो कि अभी तक खाली था ना तो वहां बर्ड्स को बैठने की जगह मिल रही थी ना इंसेक्ट्स को छुपने की मिल रही थी ना सूरज की रोशनी रुक रही थी ट्रीज के एबसेंस की, की वजह से अगर ट्रीज होती तो रुकती अब है नहीं ट्रीज तो नहीं रुक रही लेकिन सुबह तक ट्रीज पहुंच जाएंगे जंगल में ये होप जताई फिर उसके बाद दूसरे स्टैंड जो बोला कि पूरी रात ट्रीज के अलग ट्री का जो अलग अलग पोर्शन है रूटेस है, है वो मेहनत करते रहे और वो जोर लगाते रहे उस फ्लोर से और घर से मूवमेंट करते रहे बाहर जाने की ग्लास पे जोर लगाते रहे और जो काफी लंबे समय से ट्री की बड़ी बड़ी ब्रांचेस फंसी हुई थी छोटे से स्पेस में वो अब शफल कर रही है खिसक खिसक के बाहर निकल रही है ऐसे ही जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट क्लिनिक डोर की तरफ जाता है क्योंकि वो हाफ डेस्ट होता है आधा नशे में होता है हो के। इसी तरीके से जो ट्री की बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो क्योंकि काफी लंबे समय से से उस छोटे से स्पेस के अंदर फंसी हुई थी तो वो भी ड्रैग कर करके खिसक खिसक के निकल रही हैं उसी तरीके जिस तरह के से जो पेशेंट है न्यूली डिस्चार्ज वो निकलता है क्लिनिक से आराम आराम से क्योंकि वो नशे में होता है दवाइयों हो के फिर वो बोलती है कि मैं अंदर बैठ के देख रही हूं ये सारी एक्टिविटी लेकिन इसके बारे में अपने लेटर्स में कुछ नहीं लिखती ये इंडिकेटिव है इस बात का कि जैसे कि लड़कियों की लड़ाइयों के लिए फीमेल्स की लड़ाई के लिए आज तक एक्नोलेजमेंट बहुत कम है उस बात को यहां पर सिंबोलिकली बोला गया है फिर बोला है कि नाइट अभी फ्रेश है होल मून शाइन कर रहा है अभी तक यानी कि ट्रीज अभी तक बाहर नहीं पहुंचे हैं अगर ट्रीज पहुंच चुके होते तो मीन मून जो है ना वो Broken mirror की तरह बताया गया आगे। ये इंडिकेट करता है कि अभी तक ट्रीज घर में ही है क्या कि अभी फ्रेश है पूरा मून शाइन कर रहा है स्काई स्टिल में, वॉइस इन द रूम्स।, रूम्स में जो स्मेल है अभी भी आ रही है ट्रीज की और आगे बोला है फिर माई हेड इज फुल्पर्स विल बी साइलेंट मेरा जो हेड है वो विस्पर्स से भरा हुआ है कल शांत हो जाएगा ग्लास जो है वो टूट गया है अब सुनो कौन ग्लास क्या है यहां पर ग्लास है यहां पर इंडिकेटिव वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो लेडीज के फीमेल्स के ऊपर डाले हुए हैं समाज ने और पोहट बोल रही है कि ग्लास अब फाइनली टूट गया है सारे रिस्ट्रिक्शन टूट गए हैं लेडीज के ऊपर ट्रीज आर स्टम्पलिंग फॉरवर्ड ट्रीज अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं रातमर यानी कि लेडीज अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं समाज में विंड्स विंड्स रश टू मीट ने, नेचर का एक और फोर्स जैसे कि ट्री भी नेचर का इंडिकेटिव है ऐसी विंड्स भी नेचर का इंडिकेटिव है वो धीरे 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 उनको ग्रीट करने के लिए जा रही है वेलकम करने के लिए जा रही है मून इज ब्रोकन लाइक और लास्ट खूबसूरत इमेजरी जो कि कि ये बताती है कि ट्रीज फाइनली जंगल में पहुंच चुके हैं कैसे कि मून जो है वो अब एक और जो ट्री का टॉप है उस पर मून ऐसे सुसज्जित है जैसे कि एक क्राउन उसके सिर पे हो जैसे कि उसके सिर पे एक मुकुट लगा हो क्लियर है क्या ये फटाफट से बता दो अगर क्लियर है तो डिफिकल्ट वर्ड्स है मैसेज क्या मिलता है मैसेज क्या मिलता है ये बता दूं फटाफट से जल्दी से बताओ स्टंबलिंग मींस होता है बच्चे लड़खड़ा के आगे बढ़ना लड़खड़ा के चलना ट्रीज जो है लड़खड़ा के आगे बढ़ रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ ये मतलब है। मैसेज बच्चे से मिलता है कि हम लोगों को नेचर को कभी भी कन्फाइन करने की नहीं सोचनी चाहिए और नेचर का मतलब सिर्फ पेड़ों से नहीं है नेचर का मतलब है नेचर की बनाई हुई हम ह्यूमन बींग्स भी स्पेशली वुमेन उनको कन्फाइन करने का नहीं सोचना चाहिए उनका जो ड्यू राइट है वो उनको मिलना चाहिए नेचर, नेचर शुड़ नाट शुड़ नाट शुड नॉट बी कन्फाइंड नेचर शुड नॉट शुडेंट बी कंफाइंड और रिस्ट्रिक्टेड नेचर को कंफाइंड या रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए वेमेन शुड बी गिवन देअ फ्रीडम एंड ड्यू राइट्स वेमेन को जो उनका हक है और जो उनकी आजादी है वो मिलनी चाहिए ये आप इस पोम से सीखते हैं दोनों चीजें क्लियर है क्या बिल्कुल फटाफट से देखो एक बारी हार्डवर्क बिकम सक्सेस इन टाइम ठीक है फीमेल फ्रीडम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर एनिमल नहीं करवाया अभी करवा एनिमल कौन सा अच्छा एनिमल तो आप ही नहीं सिलेबस में नहीं है भाई आपके कट गया एनिमल नेचर शुड नॉट बी नेचर को कन्फाइन करने की नहीं सोचनी चाहिए हम लोग नेचर को बांधने की सोचते हैं लेकिन नेचर का क्रूअल रूप हमने देखा नहीं है अभी तक कई जगह जब सामने आता है जब आप प्राकृतिक आपदा आते हैं तो हम समझते हैं कि नेचर बहुत हार्मफुल हो सकती है भाई क्लियर है क्या क्लियर है ये क्लियर है तो बताओ फटाफट से इससे मैसेज जो मिला आप लोगों को अब लिटरेरी डिवाइस देखते हैं जी द ट्रीज इन साइड आउट इन द फॉरेस्ट नो सन बेरी फीड इन शो ऑल नाइट द रूट वर्क विंड्स रश टू मीट देम क्या है इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी फटाफट से क्राउन मतलब होता है बच्चे मुकुट क्राउन का मतलब होता है मुकुट कौन सा पोइटिक डिवाइस है जल्दी बताओ पोइटिक डिवाइस बताइए बच्चा पार्टी हाँ बहुत बढ़िया ट्रीज इन साइड आर मूविंग ट्रीज को मूव करते हुए दिखाया गया है सन को बैरी करते हुए दिखाया है इसकी फीट सन की फीट ऐसा बताया गया है नाइट पूरी नाइट रूट काम करती है यह बताया गया है विंड्स रश टू मीट देम विंड्स मिलने के लिए जा रही है किसी से यह बताया गया है जो कि ह्यूमन बिहेवियर है यह सब दिखाता है कि यहां पर सोनिफिकेशन यूज है परसोनिफिकेशन है बिल्कुल क्लियरली नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए यहां पर बताइए लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट द मून इज लाइक अब मेरर स्टिल रीच इज लाइक तो आपको ये लाइक देखते ही समझ जाना चाहिए कौन सा पोलिटिक डिवाइस है जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट करके कमान 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 क्या कौन सा पोइटिक डिवाइस है भाई बताओ फटाफट से बच्चा पार्टी वाह आर्यन जी भी बता रहे हैं कोई पोइटिक डिवाइस वाह आर्यन जी हाँ बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सिमिल यूज हुई है यहां पर दो चीज का कंपैरिजन किया गया यूजिंग लाइक like. बड़ा सिंपल सा आंसर है नेक्स्ट देखिए जी द फॉरेस्ट एम्प्टी ऑल दीज ये भी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बनेगा यहां पर क्या है कौन सा पोइटिक डिवाइस है जल्दी बताओ जल्दी 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 <laughs> सॉरी <coughs> कौन सा पोइटिक डिवाइस है भाई करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है रिपीटिशन है जी रिपीट किया गया एक छोटे वर्ड को या पूरी लाइन को रिपीट करते हैं तो रिपीटन बोलते हैं सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट नो इंसेक्ट हाइड नो सन फीट एक वर्ड रिपीट किया गया है दो बारी एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन जब भी ऐसा हो तो कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है जब लाइन की शुरुआत में ही रिपीट करते हैं एक वर्ड को जल्दी बताइए फटाफट से कमान 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 क्विकली 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 जल्दी से जल्दी से नो नो रिपीट हो रहा है यहां पर लाइन की शुरुआत में एनाफोरा है करेक्ट आंसर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कुछ लोग रिपीटिशन बोल रहे हैं बट रिपीटिशन तो है लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिपीटिशन है लाइन की शुरुआत में देखो इट्स एनाफोरा आगे चलते हैं जी चलिए आगे चलते हैं हाँ इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेट ऑक इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक पीसेस फ्लैश नाउ इन क्राउन ऑफ द टोलेट ऑक क्राउन ऑफ दोलास्ट ऑक ओक एक बोल दिया गया है क्या होता है कौन सा डिवाइस आपको लगता है इमेजरी तो है ही भाई थ्रू आउट इमेजरी है पूरी पोम में जगह जगह इमेजरी खूबसूरत इमेजरी है इमेजरी करेक्ट आंसर है लेकिन दूसरा भी एक पोट्रिक डिवाइस है क्या कि जो टॉलेस्ट पार्ट है ना ओक का यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्राउन बोल दिया गया है क्यों तो कौन सा पोइटिक डिवाइस यहां पर है बहुत बढ़िया मेटाफर है जी हां बिल्कुल सही बात है जो टॉलेस्ट पार्ट है ओक ट्री का उसको क्राउन बोला गया है मेटाफर है ठीक है नेक्स्ट अब यहां बताओ इन सारी लाइंस में इन सारी लाइंस में अगेन यहां पर क्या कौन सा पोइटिक डिवाइस है जल्दी से बताइए भाई <laughs> जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से सिंपल है बिल्कुल सिंपल आंसर ही छुपा हुआ है इनमें सारी लाइंस में एक साथ आप देख सकते हैं क्या है हाँ बिल्कुल सही देव पटेल ने सही पॉइंट आउट किया करेक्ट आंसर आप देखिए कोई भी बताइए ट्रीज इन फॉरेस्ट जल्दी से बताओ तो ब्लू वाला बता दे जो है बड़े क्लियर एग्जाम्पल है यहां पर ये आप ऑलरेडी दे चुके हैं वैसे इसका आंसर इमेजरी ट्री जो है बाहर आउट कर रहे हैं इमेजरी का एग्जाम्पल है <coughs> <coughs> इमेजरी का एग्जाम्पल है बिल्कुल क्लियरली असल में सारे बड़े क्लियर कट एग्जांपल्स हैं इमेजरी के स्पेशली ये वाले पार्ट लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंस नो बर्ड सिट खाली फॉरेस्ट की इमेज मून फ्रेश द नाइट इज फ्रेश द मून शाइन इन स्काई स्टिल ओपन आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं इन इमेजेस को तो यहां पर इमेजरी है बिल्कुल clearly. है? है, बिल्कुल क्लियरली ठीक है 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 क्लियर क्लियर आगे चलिए चलो आगे चलते हैं जी राइम स्कीम क्या है इस इस पोम पोम की की तो राइम स्कीम इस की बच्चे ये है कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है फॉरेस्ट डे सिट हाइड जब आप देखेंगे तो विल गेट टू नो कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है फाइन समरी ये रही आपकी इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं चलिए अब हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नोस एंड बैरिज फीट इस लाइन में किसको पर्सोनिफाई किया गया जल्दी बताओ हु पर्सोनिफाइड इन लाइन किसको पर्सोनिफाई किया गया इस लाइन में जल्दी से बता दीजिए फटाफट से किसको, गया? से किसको किया गया है फटाफट से बताओ भाई नोस एंड बैरि फीट इन द शैडो किसको पर्सोनिफाई किया गया है कमोन कमाउन चैट 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 में जल्दी से कमेंट करो बच्चा पार्टी हाँ ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सन को परसोनिफाई किया गया है। भाई बिल्कुल सही बात है सन को परसोनिफाई किया गया क्योंकि नो सन कैन बेरी बेरी मतलब होता है किसी बेरी करते हैं हम यूजुअली मुर्दों को तो बेरी करना मतलब दफनाना सन अपनी जो रेज है उनको दफना नहीं सकता है शेडो के अंदर कुछ ऐसा सेंस है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही जवाब है एक बार देख देख लेते हैं कौन चल रहा है कैसे टॉप पर्सन नीरज यादव दिव्या ज्योति अश्मित चिन्मय फैक्टोपिया वाह क्या नाम है क्यूरेटेड विद्रिवा एलवेश भाई हर्षित कैलाश प्रतिमा अर्पित बहुत बढ़िया ठीक है कीप अप द गुड वर्क व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम्स कौन सी चीज रीच करती है लाइक वॉइस इन द रूम्स

तो स्टम्पलिंग मतलब भी लड़खड़ाना है और ट्रिप मतलब भी लड़खड़ाना होता है किसी से टकराए आप लड़खड़ा गए ऐसा कुछ सेंस है द ट्रीज इन साइड आर मूविंग इन टू द फॉरेस्ट इट दॉ एम्टी ऑल दीज डेज नो बर्ड कुड सिट नो हाइड नो इन द फॉरेस्ट वॉज एमटी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग सीबीएसई सैंपल पर क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन है देखते हैं क्या आंसर oh, दिया हुआ है मैंने यही <coughs> वाला करते हैं चलो द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइंस व्हाट इफेक्ट शी वांट टू क्रिएट बाय इट्स यूज़ पोइटिक डिवाइस यूज किया है नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्टाइड नो सन यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइसिस क्या, क्या वो हसी मजाक करना चाहती थी? थी? थी किस लिए बार बार नो बोला है पोइट्रिक <coughs> डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है कुछ रीजन से तो यहां पर नो रिपीट तो किया गया है बार बार रिपीटेशन या नफर आप इसको मान सकते हो लेकिन क्यों किया गया है वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एम्फोसिस जोर देने के लिए कि ना तो वहां पर जंगल में क्योंकि पेड़ नहीं थे ना तो बर्ड्स को छाव बैठने की कोई जगह मिली थी ना इंसेक्ट्स को ना पेड़ों को ना सन को अपनी रेस छुपाने की जगह ऐसे नो no एम्फोसिस दे रहा है बेसिकली बार बार किस चीज पे कि जंगल खाली है ओके ओहो ओके वाला देखो सेलेक्ट द अप्रोपरियट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट द आइडिया ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज डैश जो आइडिया है फॉरेस्ट का कि पूरे टाइम पे खाली है ये अननेचुरल है क्या स्केरी है क्या मैजिकल है लेजेंडरी है ये जो आइडिया है ये कैसा है क्या ये अननेचुरल है क्या स्केरी है क्या ये मैजिकल है क्या लेजेंडरी है? है जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट करके जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फटाफट से डब्बू को आंसर दे रहा डब्ल्यू कैसे हो सकता है भाई डब्ल्यू तो इज नॉट ऑल पॉसिबल आंसर के साथ वो तो दो हाँ करेक्ट है ऑप्शन है अनैचुरल बिल्कुल सही बात है ऑप्शन <coughs> है अनैचुरल इज द करेक्ट आंसर ऐसा ट्री सॉरी ऐसा फॉरेस्ट जिसमें ट्रीज ना हो ये बड़ा अनैचुरल लगता है सुनने में बिल्कुल सही बात है हाउ डज द यूज ऑफ इंपैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट इस पूरे में अच्छा छोड़ो ये वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है अब एक बार पी जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर है उनको डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते हैं एक बार ये आपका होमवर्क है

तो बच्चे आप बताएंगे अलग अलग जो करा अलग, एक में बताया कि प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी ग्लास पे जो स्मॉल ट्विग्स थी वो देवर स्टिफ विदन और जो बड़ी ब्रांचेस थी लॉन्ग क्रम्प्ट बवस जो बड़ी ब्रांचेस थी वो ऐसे मूव कर रही थी घर से बाहर जैसे कि डिस्ज फ्रेशली डिस्चार्ज पेशेंट मूव आउट ऑफ द क्लिनिक वो ये सारी चीजें आप बता देंगे इसमें ठीक है नेक्स्ट द पोम एंड ऑफ विक्ट्री जस्टिटरे मीनिंग बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है आपको लिटरेरी और सिंबोलिक मीनिंग दोनों बताना है तो यहां सिंबोलिज्म यूज में तो बताई चुका हूं मैं यहां पर ट्रीज आर सिंबोलिक ऑफ वुमेन इन आर सोसाइटी राइट right. तो कैसे ये सिंबॉलिक दोनों एंड होता है विक्ट्री पे कि ट्रीज़ जो वो पहुंच गए हैं जंगल में इसी तरीके से जो वे, वेरियस है हमारी सोसाइटी का जो वेमेन वाला टपका है देव ऑल्सो अटेंड फ्रीडम फ्रॉम द कंफाइनमेंट वो बंदी हुई थी अब तक रिस्ट्रिक्टेड थी लेकिन वो फाइनली आजाद हो गई है उस रिस्ट्रिक्शन से ये आपको इसमें बताना था डिटेल में नेक्स्ट

आपको बताना है ये बताया गया कि ट्रीज ने बहुत एफर्ट लगाया बाहर मूव आउट करने के लिए और आपको बताना है कि एक इंसान जो बंदी होता है कैप्टिवेटेड होता है वो बड़ा एफर्ट लगाता है आजाद होने के लिए बिल्कुल सही बात है जैसे कि ट्रीज ने लगाया स्पोम में पहले तो वो बताओ फिर हम लोग ह्यूम ने 300 जो हमारी गुलामी थी 300 साल की उसके लिए कितना स्ट्रगल करा उससे आजाद होने के लिए अलग अलग लोगों ने फ्रीडम फाइट करा अलग अलग जगहों पे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया अपनी जान का तब हमको आजादी मिली तो आजादी के लिए डेफिनेटली टेक्स अ लॉड ऑफ एफर्ट ठीक है अब इसका देखते हैं नेक्स्ट वट मैसेज डस एड्रियन रिच वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द पोम द ट्रीज क्या मैसेज देना चाहती है ये आप बताइए ओके okay. तो बच्चे दो मैसेज हैं एक तो नेचर के लिए ट्रीज के परस्पेक्टिव से और दूसरा विमेन के लिए पहला मैसेज यह है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में एड्रियन ने बोला है कि जब ट्रीज नहीं होते जंगल में तो ना तो बर्ड्स को बैठने की जगह मिलती है ना इंसेक्ट्स को छिपने की जगह मिलती है ना सन की रेज कहीं बैरी कर सकती है अपनी फीट इन शॉर्ट हमें मैसेज दिया है कि हम लोगों को पेड़ ज्यादा से ज्यादा प्लांट करने चाहिए ए फॉरेस्टेशन करना चाहिए और दूसरा हम लोगों को नेचर को कंफाइन नहीं करना चाहिए बांधने की कोशिश नहीं करना चाहिए कभी भी और एक और मैसेज जो सिंबॉलिक है और वेमेन वो ये है कि हम लोगों को वेमेन को भी अपने घरों में कन्फाइन नहीं करना चाहिए जो उनका लॉन्ग ओवरड्यू फ्रीडम है वो उनको दे देना चाहिए वो उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली नेक्स्ट द दुअम ट्रीज अपेयर टू बी मोर अबाउट ट्रीज इन्वायरमेंट डिफोरेस्टेशन ऑन अ डीपर लेवल वी डिस्कवर दैट एड्रियन रिच इज एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिंग हर अबाउट वेमेन एंड देयर एमेंसिपेशन लाइब्रेट विद रेफरेंस टू द दुअम बिल्कुल सही बात है स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि पेड़ों के बारे में या ट्रीज को लेके नेचर के बारे में ये है लेकिन जब आप अच्छे से डीपर लेवल पे जाते हो तो आपको बदलता है के बारे में बिल्कुल बता दो दो वही वही आंसर जो हमने अभी बातें बोली हैं, रिपीट कर दो, इसमें पूरा डिटेल में समरी दो और उसी उसी का कैसे सिंबॉलिक है वो अलग अलग पोर्शन वेमेन की फ्रीडम के लिए ये आपको बताना है इसमें ठीक है नेक्स्ट है आम, ओके दिस इज योर होमवर्क ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है इनको होमवर्क में करिएगा। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट इज़ द द टेल ऑफ़ कस्टर्ड ड्रैगन इसके बाद हम एक और पोम करेंगे जो uh, uh, anyway, कि आग भी उगलता है आपने कई सारे कैरेक्टर्स को देखा होगा ऐसे <clears throat> तो इस पोम में एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड कस्टर्ड बड़ा फनी नाम है ड्रैगन जैसे फरोशियस क्रिएचर के लिए ये जो पोम है ये एक बैलेड है बैलेड क्या होता है ऐसी पुराने टाइम में पोम्स जो कि एक कहानी सुनाए गाथा सुनाए हीरोइज्म की और ये पोम भी एक हीरोइज्म की गाथा है इस ड्रैगन के लिए अभी आप देखेंगे इसको भी इसमें इस, इस पोम का सेंट्रल थीम क्या है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपको उसको बोस्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार बोलने की जरूरत नहीं है लोगों को मैं कैपेबल हूं मैं बहादुर हूं ऐसे राइट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी यू डू नॉट नीड टू बोस्ट वन और दूसरा थीम है कि समय पड़ने पर ही इंसान की पहचान होती है वो खुद बखाने हैं दूसरे उसकी बड़ाई करते हैं इससे नहीं पता चलता जब समय पड़ता है ना तब आपको पता चलता है किसी इंसान के बारे में राइट right? तो ये थीम के साथ फटाफट से पोम देखते हैं बड़ा शॉर्ट सा पोम है इजी पोम है छोटी सी पोम है समझते हैं इसको चलिए ओके बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रू लिओ लिटिल पेट ड्रैगन अब बेलिंडा एक हाउस की मालकिन है बेलिंडा एक मालकिन है जिसको बताया गया कि बेलिंडा रहती है एक सफेद से घर में जहां पर एक छोटी सी ब्लैक कैट रहती है एक ग्रे कलर का माउस रहता है एक येलो कलर का डॉग है और एक लेड, रेड वैगन भी है उसके पास रेड कलर की एक वैगन भी है उसके पास और एक रियली और लिटिल पेट ड्रैगन रियली ट्रूलियो यहां पर रियल और ट्रूली रियली और ट्रूली असल में स्पेलिंग चेंज कर दिया पर ने इन दोनों की थोड़ा सा और बनाने के लिए तो, तो स्पेलिंग आगे बढ़ता हूं और कौन कौन है इसमें एक रियली really, ट्रूली छोटा पेट ड्रैगन राइट क्लियर होगा बिल्कुल वैगन होता है कैरेज रियली ट्रूली आपको पता ही है? स्पेलिंग डिस्टॉर्ट कर दी गई कौन सा पोएटिक डिवाइस है आपको कॉमेंट करके बताना जल्दी से ओके तो बेलिंडा का इस में इंट्रोडक्शन दिया गया कैरेक्टर्स कौन कौन है घर तो की मालकिन उसका एक पेट है छोटा सा किटन कलर का इसका है जिसका नाम है मस्टर्ड अभी आगे आएगा और एक छोटा सा ड्रैगन है ठीक है ओके अब स्टैंडर्ड देखिए नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक द लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्पे मस्टर्ड and the ड्रैगन was a coward and शी कॉल्ड him कस्टर्ड अब यहां पर सबको इंट्रोड्यूस किया गया उनका नाम बताया गया जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक जो कैट थी उसका नाम था इंक जो चूहा था उसका नाम था ब्लिंक जो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड क्यों क्योंकि जैसे मस्टर्ड सरसो जो होती है उस पर एक शार्प पंजेंट स्मेल आती है शार्प होती है मस्टर्ड ऐसे ही जो डॉग है

यहां पर ड्रैगन का नाम इसलिए रखा गया कि कॉन्ट्रास्ट में रखा गया मस्टर्ड के ताकि क्योंकि वो जो ड्रैगन ये डॉग था ये बहुत इंटेलिजेंट था वेरस ड्रैगन थोड़ा डर एक फनी नाम रख दिया उसका अब देखते हैं थर्ड स्टैंड कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीप एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर अ नोस एंड रियली ट्रूल्यूर डैगर्स ऑन स्टोज मजेदार ड्रैगन है ये कस्टर्ड कैसे अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब की गई है कैसे ये जो कस्टर्ड है इसके टॉप इसके बड़े शार्प तो दांत थे इसके टॉप पे स्पाइक्स थे ये जो आप देख रहे हैं इनको स्पाइक्स बोला जाता है और इसके नीचे अंतर्निहित स्केल्स थे ऐसे-ऐसे जो होते हैं उनको स्केल बोला जाता है इसका जो माउथ है वो क्योंकि आग फेंक सकता था इसलिए उसको एक फायर प्लेस बोला है फर्नेस की तरह भट्टी की तरह बोला है और इसकी जो नाक है नोज उससे धुआं निकलता था इसलिए उसको चिमनी की तरह बोला है और असली में डायगर्स थे इसकी डायगर्स क्या होते हैं तो डायगर्स होते हैं बच्चे ये इनको आप डायगर बोलते हैं ये होते हैं डायगर्स जो इसके हाथ थे ना जो इसके टोज थे पैर के टोज थे उन पे ऐसे नाखून थे इसके जैसे कि डायगर होते हैं कटार होती है बेसिकली ये आगे देखते हैं जी बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक कैन ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टे बेलिंडा इतनी बहादुर थी जैसे कि एक बैरल फुल ऑफ बियर्स होता है और इंक और ब्लिंक जो होते हैं बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब क्या है बच्चे बैरल मतलब होता है ये एक बड़ा सा कंटेनर अब फुल ऑफ बियर्स मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसमें बहुत सारे बियर्स हो जितने बहादुर वो होंगे इतनी बहादुर मेलिंडा है सिंपल मतलब इसका ये है कि एक, एक इसका कंपैरिजन किया है बैरल फुल ऑफ इस एक्सप्रेशन का मतलब ये बहादुर बहुत बहुत थी बहादुर मतलब इतनी हिम्मत थी कि वो लायंस को भगाते भगाते नीचे भगाते थे मस्टर्ड मतलब जो कुत्ता था ना वो तो इतना बहादुर था कि वो जैसा एक टाइगर गुस्से में होता ना ऐसा लगता था वो बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइड बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज लेकिन कस्टर्ड जो था वो तो रोता था या मांगता था क्या एक नाइस nice सा सेफ केज केज मतलब पिंजरा एक एनक्लोज पे जहां पर वो रह सके तो इन शॉर्ट यहां पे सबकी बहादुरी के किससे गिने गए हैं कि बलिंडा जो थी वो तो इतनी बहादुर थी जितने एक बैरल फुल ऑफ बियर्स एक कंटेनर या ड्रम फुल ऑफ बियर्स के बराबर बहुत बहादुर थी वो जो इंक और ब्लिंक थे चूहा और बिल्ली थे वो लायंस को चेस कर देते थे बेचारा थोड़ा डरपोक सा था क्योंकि वो तो हमेशा एक नाइस सेफ केज मांगता रहता था कंफर्टेबल स्पेस मांगता रहता था बस बेलिंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल टिकल मतलब होता है बच्चे किसी को गुदगुदी करना या टच करना जिससे गुदगुदी हो सेंसेशन हो गुदगुदी का तो बेलिंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन अब बताया गया यहां पर कि बेलिंडा जो है वो टिकल करती थी गुदगुदी करती थी इसको किसको ड्रैगन कस्टर्ड को इतना ज्यादा टिकल करती थी कि वो क्रूअल हो जाता था अनमर्सिबुल मतलब क्रूअल cruel, क्रुएलिटी सी लगती थी कि मतलब उसको किसी को इतना ज्यादा छेड़ दो कि वो इरिटेट हो जाए इतना ज्यादा टिकल करती थी इसको कि वो अनमर्सिबुल और ब्लिंक जो थे वो रूडली उसको परसिवल बोलते थे अब ये परसिवल कौन था तो पर्सिवल एक बहुत बड़ा योद्धा था आप इमेज में देख सकते हैं किंग आर्थर करके एक राजा हुए जुनन जो कि बहुत बड़े राजा थे बहुत बड़ा राजा था इनका और इनके कुछ वॉरियर्स थे लेजेंडरी वॉरियर्स उन लेजेंडरी वॉरियर्स में जो सबसे तगड़े वॉरियर थे योद्धा थे वो थे तो ये जो इंक और ब्लिंक है और मस्टर्ड जो कुत्ता है ये तीनों मिलके इसको बड़े रूडली बोलते हैं तो है, तो है वो बहुत लेजेंडरी योद्धा है इन शॉर्ट जैसे किसी को बोलते ना कोई बहुत स्मार्ट ना हो तो बोलते हैं यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है छेड़ने के लिए मजाक करने के लिए उसके साथ तो ऐसे ही इसको क्योंकि ये थोड़ा डरपोक सा था अभी तक ऐसा दिखाया गया इसी वजह से इसको परसिवल बोलते बहुत बड़ा योद्धा भाई

Ink and mustard rudely asked his जो है इसकी बहादुरी पे है, इसकी की। था, था। इसी इतना ज्यादा मजाक उड़ाती थी कि वो पूरा हंसते हंसते घर हिला देती थी थोड़ा सा एग्जेजरे इतना ज्यादा थोड़ी हंस सकता है कोई या कितने हंसले कोई घर थोड़ी हिलता है तो एक्साजरे हाइपर बलिया है यहां पर एंड ब्लिंक सेट वीक और ब्लिंक जो है वो वीक बोलता था जो कि जब चूहा हंसता है तो ये आवाज आती है अब वीक यहां पर एक आवाज को डिनोट करता है ये होता है ओनोमटोपिया आप में से कोई पूछ रहा था ओनोमटोपिया क्या होता है साउंड वर्ड्स जब ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हो जो कि उसी साउंड को प्रेजेंट करता हो जो आवाज आती हो बेसिकली जैसे डिंग डोंग जो वर्ड है वो वही आवाज को प्रेजेंट करता है जब बेल बजती है ऐसे म्याऊ जो है वो ही आवाज कर प्रेजेंट करती है जो कैट बोलती है तो ये सारे साउंड वर्ड्स होते हैं ऐसे यहां वीक जो है एक साउंड वर्ड है ऑन है यहां पर ओके ब्लिंक एट वीक व्हिच इज गिगलिंग गिगलिंग मतलब हंसना फॉर अ माउस माउस भी हंस रहा है मतलब इसके ऊपर इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड जेज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ केज और जब कस्टर्ड जो है नाइस सेफ केज मांगता तो

क्या होता है देखिए अब एकदम से दो बार सडनली बोला इस बात को करने के लिए एकदम से क्या होता है एकदम से एक नेस्टी आवाज आती है एक ऐसी आवाज आती है इनको जो कि अनप्लेजेंट हो सुनने में अच्छी ना हो ऐसी आवाज इनको आती है और मस्टर्ड जो है वो ग्राउल करता है ग्राउल करने का मतलब होता है गुर्राना मस्टर्ड एकदम से गुर्राने लगता है क्योंकि दे दे एंड ऑल लुक अराउंड और चार तरफ वो देखने लगते हैं मिया उचक्राइड इंक इंक बोलता है मियाउ जो इंक कैट होती है और जो चू है वो ओ बोलती है एकदम से ओ क्राइड बेलिंडा चिल्लाई एकदम से फॉर अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा क्योंकि पायरेट था एक जो कि विंडो से क्लाइंब करता अब यहां पर विंडा लिखा गया है विंडो की जगह कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एक बार कॉमेंट करके जल्दी से बता दो फटाफट से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बच्चे यहां पर विंडा लिखा है विंडो की जगह पोएट ने क्यों क्योंकि राइम्स की मेंटेन करनी थी बहुत बढ़िया सुहेब बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है ओके okay. अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि सारे लोग चिल्लाने लगे दुखी होने लगे एकदम से ग्राउल करने लगे इंक मिया करने लगा बेलिंडा ओह करने लगी क्यों क्योंकि एक पायरेट एक समुद्री लुटेरा जो होता है उसने एंटर किया विंडो से और इस विंडो की स्पेलिंग गलत कर दी है जान के पॉइंट ने विंडा कर दिया ताकि ये राइम कर सके इसको बेलिंडा से आगे बढ़ते हैं जी पिस्टल इन इज राइट हैंड सॉरी पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन इज राइट एंड ही हेल्ड इन कटलेस ब्राइट हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड अब ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहां पर इस इसका ये जो पायरेट है जो समुद्री लुटेरा है इसका क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसके राइट हैंड में ही पिस्टल थी उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी दोनों हाथों में पिस्टल थी दोनों हाथ में आर्मड था वो उसके टीथ के अंदर एक कटलेस ब्राइट था कटलेस मतलब होता है एक छोटी स्वॉर्ड ये जो होता है इसको कटलेस बोलते हैं आप एक छोटी स्वॉर्ड होती है ये ठीक है जो कि थोड़ी वाइड सी हो मतलब पूरी स्वर्ड तो लंबी होती है लेकिन ये थोड़ी छोटी होती है लेकिन वाइड होती है तो ये बोला है एक इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी असल में तो पॉसिबल नहीं ऐसा कि इसके दांतों के बीच में कटलेस ब्राइट थी कटलेस तलवार थी हिज बियर्ड वॉज ब्लैक उसकी बियर्ड काली थी एक पैर वुड का था जैसा कि एक लुटेरा समुद्री हमेशा दिखता है ट्रेडिशनली इट वॉज क्लियर दट द पायरेट मैट नो गुड और ये बात क्लियर थी इन सारी अपे से जैसा वो खतरनाक दिखता था इससे बिल्कुल क्लियर था कि ये जो पायरेट है इसका कुछ भी आने से अच्छा नहीं होने वाला था कुछ तो बुरा ही होगा इसके आने से बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लेड सॉरी बट मस्टर्ड फ्लेड विदेरिफाइड ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड अब इस पायलट के आने के बाद सबकी क्या हालत हो गई देख लो कि रंग उतर जाना चलेगा ऐसी हो गई और वो क्राई करने लगी मदद करो मदद करो बट मस्टर्ड फ्लैट विदिफाइड और मस्टर्ड जो कुत्ता था जो कि कैसा था टाइगर एक गुस्से में टाइगर इन रेज जैसा बहादुर था वो वो बहादुर जो है भाग्या चिल्लाते हुए मतलब के के डर बेसमेंट में जाके चला गया एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड और जो ब्लिंक था ना माउस वो चुपचाप अपने चूहे के बिल में चला गया स्ट्रैटेजिकली आराम से बहुत ही चालाकी से स्ट्रैटेजिकली मतलब चालाकी से But up jumped custard, अब देखिए बट अप अपड कस्टर्ड अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है लेकिन जो कस्टर्ड था उसने क्या किया अप अपज कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन एंजन क्लैश्ड स्टेल लाइक इन अ डंजन आय अंजन विदैटर एन अंक एन अगलिंग स्क्वर्न ही वैंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म क्या होता है एक बार देखते हैं चलिए यहां पर अब ये जो कस्टर्ड है इसने एकदम से जंप करा स्नोटिंग लाइक एन इंजन एक इंजन से जैसे आवाज आती है इस तरीके से नाक से आवाज निकाली स्नोट करना मतलब आवाज से बहुत तेज आवाज निकालना सॉरी नाक से बहुत तेज आवाज निकालना तो ये जो कस्टर्ड है एकदम से जंप करके वहां पहुंचा जहां पे पायलट था और नाक से बड़ी खतरनाक आवाज निकाली ऐसे जैसे कि इंजन से निकलती है क्लास्ट स्टेल लाइक आई एंसर डंजन डंजन मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन टाइप जहां पर जेल जेल बनी हुई हो एक ऐसा कुछ डंजन बोलते हैं उसको तो बच्चे डंजन में जैसे एक दूसरे चेन के टकराने की आवाज आती है ना इस तरीके से आवाज आई जब इसने टेल अपनी जमीन पे मारी एकदम से बड़ी खतरनाक आवाज आई विद क्लैटर क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्क्वर्म ये तीनों वर्ड इंडिकेट करते हैं एक तरह की आवाज को जब दो चीज आपस में टकराती है ना मेटल की बनी हुई तो ऐसी क्लैटर क्लैंग जैंगलिंग साउंड आती है और स्क्वर्म करने का मतलब होता है टू मूव इन अ ट्विस्टेड मैनर यानी कि मूव करना ठीक है सिंपली मान लो टू मूव यानी कि ये जो कस्टर्ड है इसने मूव करना शुरू करा आवाज करते हुए जैसे दो मेटल्स आवाज करते ना टकराते हुए ऐसी आवाज करते हुए इसने मूव करना शुरू करा इसकी मूवमेंट से जब ऐसे ऐसे करके मूव करने लगा पायरेट की तरफ जाने लगा तो ऐसी आवाज आई ही वेंट एट द पायरेट लाइक वर्म और ये पायरेट की तरफ ऐसे दौड़ा ऐसे पकड़ा पायरेट को जाके जैसे कि एक रॉबिन नाम का बर्ड होता है वो एक वर्म को पकड़ता है कीड़े को पकड़ता है ये होता है रॉबिन इस तरीके से जंप मार दी इसने इसके ऊपर अब देखिए आगे द पायरेट गेव डेट ड्रैगन एंड फ्रॉम सम्रॉम पॉकेट फ्लैगन ही फायर टू बुलेट्स बट द डेंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबलड एवरी बिट अब क्या होता है जो पायरेट है ये गेप करता है जैस, जैसा अटैक कस्टर्ड ने इसके ऊपर कर दिया था ना पायरेट के ऊपर ये शौक से बस मुंह खोल के देख रहा था उसको गेप करने का मतलब है जब आप बिल्कुल शौक में किसी को ऐसे मुंह खोल के देखे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ तो पायरेट गेट बेलेंडास ग्रॉग फ्लैगन और ये इतना डर गया कि थोड़ा सा डर को अपनी नर्वसनेस को ठीक करने के लिए इसने अपनी पॉकेट से फ्लैगन निकाला फ्लैगन मतलब ट्रेडिशनल हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा एक छोटी सी बॉटल होती है जिसमें एल्कोहल स्टोर होता है सिल्वर कलर की वो फ्लैगन इसने अपनी पॉकेट से निकाला उससे दो ग्रॉग के घूट मारे ग्रॉग मतलब होता है एल्कोहल थोड़े से अल्कोहल के दो घूट मारे कि हिम्मत आ जाए फिर से हिम्मत जुटाने के लिए दो घूट मारे ताकि हिम्मत आ जाए उसके बाद दो बुलेट्स फायर करी इसकी बेट। मतलब होता है करना। और कस्टर्ड ने इसका एक एक हिस्सा चबा के खा लिया पूरा निगल गया पायरेट को कस्टर्ड देख रहे हो कितना बहादुर था क्या एकदम से मौके पे करा इसने एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड बेलिडा हिम नो वन मोन फॉर पायरेट विक्टिम इंक एंड क्या होता है कि बेलिंडा जैसे ही ड्रैगन उसको पायरेट को मार दिया कस्टर्ड ने बेलिंडा इसको गले लगाती है एम्ब्रेस मतलब गले लगाना मस्टर्ड इसको लिक करने लगता है प्यार से लिक करना मतलब चाटना कोई भी मोर नहीं कर रहा था पायरेट विक्टिम किसी ने भी पायरेट जो विक्टिम था विक्टिम मतलब आ, शिकार जो शिकार था कस्टर्ड का ये जो पायरेट जिसको उसने खा लिया था उसके लिए किसी ने शोक नहीं मनाया दुख नहीं जताया क्यों क्योंकि वो था, को हर्ट करने आया था। इंक और ब्लिंक ग्ली करने। ग्ली मतलब, गारेट। गारेट मतलब गोल गोल चक्कर लगाना। तो इंक और ब्लिंक गोल -गोल लगाने लगे इसके है ना बेलिंडा ने इसको गले मस्टर्ड इसको चाटने लगा इंक और जो इंक और ब्लिंक है वो इसके चक्कर काटने लगे खुशी में अराउंड द डेट द पायर उस ड्रैगन के जिसने पायरेट को खाया था बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड आई हैव बीन ट्वाइस अब सब कुछ नॉर्मल हो गया कुछ दिनों बाद तो क्या होता है जो लिटिल मस्टर्ड था जो डॉग था वो कुछ बड़े चली बात बोलता है क्या बोलता है आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड फ्लस्टर्ड मतलब नर्वस हो जाना नर्वस ही आना तो बोलता है अगर मैं उस टाइम पे नर्वस नहीं होता ना थोड़ा सा तो मैं इस कस्टर्ड से दो गुना बहादुर होता एंड अब स्पोक ब्लिंक हैव बीन थ्राइस थ्री टाइम्स एज एज ब्रेव वी थिंक और ये जो दोनों है ब्लिंक और इंक चूहा और बिल्ली जो भाग गए थे चुपचाप वो कहते हैं हम तो तीन गुना बहादुर होते एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट दैट सेवरीबडी इज ब्रेवर देन मी कस्टर्ड जो की एक बहुत ही मॉडेस्ट

अटैक के बाद पायलट के बाद उसको मारने के बाद वापस नॉर्मल हो गए जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही नॉर्मल रह गए हैं ये स्टैंडा रिपीट किया गया है ये बताने के लिए कि वापस ही वैसे ही रहने लगे कि बलिंडा रहती है उस घर में व्हाइट हाउस में जिसमें इसके साथ कैट चूहा डॉग और ड्रैगन रहता है यह बताया गया यहां पर और लास्ट स्टैंडा भी रिपीटेड है जो कि थोड़ा सा सार्केस्टिक है कैसे बेलिंडा इज एज़ ब्रेव एज़ अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स मस्टर्ड इज एज़ ब्रेव एज़ अ टाइगर इन अ केज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज ये लोग इतने बेशरम हैं बेलिंडा भी इसका माउस भी इसका कैट भी और इसका मस्टर्ड भी कि इन्होंने मौके पे कुछ नहीं किया डर गए सारे भाग गए मस्टर्ड ने जान बचाई इनकी लेकिन इनको एक इनकॉरिजिबल बीमारी है एक ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो सकती वो क्या कि अपनी बहादुरी के झूठे कसीदे पढ़ने हैं इनको कोई कोई सुने सुने चाहे ना सुने, कोई माने चाहे ना ना माने माने तो इन्होंने उस झूठे कसीदे पढ़ने के लिए क्या करा इन्होंने झूठे कसीदे पढ़ने के लिए अपनी बहादुरी के किससे झूठ मूठ के गाने शुरू कर दिए इवन आफ्टर द फैक्ट कि मस्टर्ड ने प्रूफ सॉरी कस्टर्ड ने प्रूफ कर दिया है कि भाई वो सबसे बहादुर है लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी कसीदे पढ़ने के लिए अपनी छोटी तारीफ करने की आदत है इनको तो ये अभी भी कर रहे हैं ये जो लाइन है आखिरी स्टैंड जाए भी रिपीट किया गया है स्टार्टिंग से लेकिन अब जबकि इनका भेद खुल चुका है कौन बहादुर असली में पता चल चुका है मौके पर तब ये लाइन जो है सरकास्टिक लग रही है थोड़ा सा आयरनिकल लग रही है आगे चलते हैं क्लियर होगी ये पोम बिल्कुल आई बिलीव आप लोगों को क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन है आवर से टेल ऑफ दस ड्रैगन पोम पोमेटिंग स्टोरी इन शॉर्ट कॉल्ड इस तरह की पोम जो कि एक स्टोरी नरेट करती है छोटे छोटे आ, आ, में, उसको आप क्या बोलते हैं एक टेल जो कि नरेट करती है स्टार्टिंग में बताया था मैंने बच्चे एक छोड़, दो छोटी छोटी पोम बच्चे बस विल रॉपिड से जो है, वो क्या है एक फ्री वर्स है लिरिक है, है, है इस तरह की जो पोम जो कि कहानी नरेट करे छोटे छोटे में, उसको आप क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बैलेड बोलते हैं उसको है ना ऑप्शन बी बैलेड बिल्कुल सही बैलेड इज अ करेक्ट आंसर

आप आप लोग जो आंसर दे रहे हो ना उसमें जरूर मेंशन करो कौन सा ऑप्शन बेसिकली ऑप्शन भी बताओ जैसे ऑप्शन बी मेटावर ऑप्शन सी एजोनेंस ऑप्शन डी सिमली इस तरह से लिखो जल्दी बताओ बच्चा पार्टी फटावट से मुझे कॉमेंट्स नहीं मिल रहे हैं सब लोगों से चाहिए जल्दी दो जल्दी दो फटाफट से कमान कमान क्विकली क्विकली मेरा एक दोस्त था जो कि क्विकली बोलता था क्विकली को वट अ वे वट अ फनी वे ऑफ सीट एनी वे करेक्ट आंसर इज लिटिड्रॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड मस्टर्ड की तरह शार्प था इंटेलिजेंट था एज यहां यूजर है इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिमली बहुत बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट थीम क्या है इस पोम का इस पोम का थीम थीम बताइए थीम अपियरेंस वर्स इज रियालिटी हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी मतलब होता है बेहरूपिया ऐसा इंसान जो कि अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बिहेव करे उसको आप हिप्पोक्राइट बोलते हैं और इस बिहेवियर को हिप्पोक्रेसी बोलते हैं करेज मतलब हिम्मत जलेसी मतलब जलन क्या थीम है इस का ये आपको बताना है जल्दी बताइए बच्चा पार्टी फटाफट से कमान कमान कमान, कमान क्विकली जल्दी जल्दी आंसर से ही आप लोगों से बताओ भाई बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी ओके 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 करेक्ट आंसर इस बच्चे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ये सारे थीम्स हैं अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी यानी कि आपको कभी भी किसी इंसान की जैसी अपीयरेंस है सिर्फ उसके बेसिस पे उसको जज नहीं करना चाहिए रियलिटी में हो सकता है डिफरेंट हो जैसा कि इनके घर में दिख रहा था सारे लोग जो हैं वो अपनी तारीफ करे थे बहादुर बिता रहे थे खुद को लेकिन रियलिटी में क्या हुआ रियलिटी में बहादुर थे नहीं वो सिर्फ कस्टर्ड जो था वो बहादुर था हिपोक्रेसी मतलब बहरूपिया एक ऐसा इंसान जो कि अलग अलग बिहेव करे अब ये सारे लोग जो है जब वैसे कहते रहते हैं कि हम लोग बहुत बहादुर हैं मौके पर इन्होंने कुछ करा नहीं और बाद में फिर से कहने लगे ऐसे ही अलग रूप भरा करेज दिखती है यहां पर कस्टर्ड की और जलसी दिखती है बाकी लोगों की जब वो बोलते हैं कि हम तो दो गुना तीन गुना बहादुर होते हैं इससे इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बढ़िया फ्रेज मीन इस फ्रेज का क्या मतलब है भाई कि Belinda जो बैरल फुल ऑफ बियस जितनी बहादुर है क्या मतलब है इसका जल्दी से बताओ जल्दी बताओ फट, फटाफट से बच्चा पर्सन विदाउट फियर ऑफ व्हाट मे above क्या मतलब है इसका जल्दी बताओ

ओके okay. विद को ए मान लेते हैं माउस को बी मान लेते हैं वैगन को सी मान लेते हैं और ड्रैगन विद वैगन माउस ड्रैगन ओके ए बी सी बी ठीक है ये राइम स्कीम हो जाएगी फिर ए बी सी बी ये राइम स्कीम इसकी हो गई ओके okay. ये इसकी राइम स्कीम हो गई जी अब देखो बियर्स यहां पे भी चेक कर लो ए स्टेयर्स को बेयर्स और स्टेयर्स बोलो बेयर्स अच्छा ठीक है डिफरेंट है थोड़ा सा ए बी रेज एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मस्टर्ड कुछ गड़बड़ हुई है एक बार ही कोई और स्टैंड लेते हैं ऑप्शन ये ए होगा विक्टिम बी हिम हिम ए ए गायरेड एंड पायरेट ए ए बी बी ओके ठीक है थ्रू आउट द पोम ये राइम स्कीम इसकी है ए ए बी बी है ना और ये वाला जो स्टांजा है इसकी डिफरेंट है इसकी क्या है बच्चे इसमें मस्टर्ड ए है फिर फ्लस्टर्ड फिर से ए है ब्लिंक बी है थिंक फिर से बी है अग्री सी है और मी तो ये हो गई दो स्टैंड में आप ये वाली राइम स्कीम देखते हो क्या ए ए सी और बाकी जगह आप देखते हो ए बीबी ठीक है ये वाला आप इसको जरा इग्नोर करना क्योंकि यहां पर हम लोगों को कंक्लूसिवली पता नहीं चल पा रहा है इसका ये वाले पैराग्राफ आप इग्नोर करना तो ए ए बी क्या राइम स्कीम होगी बच्चे यही दिया हुआ है यहां पर ए ए बीबी दी हुई है ज्यादातर सब जगह ये ए ए बीबी और लेकिन दो दोस्त में राइम स्कीम है वो है ए ए है दो स्टा की ठीक है बिल्कुल क्लियर बहुत सही आप लोगों ने सबने यही जवाब दिया है ओके पोएटिक डिवाइसेस बताइए जल्दी से बेलिंडा लिव्ड इन लिटिल व्हाइट हाउस बेलिडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं ये ग्रीन में जो हाईलाइटेड है इसमें बताओ हेल्ड कटलेस ब्राइट विद्लाटर क्लैंक एन अच्छा ठीक है मैं ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम रनिंग शॉर्ट है, तो है। पर आप देखते हो एक ही साउंड रिपीट हो रहा है बिल्कुल क्लियरली हेल्ड हैंड हेल्ड हैंड ठीक है ऐसे क्लैटर क्लैंक में आप देखते हो सी क की आवाज रिपीट हो रही है गर्बड ग्रॉग ग गर आवाज रिपीट हो रही है तो यहां सिंपली एलिट्रेशन है बिल्कुल क्लियरली हाँ आप लोग भी कॉमेंट कर रहे हो बिल्कुल सही बहुत बढ़िया ठीक है अब नेक्स्ट देखिए एज 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 ब्रेव ब्रेव मस्टर्ड येलो डॉग शार्प माउथ लाइक अ प्लेस यहां पर कौन सा है बड़ा सिंपली यहां पे तो आप बता ही सकते हो कौन सा यूज हो रहा है क्लास हिम लाइक यहां पर भी लाइक है स्नोटिंग लाइक मतलब बहुत सारे यूज हुआ है ये वाला पोइटी डिवाइस यहां पर कई जगह एज 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 माउथ लाइक वॉज शार्प एज अच्छा सॉरी शार्प एज कौन सा यूज हुआ है यहां पर सिमिली बहुत बढ़िया सिमिली यूज हुआ यहां पर क्लियरली आगे देखते हैं जी आगे देखते हैं एंड 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 द लिटिल एंड द लिटल ठीक है तो पहले तो यह पिंक वाला बता दो देखो यहां पर दो बार एंड रिपीट हुआ है स्टार्टिंग में ऐसे एंड द लिटिल एंड द लिटल रिपीट हुआ है ये कौन सा है ये हो गया एनाफोरा एनाफोरा यह हो गया बिल्कुल क्लियर है एनाफोरा है यहां पर यह ठीक है।, है अब आगे बताओ रियलियो ट्रुलियो यहां पर कौन से यूज हुआ भाई रियली ट्रुलियो में पोएटिक लाइसेंस है पोएटिक लाइसेंस है आगे देखो चिमनी फॉर नोज रियली ट्रुलियो ड्राइगर्स ऑन स्टोज ड्राइगर्स ऑन स्टोज चिमनी फॉर नोज़ अच्छा तो really, ये पुराने वाली है पोलिटिक लाइसेंस चिमनी फॉर ए नोज ड्राइगर फॉर स्टोज इन दोनों में क्या यूज हुआ है बच्चे यहां पर बता दो यहां पर यूज हुआ है जी मेटाफर ऐसा बोला गया कि उसकी नोज जो थी वो चिमनी थी और उसकी जो टोज थी उनमें डाइगर्स थी तो अगेन यहां पर मेटाफर यूज हुआ है. एक चीज को दूसरी चीज बोल दिया है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ये ठीक है? है अब यहां देखो ये देखो यहां टिकल्ड टिकल्ड रिपीट हुआ है टिकल ड्रिम टिकल ड्रिम टिकल ड्रिम टिकल ड्रिम रिपीट हुआ है रिपीट हुआ है और रियलियो ट्रुलियो को भी रिपीट किया है तो यहां पर रिपीटेशन भी आप बोलेंगे रियल ट्रूलियो वहां पे भी रिपीट हो रहा है और यहां पर भी दो जगह आ रहा है बेसिकली ठीक है ओके सडनली सडनली भी रिपीट हो रहा है भाई बिल्कुल ये भी है एग्जाम्पल पिस्टल पिस्टल भी रिपीट हो रहा है रिपीटिशन का और एग्जाम्पल बेसिकली ठीक है रियल really, ट्रूल्यू एक बार रिपीट और हो रहा है तो अगेन यहां पर रिपीटिशन का एग्जांपल्स है बड़े सारे ठीक है जी अब अब कर लिया हम लोगों ने सारा ओके okay. इंक ब्लिंग मस्टर्ड द रूडली कॉल्ड इन परसिवल ये इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है? जल्दी से बता दो ये आपसे मुझे जवाब चाहिए बाकी सब तो मैं समझा चुका हूं आपको बाकी सब आप बता सकते हो इजीली इसलिए मैंने पूछा नहीं अब भला बताओ जल्दी से यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ इस लाइन में इंग ब्लिंग मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल बोला उसको जल्दी से बताओ यहां कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ बच्चा पार्टी कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जल्दी बताओ पर्सोनिफिकेशन कहां होगा बच्चे ये भी बता दो कोई बोल रहा है पर्सोनिफिकेशन क्यों नहीं होगा तो कहां होगा ये बताओ करेज मतलब हिम्मत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ बहुत बढ़िया मुझे जवाब मिल गया करेक्ट आंसर है एल्यूजन एल्यूजन आपको बताया था ना जब भी किसी ऐसे कैरेक्टर को याद किया जाए जो कि बड़ा मशहूर रहा हो पुराने समय से ऐसा ही कैरेक्टर है परसिवल जिसको रेफर किया गया मेंशन किया गया दैट इज

इंक और ब्लिंक चोर बुल्ली च्योर बिल्ली जो है वो लायंस को स्टेयर से नीचे चेज कर देते थे और बेलिंडा इतनी तेज गिगल करती थी हस्ती थी कि उसने घर ला दिया पूरा कौन सा यूज हुआ यहां पर <coughs> जल्दी बताओ कौन सा यूज हुआ लिटरेरी डिवाइस हाँ बहुत बढ़िया हाइपर बली या एग्जाजरेशन बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल दी है बात इतना तो पॉसिबल ही नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया है।, है ना नेक्स्ट एंड ब्लिंक सेड विक जो विक है वीक. इसका क्या बोलेंगे आप कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जल्दी बताओ बताया भी था कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है यहां यहां पर जल्दी बताओ इंक सेड पे कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जी बताइए तो यहां पर पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है यहां पर यूज हुआ है मुझे दिख नहीं रहा है हा ओनो लेकिन ओनो की स्पेलिंग गलत मत करिएगा ओनो मटो पिया पीओ आई ए इसको याद कर लो चाहिए आप पोइया एंड ओनोमोटोपिया पढ़ते हैं लेकिन पोइया याद रखो क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे बच्चों की वीक वीक जो है आवाज एक स्पेलिंग वो वाली है इस वजह से ठीक है रियलिट ट्रिलो में पोलिटिक लाइसेंस है ही आपको पता ही मियाउच मियाउच में भी ऑनोमोटोपिया है विंडा में भी पोलिटिक लाइसेंस है क्लैटर जेंगलिंग यहां पर भी ओनोमोटोपिया है तो बेसिकली ये तो तो जो ग्रीन वाले हैं वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ओनोमोटोपिया के जो पिंक वाले एग्जाम्पल हैं रियली ट्रूलियो वेंडा और कहीं नहीं और कहीं नहीं बस ये एग्जाम्पल है पोएटिक लाइसेंस के बड़े सारे लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किए गए हैं इससे क्वेश्चन आ जाता है लिटरेरी डिवाइस के ऊपर ओके क्लियर है जी ठीक है आगे चलते हैं चलिए हाँ अब ये लास्ट वाला है बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है टेरिफाइड सेफ केज और इसके अंदर हा ये दोनों कौन से पोएटिक डिवाइसेज यूज हुआ है यहां पर ये आपको बताना है सेफ केज और टेरिफाइड इंपॉर्टेंट है ये जल्दी बताओ इसका आंसर जल्दी बताइए थैंक यू सो मच अनिरुद्ध दिया बट आंसर तो दो लुकिंग गुड तो ठीक है आंसर बताओ फटाफट से एल्यूजन क्या होता है एल्यूजन होता है जब भी बच्चे किसी भी पॉपुलर जगह को इंसान को कॉन्सेप्ट को आइडिया को जिसका हिस्टोरिकल या सिग्निफिकेंस कुछ कुछ रहा हो इंपॉर्टेंस रहा हो वो पोएट मेंशन कर दे उसको। जैसे परसीवल एक पुराना योद्धा था जिसको पहले से जानती है दुनिया लेकिन उसको यहां मेंशन कर दिया बहुत बढ़िया ने आंसर बहुत अच्छे से करेक्ट दे दिया करेक्ट आंसर बच्चे यहां पे है ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट कई बार बता चुका हूं जब भी एक क्वालिटी किसी दूसरी चीज पे ट्रांसफर हो जाए एक नाउन से एक नाउन से दूसरी नाउन पे ट्रांसफर हो जाए जैसे देखो यहां पर जो टेरिफाइड वर्ड है तो बस्टर्ड फ्लडे टेरिफाइड टेरिफाइड मतलब होता है डरे होना और क्लियर मतलब होता है क्राई तो टेरिफाइड जो है वो चिल्लाना थोड़ी टेरिफाइड है चिल्लाना थोड़ी डरा हुआ है चिल्लाना तो एक नॉन लिविंग चीज है ना टेरिफाइड कौन है मस्टर्ड है लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया है पे इसलिए ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथ ऐसे यहां पर देखो सेफ केज केज थोड़ी सेफ है इंसान जो कस्टर्ड है वो एक सेफ जगह चाहता है केज तो नॉन लिविंग चीज है सेफ की जो क्वालिटी है वो ट्रांसफर कर दी गई केज पे इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथट ठीक है ओके okay. क्लियर होना चाहिए अब इसके पीवाई क्यूज फटाफट से बता दो जल्दी से कुछ पीवाई क्यूज हैं इसके बट कस्टर्ड क्राइड फॉर सेफ केज कस्टर्ड हुई क्राइड फॉर सेफ केज कस्टर्ड है कौन और वो क्यों केज के लिए चल रहा था एक सेफ तो कस्टर्ड इज ड्रैगन ऑफ बेलिंडा कस्टर्ड एक लिटिल पेट ड्रैगन है बेलिंडा का और वो एक सेफ केज के लिए क्यों चिल्ला रहा है बिकॉज वॉन्ट्स टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ क्योंकि वो comfortable life चाहता है और वो थोड़ा टिमेड है स्टार्टिंग में ऐसा दिखा कि वो थोड़ा सा टिमेड है थोड़ा सा हल्का सा दब्बू सा है ज्यादा किससे पालतू बोलता नहीं है कम्फर्टेबल लाइफ एंड टिमेड है इसलिए नेक्स्ट है हाउ डू यू डिस्क्राइब कस्टर्ड ड्रैगन आप कस्टर्ड ड्रैगन को कैसे डिस्क्राइब करोगे इन शॉर्ट आपसे पूछे उसके बारे में तो पहले तो उसकी फिजिकल अपियरेंस बता दो

कावर्ड uh, बोलते थे बुजदिल बोलते थे लेकिन जब वेन द राइट सिचुएशन केम वेन इट वॉज द राइट टाइम ही प्रूव टू बी द मोस्ट करेजियस आउट ऑफ ऑल पीपल जो भी वहां लोग थे उन सब में सबसे करेजियस कस्टर्ड ही निकला ये आप बता सकते हैं बेसिकली उसका उसके बारे में आपको फिजिकल और उसका जो बिहेवियर दोनों की उसने कैसे अनू प्रूफ कर दिया तो ऐसे ही कि जब मौका पड़ा पायरेट इनके घर में घुसा जिससे सब डर गए जिसके दोनों हाथों में पिस्टल थी और मुंह पे मुंह के दांतों के अंदर कटलस ब्राइट थी उसके सामने इसने कैसा बिहेव करा उसके सामने इसने

बुजदिल ड्रैगन या बहादुर जिस, जिसके अंदर करे हिम्मत ना हो ऐसा ड्रैगन ऐसे जो है, उसने गलत प्रूफ कर दिया ठीक है इसके पीवा हो गया अगला चलते हैं जी फॉग एक छोटी सी पोम है पांच छे लाइन की बिल्कुल उसको करते हैं बहुत ही छोटा सा इसको समझते हैं एक एक्सट्रीमली छोटी सी पोम है जो कि आपको कोई मैसेज नहीं देती स्पेशल बस इस पोम में एक फिनोमिना दिखाया गया है क्या फिनमिना कि फॉग कैसे आता है कैसे एक जगह पे थोड़ी देर स्टे करता है और फिर चला जाता है और इस फिना को एक खूबसूरत इमेजरी के साथ प्रेजेंट किया गया है इमेजरी मतलब आपको एक लैंडस्केप इमेजिन करवाया गया है फॉग के आने एनी वे फॉग आना बड़ा खूबसूरत सा होता है अपने आप में और इसके साथ साथ आपको इसका कंपेरिजन करके दिखाया कैट के साथ जिस तरीके से एक फॉग आता है ऐसी कैट आती है दिखाई गई एक बार पोम देख लेते हैं फिर आपको इन शॉर्ट बताता हूँ जल्दी से रॉपअप करते हैं इसको द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन अब जो फॉग आता है वो लिटिल कैट फीट पे आता है ये बोल दिया सीधा ऐसा नहीं बोला है कि वो कैट जैसे आती है ऐसे आता है ये बोल दिया गया जैसे वो लिटिल कैट फीट पे ही आता है इन शॉर्ट जैसे पहली दो लाइनस में बताया गया है फॉग कैसे आता है फॉग बिल्कुल साइलेंटली आता है एग्जैक्टली exactly वैसे ही जैसे आपके घर में अगर कभी बिल्ली आती है तो बिल्कुल शांति से आती है बिना आवाज करे किसी को कुछ नहीं पता चलता इट लुकिंग ओवर सिटी ऑन ऑन। साइलेंट एंड देन मूव्स फिर दूसरे पार्ट में अगली दो एक जगह पर थोड़ी देर रुकता है वॉच ओवर करता है हार्बर और सिटी हार्बर मतलब पोर्ट और सिटी तो एक शहर और सिटी जहां पर भी फॉग आता है वहां कुछ देर के लिए रुकता है बिना शोर करे And on silent haunches. Ha, on silent haunches क्यों बोला है? है 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 क्योंकि इसको personif, इसको इसको uh, किया है cat से. Haunches होता है ऐसे बैठना. जैसे cat है न, है haunches बैठना. जैसे बैठी ना बोलते हैं पे ठीक तो हॉन्चिस पे जैसे कैट बैठती है बिना शोर करे बिना आवाज करे ऐसे ही फॉग किसी city या हार्बर को ऑक्यूपाई करके रखता है थोड़ी देर दे तक घेर के रखता है बिल्कुल एंड देन मूव्स ऑन और फिर चला जाता है बिना शोर करे तो पोएट ने दूसरी लाइन से एक मेटाफॉर यूज करा है क्या कि फॉग आता है लिटिल कैट फीट पे कैट के पैरों पे आता है फॉग कहना क्या चाहता था पोएट जैसे कैट की सीट बिना आवाज करे पहुंचती ना कहीं भी ऐसी फॉग भी आता है लेकिन यह मेटाफॉरिकल एक्सप्रेशन यूज किया है और कमाल की बात यह पूरे उसके बाद पूरी पोम में इस मेटाफर को कंटिन्यू किया है जब भी ऐसा होता है इसको आप बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मेटाफर का। फिर ऐसे बैठता है ओवर हार्बन सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस साइलेंट हॉन्चेस पे कैट की तरह बैठता है और फिर मूव ऑन कर जाता है फिर चला जाता है चुपचाप तो इन शॉर्ट एक फिनोमिना है फॉग के आने का जिसकी एग्जैक्ट रिजेंबलेंस है बिल्कुल कैट के आने से इसलिए इसको बड़े अच्छे मतलब क्या सोच है बहुत अच्छे से सोचा पोएट ने मुझे बड़ी ताजुब सुनी लगी ये बात जब मैंने सुनी कि फॉग भी शांति से आता है बिल्कुल बिना आवाज करे आप सोए रात को एकदम से आपने सुबह देखा कि यार धुंधो तो रही है चार तरफ ऐसे एग्जैक्टली कैट आती है बिना शोर करे पता थोड़ी चलता है जब कैट आती है या फॉग आता है अनाउंसमेंट का राइवल का थोड़ा सा शोर थोड़ी मचाता है और फिर थोड़ी देर रुकता है और फिर चुपचाप चला जाता है दोनों कैट और फॉग की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि यहां पर आपको मेटाफर के थ्रू रिलेट करके दिखाई गई है कंपेयर करके दिखाई गई है फाइन अब चलते हैं जिसके ट्रेड डिवाइसेस पे तो पहली दो लाइन में ही आपको मेटाफर दिया गया है और उसके बाद एक्सटेंडेड मेटाफर है ठीक है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इमेजरी है बिल्कुल खूबसूरती से पूरी पोएम आप इमेजरी में आ, आ, इमेजरी के थ्रू याद कर सकते हो इमेजरी तो है ही ना आप इमेजिन कर सकते हो पोम फॉग का आना उसका साइलेंट हॉन्चिस पे बैठना कैट का और फिर चले जाना ये आप इमेजिन कर सकते हो तो इमेजरी यूज हुई है आप इस वाले का बता दो ये एक अच्छी ये एक अच्छा क्वेश्चन है ऑन साइलेंट हॉन्चेस यहां पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है ऑन साइलेंट हॉन्चेस साइलेंट हॉन्चिस तो हॉन्चिस क्या होता है बच्चे ये बैक वाला पोर्शन जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अभी कैट को बैठे हुए कैट जिस पोर्शन पे बैठती उसको है उसको हॉन्चिस बोलते हैं ठीक है तो साइलेंट हॉन्चिस में कौन सा पोइटिक डिवाइस है जल्दी से बताओ देखो यहां एंजॉयमेंट तो है ही लेकिन इस वाले पोर्शन पे जो ब्लू में हाईलाइटेड है, है उसका बताना अभी आपको पहले बहुत बढ़िया किसने सही आंसर दे दिया ट्रांसफर्ड एपिथेट है तो असल में हॉन्चिस थोड़ी साइलेंट है साइलेंट तो कैट है लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया गया है हॉन्चिस पे इसलिए ट्रांसफर ट्रांसफर्ड है क्लियर है बिल्कुल बहुत बढ़िया मुझे आप लोग लगभग सबने इसका आंसर दे दिया है करेक्ट है ठीक है बिल्कुल सही अब इनमें बता दो भाई अब आप बताओ इस लाइन में इन तीन लाइन्स में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जल्दी से बताओ फटाफट से कमान जल्दी बताओ जल्दी बच्चा पार्टी फटाफट से जल्दी 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 कमान 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 सब समझ में आ गया बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच अच्छा है अगर आपको आया समझ में तो अनिरुद्ध परसोनिफिकेशन क्यों नहीं होगा कैट से तो बच्चे परसोनिफाई किसको करा है पर्सन की क्वालिटी थोड़ी दी है फॉग को एक कैट की क्वालिटी दी है कैट एक पर्सन थोड़ी है अगर वो कहता कि फॉग आता है एक इंसान की तरह तो हम मानते कि परसोनिफिकेशन कैट की तरह आना बोला है ना तो इसलिए इसलिएसोनिफिकेशन नहीं है मेटाफर है हां बहुत बढ़िया एनजाममेंट है कुछ लोग एनजाममेंट की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं सही लिख लेना एग्जाम में अगर गलत लिख के आ गए तो इतने मार्क्स आएंगे नहीं जितने कट जाएंगे आपके कोई फायदा नहीं है फिर एन ई एन जे एम बी जैम एम एन टीमेंट एनजैम्बमेंट सिंपल फाइन ओके राइम स्कीम क्या है जी पोम की तो राइम स्कीम बताओ राइम स्कीम यह है बच्चे फ्रीवर्स में लिखा गया है कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी इसको फ्री वर्स में लिखा गया है ठीक है फॉग अराइव डिपार्ट जल्दी से बताओ फॉग कैसे, कैसे आता है और कैसे डिपार्ट कर जाता है बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल साइलेंटली लाउडली बोथ ए एंड बी कैसे आता है फॉग और कैसे चला जाता है जल्दी से बता दो एक बार ये फटाफट से

ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी साइलेंटली बिल्कुल सही बात है साइलेंटली आता है फॉग और साइलेंटली चला जाता है बिल्कुल सही बात है जल्दी से बताइए अरे भाई ओह चल जाओ चल जाओ चल जाओ चलो अब चल चल इसके बाद नहीं करेंगे ये पूल हम क्योंकि ये बार बार रुक रहा है इतने में आप ये बता दो राइम स्कीम ऑफ द पोम राइम स्कीम क्या है पोम की इस पोम की राइम स्कीम बताओ जल्दी से क्या राइम स्कीम है What is the rhyme scheme of poem? ओके कैन नाउ इज इट नाउ क्लियर अब आ रही है आवाज अब आ रही है क्या आवाज अब आ रही है क्या फटाफट से बताओ जल्दी बताओ एक थम्स अप दे दो थम्स अप दे दो जल्दी से बच्चा पार्टी प्लीज ओके आ गई ठीक है चाइन फाइन तो बोला स्टेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉग फॉग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टेल्थ स्टेल्थ मतलब किसी भी जगह चोरी छिपे आना आपको स्टेट करना है दो इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोम दैट सजेस्ट द सेम तो बच्चे कोई भी पोम के दो इंस्टेंस ले लो पूरी पोम उठाते हैं एक बारी चलो लो द फॉग कम्स ऑन लिटिल गैट फीट लिटिल गैट फीट यानी कि कैट की तरह स्टेल्थिली आती है पोम It sits looking over a and sitting on silent haunches and then moves on silent haunches पे बैठती है and then moves on है ना ऐसा बोला है तो ये दोनों instances आपको बताते हैं कि poet ये जो

विलियम बटलर किट साहब को नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर में जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है और ये नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है अपनी कलेक्शन ऑफ पोम्स के लिए मतलब एक बहुत बड़े राइटर हैं और इनकी राइटिंग में खूबसूरती होती है मतलब एक अदब होता है आपको प्यारी से लगेगी इनकी राइटिंग या जो भी लिखते है। राइटिंग मतलब हैं राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग नहीं जो पोम ये लिखे हैं उन्होंने मतलब वो अच्छी होती है कुछ उसमें ऐसा होता है कि आपको हिट करता है वो इट स्टेज विद यू ये जो पोम है इसका क्या थीम है इसमें एक बच्ची से बात करें जिसका नाम है एन ग्रेगरी कहीं भी पोम में नाम मेंशन नहीं है बच्ची का लेकिन टाइटल में नाम मेंशन है बस एन ग्रेगरी ये जो एन ग्रेगरी लड़की है एक यंग गर्ल है और यह इनकी एक फैमिली फ्रेंड है लेडी ग्रेगरी उनकी बेटी है सॉरी उनकी ग्रैंड डॉटर है है ना इज अ बिटवीन द पोइट एंड अ यंग गर्ल हु टू बी द ग्रैंड डॉटर ऑफ लेडी ग्रेगरी इनकी फैमिली फ्रेंड एक होती है उनकी ये जो कॉन्वर्जेशन है ये Poetis में डब्ल्यू कीट्स जो है वो एन ग्रेगरी को एक सलाह देते हैं क्या सलाह देते हैं कि कैसा लवर उनको अपनी लाइफ में ढूंढना चाहिए किस तरह का प्यार या किस तरह का लाइफ पार्टनर उनको अपने लिए ढूंढना चाहिए ये सलाह ये एडवाइस आपको पोएटिस में देते हुए दिखेंगे एन ग्रेगरी को और एन ग्रेगरी का बड़ा अच्छा सा जवाब होता है उस सलाह के ऊपर वो भी आप देखेंगे अभी तो चलिए शुरू करते हैं इसको ठीक है? ये लास्ट पार्ट है बच्चे इसका बिल्कुल ये तो सिलेबस में है भाई आन ग्रेगरी तो ओके पहला नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैंपार्ट्स एट योर यर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर रैंपार्ट्स क्या होता है बच्चे वॉल ऑफ अ फूट एक किले की जो दीवार होती है वो तो पोएट क्या बोलता है पोएट बोलता है कि पहले तो इन दो लाइंस का मतलब समझ लेते हैं फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा एक बार यूनाइट करके ये जो लड़की है एंड ग्रेगरी इसके ग्रे हनी कलर्ड हेयर है हनी कलर्ड मतलब गोल्डन येलो गोल्डन कलर के बाल है येलो गोल्डन कलर के बाल हैं इसके बच्ची के ठीक है येल्लो गोल्डन जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं इस तरह के खूबसूरत बाल हैं जो कि कानों के ऊपर ऐसे गिर रहे हैं तो पोएट इन बालों को कंपेयर करता है मतलब होता है जो फोर्ट है किला उसके उसकी जो दीवारें हैं उससे तो ये बाल जिस तरीके से कानों के ऊपर गिर रहे हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये दीवार हो कानों के ऊपर इसलिए इनको रैम बोल दिया है अब पूरे स्टैंड पे आते हैं पोएट बोलता है कि ऐसा यंग मैन जो कि तुम्हें देखते ही तुम्हारे खूबसूरत बालों को देख के येलो येलो गोल्डन कलर के बालों को देख के अगर वो होपलेस हो जाए एकदम से बरगल आ जाए तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए सिर्फ तुम्हारे बालों को ही देखकर तो समझ लेना कि वो तुम्हें कभी सिर्फ तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा वो तो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी तुम्हारे बालों के लिए तुमसे प्यार करेगा बस क्या मतलब है इन शॉर्ट देख लो नेवर शेल अंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर एक यंग मैन जो कि डिस्पेयर में चला गया हो होपलेसनेस में चला गया हो वर्ग गया हो वो कभी भी नहीं करेगा लव यू फॉर योर वो तुम्हारे लिए तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा एंड नॉट योर येलो हेयर वो तो तुमसे तुम्हारे येलो बालों के लिए प्यार करेगा इन शॉर्ट ये जो येलो हेयर है यहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव है बच्ची की नेचुरल ये जो ब्यूटी है ना इसकी उस पूरी के खूबसूरत बाल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है इस बच्ची के खूबसूरत ओवरऑल uh, आउटलुक जिस तरीके से फिजिकल अपरेंस पूरी इसकी है उसके इसकी जो ब्यूटी है इसका जो चाम है उसका सिर्फ बाल रिप्रेजेंटेटिव बालों के नहीं है बाल सिंबॉलिक है उसके पूरी खूबसूरती के तो इन शॉर्ट पहले स्टैंड में पोइट ने क्या बोला है कि अगर कोई यंग इंसान यंग मर्द मैन तुम्हारी खूबसूरती आउटर ब्यूटी पे जो कि तुम्हारे बालों को देख के इंप्रेस हो जाए तो समझ लेना कि वो तुमसे प्यार नहीं करेगा वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी की वजह से तुमसे प्यार करेगा एक एडवाइस सी दी है अब क्या जवाब दिया एंड ग्रेगरी ने वो सुनिए खूबसूरत जवाब है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सच सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर तो ये बच्ची बोलती है क्या मतलब एक छोटी बच्ची इस तरह के जवाब से उसको देना इज अमेजिंग क्या जवाब देती है पोहिट को कि अगर ऐसा है कि यंग लोग मुझे जाने बिना सिर्फ मेरी खूबसूरती से इंप्रेस होकर मुझसे लगाव रख करेंगे और मुझे जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे मेरे इनर ब्यूटी से लगाव नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी इस चीज से बचने के लिए कि मैं अपने बालों को कलर करा लूंगी हेयर डाई करा लूंगी या तो ब्राउन कलर का उनको कर लूंगी या ब्लैक कलर का या कैरेट रेड कलर का बेसिकली ऐसे कलर इन में से कोई कलर कर लूंगी क्यों ताकि वो यंग लोग जो कि मेरी ब्यूटी देख के इंप्रेस हो जाते हैं और मुझे जानने की कोशिश ही नहीं करते वो यंग लोग मेरी ब्यूटी को ना देखें बल्कि मुझे जानने की कोशिश करें सो दैट यंग मैन थ्रोन मे लव मी फॉर सेल्फ अलोन एंड नॉट माईअर ताकि यंग मैन जो कि वो यंग मैन जो है वो मुझे जानने की कोशिश करें मुझे मेरे लिए प्यार करें मेरे लिए प्यार करें मतलब मेरी इनर ब्यूटी को जाने मुझे जाने मेरे बालों की वजह से मुझे प्यार ना करें क्या तरीका सुझाया इसने वो जो बाधा बंद रही थी इसकी ब्यूटी किसी इंसान को इसे जानने में कोई इंसान इससे लगाव रखता बच्ची से लाड़ लगाव करेगा इससे प्यार करेगा इसकी ब्यूटी की वजह से ऐसी एक बाधा बन रही थी पोइट के अकॉर्डिंग तो इसने वो कट ऑफ कर दिया इसने बोला कि मैं इन ब्यूटी खूबसूरत बालों को रंग दूंगी दूसरे कलर में ताकि लोग जो है इन बारों से बालों पर ध्यान ना जाए उनका वो मुझे जाने और फिर मुझसे प्यार करें बहुत ही प्यारा मतलब ये बात मुझे लगी आगे देखिए अब लास्ट आंजा इस फोम का तो अब पोएट जवाब देते हैं इस बात का क्या आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर क्या मतलब है जी इसका तो इसका मतलब है बच्चे बड़ा सिंपल सा इट जस्ट मीन्स येस्टर नाइट एक वर्ड है यहां पर जिसका मतलब होता है लास्ट नाइट बाय द वे ओके okay. तो अब पोएट इस लाइन में बोलते हैं कि मैं कल ही एक रिलीजियस बुजुर्ग रिलीजियस इंसान से मिला जिसने मुझे बताया है और उन्होंने यह मुझे एक टेक्स्ट एक रिलीजियस ग्रंथ में देख के बताया है क्या प्रूफ के साथ उन्होंने बताया कि सिर्फ भगवान कुड लव यू फॉर योर सर्फ लोन एंड नॉट योर येलो हेयर सिर्फ भगवान ऐसा होता है जो कि हमें जैसे हम हैं हमारी इनर ब्यूटी की वजह से उसकी वजह से प्यार करता है इंसानों के अंदर ये गुण नहीं है कि वो हमें हमारी वजह से प्यार करें इन शॉर्ट एक छिपा हुआ मैसेज दिया है इसमें पोइट ने वो ये कि आप लोग एक ऐसा लवर सीख करिए अपनी लाइफ में जो आपको आपकी इनर ब्यूटी उसकी वजह से प्यार करें आप बाहर से जैसे दिखते हैं उसकी वजह से नहीं अगर आप बाहर से खूबसूरत है तो आपसे प्यार करें और अगर आप बाहर से खूबसूरत नहीं तो आपसे प्यार ना करें ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा इंसान ढूंढिए अपनी लाइफ में जिसको आपकी बाहरी खूबसूरती से फर्क ना पड़े जो कि ये देखे कि आप अंदर से कितने अच्छे हैं आपकी नेचर कितनी अच्छी है आपका बिहेवियर कितना अच्छा है और अगर ऐसा प्यार आप ढूंढ पाओगे ऐसा इंसान आप ढूंढ पाओगे तो वो डिवाइन होगा क्योंकि ऐसा प्यार सिर्फ भगवान हमें करते हैं और अगर ऐसा प्यार हम असली में ढूंढ पाए तो इट वुड बी इक्वल टू तो वो भगवान जैसा हमसे प्यार करता है कुछ कुछ उससे रिजेंबल करेगा जिससे अच्छी क्या बात होगी तो ये इन शॉर्ट तीन स्टैंड करना चाहे क्या आपको समझ में आया अगर आ गया तो मुझे फटाफट से एक बारी मैसेज बता दो क्या मैसेज लिया है इस पोएट से आपने जल्दी बताओ फटाफट से मैसेज क्या मैसेज है जल्दी बच्चा पार्टी फटावट से बताओ कमॉन क्विकली क्या मैसेज है मैसेज बताओ फटाफट से जल्दी ब्यूटी इज नॉट परमानेंट ठीक है ये भी एक मैसेज है बिल्कुल सही बात है अगर कोई आपसे आपकी ब्यूटी की वजह से प्यार करेगा तो जब बुजुर्ग हो जाओगे तो शायद ब्यूटी फेड अवे हो जाए उसकी वजह से फिर वो खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा फिर प्यार भी खत्म खाना तो नहीं हुआ अभी लेकिन आप लोग की क्लास खत्म करके अब टाइम जरूर हो गया है खाना मिल जाएगा मुझे थोड़ी देर में थैंक यू सो मच फॉर द केयर दो श्रेयांश बताओ तो श्रेयांश भाई बता दो भाई सम्राट भाई परेशान हो रहे हैं यहां तो देखता ही अच्छा यहां तो देखते आई लव यू हो जाता है यहां तो बिना देखे हो गया है चार्ट में कई लोगों को इनर ब्यूटी इज रियल विच शुड बी लव्ड बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया और कुछ यू शुड मोर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी बिल्कुल सही बात है और कुछ गॉड लव इज अनइक्विटेबल ठीक है ये भी सही बात है सर हैप्पी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे अच्छा ठीक है लुक्स आर डिसेप्टिव बिल्कुल सही बात है और कुछ और कुछ इंटरनल ब्यूटीज परमानेंट ठीक है तो मैसेज ये मिलता है फाइंड अ लाइफ पार्टनर हु लव्स यू फॉर हु यू आर जैसे आप हो उसकी वजह आप से आपसे प्यार करे Not for your outer beauty or appearance. ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो कि आपको आप जैसे हो अच्छे हो बुरे हो बिहेवियर जैसा भी आपको आपको आपकी वजह से प्यार करे ऐसी इसलिए प्यार ना करे कि आपकी जैसे दिखते हो उस वजह से प्यार करे आपको अगर आप अच्छे दिखते हो तो आपसे लाड़ लगाव करे अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आपसे लाड़ लगाव नहीं फाइंड सम वन जो कि आपके आउटर ब्यूटी से अंदर जाके आपको जाने आपके बिहेवियर को जाने और फिर आपसे लगाव रखे दूसरा गॉड्स लव इज सेल्फलेस गॉड्स लव जो है भगवान का जो प्यार है हमारे लिए वो सेल्फलेस होता है और मैं ऐड करना चाहूंगा शायद माँ बाप का प्यार भी कुछ हद तक ऐसे ही होता है वो भी सेल्फलेस होता है माँ भी पूरे टाइम मेहनत करती रहती है अपने बच्चे के लिए पूरी पूरी रात जागती है अपना अपनी जान लगा देती है अपने शरीर का एक अंग एक तरह से बना के बच्चे को पैदा करती है वो तो माँ का प्यार भी सेल्फलेस होता है मुझे ऐसा लगता है इक्विटेबल है शायद आई थिंक गॉड के मुझे ऐसा लगता है अगर किसी कोई बात ना से नहीं जमी हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट लेकिन मुझे लगता है इक्वल ही मानिए इसको आप एनी वे अब बताइए फटाफट से यंग मैन अकॉर्डिंग टू स्पीकर इज मोर लैक्ली टू फॉल फॉर लिसनर्स वर चूज वेल्थ फिजिकल ब्यूटी और इनर ब्यूटी जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी जल्दी 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 फटावट से बताओ बच्चा पार्टी फटावट से ठीक है ओके करेक्ट आंसर इज अंग मैन अकॉर्डिंग टू स्पीकर इज मोर लैकली टू फॉल फॉर लिस्नर्स लिस्नर कौन है एंड ग्रेगरी फिजिकल ब्यूटी ऑप्शन सी फिजिकल ब्यूटी की वजह से दे लव हर ऐसा आप बोल सकते हैं नेक्स्ट रैम पार्ट एट रेफर्स टू लिस्टर्स वॉट रैम पार्ट एट योर इिसनर की किस चीज के बारे में बात कर रहा है यहां हेयर फॉलिंग ऑन अवर ईयर इयरिंग्स डैंगलिंग फ्रॉम अर मोल्स ऑन अर ईयर क्राउन ऑन अर हेड रैम जो है उसको किस चीज के लिए बोला गया एट योर सर्टिफिकेट बोला गया ना वो किस चीज के लिए बोला गया ये बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी बड़ा बड़ से। कमान 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 बता दो भाई लोग जल्दी से किस चीज के बारे में बात की गई है यहां पर यही बताना है आपको बस तो बच्चे रैम एट योर यम

वे बीन फॉर गुड फाइव सिक्स आवर्स हो चुके हैं हमें यहां पर रहते रहते भाई इसको जल्दी से खत्म करा दो फटाफट से बहुत सही करेक्ट आंसर इज मेटाफर रैम जो फोर्ट होता है उस किला उसके जो वॉल्स होती हैं उससे कंपेयर कर दिया बालों को और कंपेयर करने की जगह रैम पार्टी बोल दिया है को, ही बोल दिया। एक चीज को दूसरी चीज ही बोल दिया तो मेटाफर हो गया नेक्स्ट वुड यू लाइक टू डाई हर हेयर इन ब्राउन ब्लैक और कैरेट टू अच्छा ये जो एन ग्रेगरी है वो अपने बालों को ब्राउन ब्लैक या कैरेट कलर का क्यों डाई करेगी लुक मोर ब्यूटीफुल कीप फॉल्स लवर्स लवर्स एट बे अट्रैक्ट मोर गो विद द करेंट फैशन क्यों करेगी ऐसा वो क्यों करेगी ऐसा जल्दी से बताओ वो अपने बालों को कलर क्यों करेगी लुक मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत लगने के लिए कीप फॉल्स लवर्स एट बे एट बे मतलब एट डिस्टेंस जो झूठे लवर्स हैं उनको दूरी पर रखने के लिए अट्रैक्ट वो लवर्स गो विद करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी की ऐसे लोग जो कि आपकी ब्यूटी से इंफ्लुएंस होकर आपसे लगाव रखते हैं आपको अप्रोच करते हैं उन, उनको दूर रखने के लिए ये बेसिकली इसका लॉजिक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी देखते हैं आप में से कितने एट्टी एट परसेंट अरे वाह बहुत ही बढ़िया मजा ही आ रहा है तो आई इज इन कॉन्वर्जेशन विद यहां पर आई जो है वो किसके साथ कॉन्वर्जेशन में है अ लवर द पोएट हर्सेल हर मदर है ना अब पोएम देख लो एक बारी किसी को आई कंफ्यूजन हो तो ये देखो ये वाला आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन ये जो आए है यहां पर ये कौन है और ये किससे बात कर रहा है इनसे आपसे पूछा गया कि किससे बात कर रहा है ये आईज इन कॉन्वर्जेशन विद अ लवर द पोएट हर्सेल हर मदर किससे ओ सॉरी आई आई दूसरे स्टैंड जाकर आई है बेसिकली जहां पर लड़की बोल रही होती है कि आई कैन गेट माई हेयर डन वो किससे बात कर रही है आई एम सो सॉरी फॉर द करेक्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है थोड़ी गलती हो सकती थी इसमें एनी वे एक्सप्लेनेशन डिटेल ये रही स्पीकर ने दे रही ये वाला छोड़ दो ये वाला छोड़ दो मैसेज आपको बता चुका हूं लिटरे डिवाइस करते हैं चलिए जी अब अब ये बताइए यहां पर कौन सा लिटरेडिज पहले ब्लू वाले में बताइए जल्दी से जल्दी से आप करते हैं इनको ठीक है कौन सा लिटरे डिवाइस यूज हुआ है जो ब्लू से हाईलाइटेड है पोर्शन उसमें ब्लू वाला जो पोर्शन है उसमें जो हाईलाइटेड है कौन सा लिटरेट डिवाइस यूज किया गया जल्दी बताइए कमेंट करके बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से कौन सा लिटरेट डिवाइस यूज हुआ है बच्चे फटाफट से बताना जल्दी बताओ ओके okay, एलिट्रेशन है बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सही बात है एलिट्रेशन है ये तो की आवाज़ रिपीट हो रही है साउंड रिपीट हो रहा है नेक्स्ट देखो येलो हेयर ग्रीन वाला यहां पर कौन सा यूज हुआ है लव मी फॉर अच्छा कुड लव यू फॉर योर योर सेल्फ एलोन नॉट योर येलो हेयर अब यहां पर देखो कौन सा लिटरे डिवाइस यूज हुआ है देखो योर सेल्फ यू येलो हेयर येलो हेयर यहां पर आप देख रहे होगा कुछ ना कुछ बार 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 आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है यहां पर यह आपको बताना है बिल्कुल सिंपल कौन सा यूज हुआ है बता दो भाई लोग बिल्कुल सही सिंपल रिपीटिशन है रिपीटिशन यूज किया गया है ठीक है और कोई अब यहां बताओ जी पहले ग्रीन वाले ही बता दो थ्रोन इन टू डिस्पेयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन दैट यंग मैन इन डिस्पेयर me लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन मतलब आप देख रहे हैं यहां पर जो कुछ लाइंस हैं ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड है उनमें कौन सा लिटरे डिवाइस यूज किया गया है कौन सा लिटरे डिवाइस यूज किया गया है जल्दी से बताओ बच्चा बचावाटी फटावट से जल्दी से बताना है फटावट से बताओ चलो पहले इससे ग्रीन वाला बता रहे हो ना आप लोग ग्रीन वाला बता रहे हो बताओ बताओ से बताओ कौन सा यूज हुआ है देखो ग्रीन वाले तो एंजाइमेंट है सिंपल बिल्कुल एंजाइमेंट है ये वाला बता दो तो एक बारी ब्लू वाला जो ये पोर्शन है इसमें कौन सा लिटरे डिवाइस यूज हुआ है बाईस ग्रेट हनी कलर्ड आंसर दे दिया है इसका बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसमें बताओ जल्दी बताओ इसमें बटावट बड़ से रिपीटन और एलिट्रेशन में एलिट्रेशन होता है जब एक कॉन्स्टेंट साउंड रिपीट हो वर्ड की स्टार्टिंग में जैसे सी शेल सी शेल्स बाय द सी स स की आवाज रिपीट हो रही है रिपीटेशन मतलब जब एक वर्ड रिपीट हो या फ्रेज रिपीट हो पूरी कहीं कहीं ठीक है तो ये है मेटाफर ये वाला मेटाफर है दे दिया आप लोगों ने सही जवाब और कोई भी है क्या यहां पर नहीं अच्छा ये भी है ना नेवर शेल यंग मैन एंड नॉट योर येलो हेयर ये वाला इसमें क्या यूज हुआ है भाई बताओ फटाफट वड़ से ठीक है चलो आगे चलते हैं मेटाफर फॉर एंजॉयमेंट ओके अब यहां एंड नॉट योर येलो हेयर ब्राउन अच्छा जी ठीक है एक लास्ट बचा हुआ है येलो हेयर इसमें कोई यूज है क्या ये बता दो फटाफट से ध्यान से देखो बच्चे लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर एक बार इस पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ना यहां येलो हेयर जो है ना वो सिंबोलिकली स्टैंड कर रहा है किसी और चीज के लिए तो यहां पर कौन सा पोइट्रिक डिवाइस यूज किया गया है बड़ा अच्छा एक पोइट्रिक डिवाइस है नया जो कि आपको बताना पड़ेगा मुझे इसके साथ वो मैं समझा भी दूंगा अभी आपको लेकिन एक बार ट्राई करो अपने एंड से ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं अभी तक बताया नहीं है वैसे मैंने वो वाला, अभी तक नहीं बताया बच्चे अब एक बारी देख लेंगे हम लोग उसको चलो ओके okay, मैं आपको बताता हूं बच्चे यहां यूज हुआ है साइनेक डॉकी बिल्कुल एक नया पोएटिक डिवाइस है क्या होता है ये जब आपको स्मॉल पोर्शन रिप्रेजेंट्स अ होल मतलब बताता हूं अभी इसका जब एक कोई छोटा पोर्शन किसी चीज का बड़ी चीज रिप्रेजेंट करे जैसे एग्जाम्पल देखो ही आस्ट फॉर हर हैंड इन मैरिज तो यहां पर जो हैंड है ना बच्चे ये जो वर्ड हैंड है परफेक्ट एग्जाम्पल है एक का उसने उस लड़की का हाथ मांगा शादी के लिए तो शादी के लिए खाली हाथ थोड़ी मांगा हाथ या रिप्रेजेंटेटिव किस चीज का है उस पूरी लड़की का ना इट इज नॉट से थोड़ी बोल रहा है इस एक्सप्रेशन का मतलब थोड़ी है इट नॉट मीन कि उसने सिर्फ लड़की का हाथ मांगा इससे शादी करनी है मेरे को और ले लो आप <laughs> नहीं ऐसा थोड़ी होता है हैंड का मतलब है द कंप्लीट पर्सन बेसिकली कंप्लीट पर्सन यानी कि लार्जर ऐसे यहां पर ये, जो है ये, है किसका? ये दिखाता है उस लड़की की आउटर ब्यूटी को या चाम को इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्यूटी और हर चाम उसकी जो आउटर ब्यूटी है और उसका चार है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है ये बच्चे प्लीज रिपीट टू तो रिफ्रेन होता है ना फ्रेज रिपीट तो होता है। नहीं रिफ्रेन नहीं होता है तो वाला पार्ट होता जो कि रिपीट होता है गाने में या मुखड़ा जिसको आप बोलते हैं बट अगर रिपीट हो तो रिपीटेशन बोला जाता है रिफ्रेन भी ऐसा ही होता है लगभग ऐसा ही मान लो लेकिन अभी जो समझा रहा हूं वो तो समझ लो यार रिफ्रेन भी रिपीट होता है वैसे बात सही है लेकिन रिफ्रेन हम जनरली इनमें नहीं बोलते हैं गाने वगैरह हम बोलते हैं उसको डोक्स रिपीट अरे पेराडोक्स रिपीट कहा भाई ये समझ में आया क्या होता है एक बारी फटाफट से दो अगर समझ में आया तो समझ में आया तो जल्दी से दो ना फटाफट से आगे बढ़ते हैं भाई मुझे आगे बढ़ना है जल्दी से बताओ फटाफट से साइनक डॉकी समझ में आया क्या होता है रिपीट कोई बोल रहा है तो साइनक डॉकी क्या होता है जब एक छोटा सा पार्ट एक पूरे होल को रिप्रेजेंट करे जैसे एग्जाम्पल ही आस्क फॉर हर हैंड इन मैरिज उसने उस लड़की का हाथ मांगा शादी के लिए तो हाथ जो है यहां पर वो उस पूरी लड़की को रिप्रेजेंट करता है एक छोटा सा पोर्शन वो पूरी पूरी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ऐसे यहां पर जो येलो हेयर है ये येलो हेयर खाली येलो हेयर के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये दिखाता है उसकी पूरी आउटर ब्यूटी लड़की को है ना पोएट ने बोला है कि कोई भी लड़का जो कि तुम्हें देख के बर्गला जाए वो सिर्फ तुमसे तुम्हारे बालों की वजह से प्यार नहीं करेगा बल्कि वो, वो, वो सॉरी वो तुमसे तुम्हारी इनर ब्यूटी की वजह से प्यार नहीं करेगा तुम्हारे बालों की वजह से प्यार करेगा तो ये जो बाल है यहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव है लड़की की पूरी खूबसूरती के जो भी आउटर ब्यूटी है उसके क्लियर है ये ठीक है क्लियर है बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ओके चलिए अब आगे चलते हैं जी सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म तो आपको पता ही है बिल्कुल ये जो ये जो येलो हेयर है इसके ये सिंबोलिज्म भी है सिंबल भी है उसके आउटर ब्यूटी के और साइनिक डॉकी भी है दोनों यहां पर यूज हुआ है ये ठीक है राइम स्कीम क्या है अगेन सेम राइम एस दस ए बी सी बी डी बी एक मिनट ये देख लेते हैं चलो एक बारी कोई भी एक लाइन ले लो देखो जी डाई को ए मान लू देर को बी मान लू कैरेट को सी मान लू डिस्पेयर को डी मान लेता हूं एलोन ए बी सी डी क्या रेट अलोन नहीं वाला तो नहीं बैठ रहा है भाई ओके और सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग आउट एक मिनट चेक करते हैं यहां पर मैन को ए मान लेते हैं डिस्पेयर को बी मान लेते हैं कलर्ड को सी मान लेते हैं ईयर ठीक है डिस्पेयर से राइम कर रहा है बी फिर अलोन इज डिस्पेयर ओके ए बी सी डी और हेयर हाँ ठीक है ये राइम स्कीम है ए बी बी डी बी क्योंकि दूसरी चौथी और छठी लाइन राइम कर रही है इसलिए ए बी सी बी डी बी इसमें भी आना चाहिए था ऐसी वैसे ए तो ए मान लेता हूं देर को बी मान लेता हूं कैरेट को सी मान लेता हूं डिस्पेयर फिर से बी ठीक है डिस्पेयर देर राइम कर रहे हैं ये सी और हेयर ठीक है ये बी सही है सही है सही है ए बी सी बी डी बी ये राइम स्कीम है बिल्कुल सही है जी ए बी सीबी डी बी ये राइम स्कीम है ठीक है अब जरा इसके पीवाई क्यूज करते हैं सीधे विदाउट एनी एडियू इसके कुछ क्वेश्चन समरी में निकालना चाहता हूं सीधे ओके okay, इनको डिस्कस करते हैं जी व्हाट द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड कलर वाई ही से दैट द यंग मैन आर थ्रोन डिस्पेयर नाई देम फटाफट से बताओ ऐसा क्यों बोलते हैं वो बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है खत्म कर रही है बच्चे बस उड़ान की क्लास भी करनी है अच्छा ठीक है अंडरस्टैंड हम इसको रैप अप कर रहे हैं अगले दो से तीन मिनट में रैप अप कर रहे हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं यंग मैन इससे ग्रेट हनी कलर्ड र तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो उसके बाल है वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो कानों को ऐसे कवर करते हैं जैसे कि एक किले की दीवारें कवर करती हैं किले को

हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम फॉर एनग्रेगरी इसका सेंट्रल थीम क्या है तो सेंट्रल थीम यह है कि द पोएट एडवाइजेज अंग गर्ल अबाउट हाउ टू चूज हाउ टू और वट काइंड लवर शुड शी चूज फॉर हर सेल्फ सेंट्रल थीम है दिवाइन लव इज सेल्फलेस डिवाइन लव की तरह हमें खोज करनी चाहिए कुछ नेक्स्ट है द येलो हेयर इज अ सिंबल इन द पोम ब्रीफली सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोम फॉर एनग्रेगरी येलो हेयर जो है वो किस चीज का सिंबल है तो येलो हेयर जो है वो इस यंग बच्ची की आउटर ब्यूटी या इसके चाम का इसकी ओवरऑल खूबसूरती जो है उसका सिंबल है राइट right? जिसकी वजह से सारे यंग लोग या यंग लड़के जो हैं दे विल बी थ्रोन इन टू डिस्पेयर मतलब वो इस लड़की को इसकी आउटर ब्यूटी की वजह से प्यार करेंगे दे विल नॉट बी एबल टू दे विल नॉट ट्राई टू नो हर इन साइड आउट वो इसको अंदर से जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि वो किस तरह की है ये बोला गया है यहां पर ठीक है ये इसके आंसर्स हुए एंड विद दैट हम पहुंच गए इस सेशन के एंड पर आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया हो हमने सारी पोम्स को डिटेल में कवर किया है हमने सारी पोम्स के जो पोइट्रिक uh, डिवाइस हैं वो जोर कवर किए हैं सारी पोम के पीवा क्यूज कवर हैं याद रखिए इससे एक फाइव मार्क का एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा और इससे कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा खासा वीडियो होता है पोइट्री का पूरा उसको अच्छे से कवर करिए रिवाइज कर लीजिएगा इसके जो नोट्स हैं आपको वो पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना होगा उसके लिए पीडब्ल्यू आप डाउनलोड कर लोगे तो ऊपर आप वॉरियर बैच सर्च करना वॉरियर 2024 ट्वेंटी ट्वेंटी एनरोल करिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें एनरोल करने के बाद वो आपको माई बैचेस में विजिबल हो जाएगा उसके अंदर जाइएगा आपको वॉरियर में जितनी भी क्लासेज अभी तक हुई है इंग्लिश की वो सब विजिबल होंगी और इसके नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे ये सारे नोट्स मैं वहां अटैच कर दूंगा ये आपके काम के रहेंगे बहुत क्योंकि इसमें

जो भी आप करो वो आपके दिल से आना चाहिए और इस थॉट के साथ मैं आपको छोड़ के जाना चाहूंगा कि आप मेहनत करें आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं आप लोग जी जान लगा दो एक बारी एक सपना देखो अच्छे से एग्जाम में अच्छे सा स्कोर करने का एंड इस एग्जाम के थ्रू आप सीखेंगे कि, कि किसी भी लाइफ की परीक्षा को कैसे फेस करना है तो ये सीख जाओ अभी Begin this journey, ये जरूरी है like जरूर नींद लीजिए और खाने का ध्यान रखिए इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी अच्छे से तैयारी करिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम ग्रामर कवर करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट लाइकली नए साल के बाद सो आईड लाइक टू विश येरी मैरी uh, क्रिसमस क्योंकि आने वाला है और नए साल की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे से मनाइएगा सेफ रहेगा अच्छे से खुशी जरूर सेलिब्रेट करिएगा बट अपनी तबियत का ध्यान रखिए सो थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे हैव है वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में चिबिल मिलते हैं नए साल के बाद थैंक यू सो मच यू हैवुड बाय टेक केयर थैंक यू